तो अब बात कर रहे हैं अभ्यास टू ये अपन बात कर रहे हैं, मैं कह रहे हैं अभ्यास की अनिवार्यता है। क्यों अभ्यास की अनिवार्यता है? क्योंकि हम अभ्युदय चाहते हैं, हम अपने में सर्वतोमुखी समाधान चाहते हैं, और उसको दूसरे ढंग से कहें तो हम अपने में निरंतर सुख शांति समाधान समृद्धि के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए अभ्युदय की को पाने के लिए अभ्यास की अनिवार्यता की बात कर रहे हैं। तो अभ्युदयार्थ किया गया आयास, आकांक्षा और हर्ष सहित किया गया प्रयास ही अभ्यास है। तो अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान के लिए जो मेरे में आकांक्षा है, मेरी जो कामना है, उसके लिए जो हर्ष सहित दबाव पूर्वक नहीं, क्योंकि देखिए अभ्युदय सारा अध्ययन, क्योंकि जब भी अभ्युदय के लिए प्रयास होगा तो अध्ययन होगा, और अध्ययन जो है वो स्वभाव गति में है, अर्थात सहजता में है, ये दबाव पूर्वक नहीं है। दबाव पूर्वक एक दो बार कोई हमारे में कारण इच्छा से हो सकता है काम हो जाए, जो तीन इच्छाओं की हम लोग अपन बात किए थे कर्म दर्शन में, है ना, सूक्ष्म इच्छा, कारण इच्छा और तीव्र इच्छा। तो किसी के कारण बस हम कभी शिविर में आ सकते हैं, कोई हमें किताबें गिफ्ट कर सकता है, और आजकल तो है ना कोरोना में सब लोग घर बैठे हैं तो बहुत सारे लोग अपने मित्रों को वीडियो लिंक ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ये जब तक जिसके पास वो लिंक पहुंच रहा है, जब तक उसमें आकांक्षा ना बने और हर्ष सहित नहीं होगा, तब तक अभ्युदय प्रयास नहीं हो रहा है ना, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों क्यों और कैसे का उत्तर पाने के लिए किया गया बौद्धिक वाचिक कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है। तो क्यों और कैसे का उत्तर पाने के लिए जो भी क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप तीन डोमेन में हो रहा है, बौद्धिक वाचिक और कायिक, या जिसको वाचिक कायिक और मानसिक, है ना, कृत कारित अनुमोदित, है ना, जो अपन ने कर्म दर्शन में पढ़ा था। तो जब तक मेरे में क्यों का उत्तर नहीं बनेगा, है ना, मेरे में क्यों, जब मुझे वो जिज्ञासा नहीं बनेगी कि यार जो जैसा मैं जी रहा हूं ये पूरा नहीं पड़ रहा है, इसलिए तो अभ्युदय चाहिए ना भाई, है ना, सर्वतोमुखी अभी मुझे लगता है कि मेरे पास जितना समाधान है ना, रूप बल पद धन के अर्थ में ये पर्याप्त है, तब तो उस तरफ गति नहीं होगी। तो किसी क्यों और कैसे का उत्तर पाने के लिए जब मेरे में ही ये क्यों और कैसे का प्रश्न खड़ा हो जाता है, अर्थात जितना अच्छा मैं जी रहा हूं, इसका मतलब ये भी नहीं मैं कह रहा हूं कि जिनमें क्यों और कैसे का उत्तर खड़ा हो रहा है वो बहुत परेशान है, ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा है। हम क्योंकि गति जो होती है ये सुख से सुख की ओर गति है, है ना, या कम सुख से अधिक सुख की ओर, या शीघ्र परिणामी सुख से दीर्घ परिणामी सुख की ओर, या अपरिणामी सुख की ओर गति है। तो ये ऐसा नहीं है कि दर्शन उन लोगों के लिए जो परेशान है, है ना, बल्कि उल्टा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जितना ठीक है उससे अधिक तृप्ति की अपेक्षा में हम क्यों और कैसे का उत्तर पाने के लिए प्रयासरत होते हैं। उसके लिए जो प्रयास बौद्धिक वाचिक कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है, अर्थात अब समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास है। तो ऐश्वर्य संपन्न होने के लिए नहीं, या केवल रूप बल पद धन से संपन्न होने के लिए नहीं, बल्कि समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास है। तो इसमें जितने अभ्यास की बात कर रहे हैं वो समाधान संपन्नता के लिए अभ्यास की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्वयं में ये निष्कर्ष भी आना होगा कि अभी मेरे पास समाधान हर आयाम में नहीं है, किन्हीं आयामों में है, और ये पूरा नहीं पड़ रहा है जीने में, इसलिए हमें उन आयामों में समाधान संपन्न होना है, फलस्वरूप अपन आगे बढ़ेंगे। श्याम वीर जी कुछ लिख रहे हैं, भैया मुझे लगता है बाबा निर्भ्रम अवस्था में हर मानव में व्यंजन क्षमता होने और अभ्युदय संभावना का आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। तो निर्भ्रम अवस्था में व्यंजना की परिपूर्णता हो जा रही है, ये बात ठीक है। उसके पहले जो व्यंजित होता है उसमें मेरे में अपने ही पात्रता योग्यता अनुसार पूरा अस्तित्व तो हर समय हर मानव में व्यंजित ही है, लेकिन उसको मैं ठीक से मेरी व्यंजन क्षमता ठीक नहीं है, उसकी ग्रहण करने की पात्रता ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं पूरा पूरा उसको नहीं पकड़ पाता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है कि निर्भ्रम अवस्था में ये पूरी तरह व्यंजित हो जाता है, माने संकेत भी पूरी तरह ठीक ठीक ग्रहण होते हैं और उसको प्रदायी क्षमता संप्रेषणा भी ठीक हो पूरी पूरी कर पाते हैं। बढ़िया, तो अर्थात समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास है मूल प्रवृत्तियों के परमार्जन पूर्वक,
कुशलता एवं पांडित्यपूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मूल प्रवृत्तियों के परमार्जन पूर्वक कुशलता एवं पांडित्यपूर्ण व्यवहार ही अभ्यास। अब अभ्यास हम कर रहे हैं, इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? तो अभ्यास का प्रमाण व्यवहार में है। ये फलक्रम पॉइंट है, क्योंकि बाबा ये कह रहे हैं कि ज्ञान का जो प्रमाण क्या है, ज्ञान का, मैं ज्ञानी हूं, है ना, इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? तो व्यवहार रूपी अभ्यास में ज्ञान का प्रमाण है। ज्ञान केवल चर्चा की वस्तु नहीं है, ज्ञान आचरण की वस्तु है, ज्ञान चर्चा की भी वस्तु है, बट उस चर्चा की वस्तु है जो चर्चा आचरण में ट्रांसफर हो, व्यवहार में ट्रांसफर हो। इसलिए सारे प्रवृत्तियों के परमार्जन का जो प्रधान लक्षण है वो व्यवहार है, वही अभ्यास से परमार्जन के रूप में दिखाई देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसीलिए बाबा ने जो प्रमाण को, विचार को प्रमाण नहीं कहा है ना, भाषा को, जैसे मैं बहुत अच्छा लेक्चर दूं, ये दर्शन के उसमें है ना, ये कोई प्रमाण नहीं है, है ना, मैं तर्क संगत विधि से बहुत अच्छी चीजों को रख सकता हूं, ये प्रमाण नहीं है। फिर क्या प्रमाण है? मेरा व्यवहार ही प्रमाण है ना, मेरा कार्य में जो करता हूं वो समृद्धि के अर्थ में व्यवसाय या प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए, तो दो तीन प्रमाणों की बात की है। एक प्रयोग प्रमाण समृद्धि के अर्थ में, व्यवहार प्रमाण समाधान के अर्थ में, अनुभव प्रमाण है ना, अनुभव के अर्थ में। तो ये तीन प्रमाणों को कहा है, विचार को प्रमाण नहीं कहा, और विचार को बहुत अच्छे सतर्क तर्क संगत विधि से प्रस्तुत करने को भी कोई प्रमाण नहीं बोला है। कई बार तो जब बाबा से बोलते थे कि बाबा बोले क्या चल रहा है, तो बोला विचार कर रहे हैं, बोले तो डांट लगाते थे कि भैया विचार तो है ना, उनके अर्थ में मतलब डांटने के लिए, कि चींटी भी करती है, गधा भी करता है, हाथी भी करता है, प्रमाण क्या है इस विचार का? तो विचार का प्रमाण व्यवहार में है। ये बहुत ही माने इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जिस जो इस दर्शन को माने, क्योंकि ज्ञान का प्रमाण मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में है, इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। इसलिए मानवीयतापूर्ण आचरण और जिसको मूल चरित्र और नैतिकता के रूप में है ना, तो उसी को फिर आगे लिख रहे हैं कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में बदलेगी, उसका परिवार में आचरण के रूप में प्रमाण दिखाई देगा, समाज में सम्मति व प्रोत्साहन एवं भागीदारी के रूप में, अर्थात बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाण दिखाई देगा, राष्ट्र में शिक्षा व व्यवस्था के रूप में, एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल प्रवृत्ति परिस्थिति मानव चेतना के रूप में प्रत्यक्ष है। तो अंतर्राष्ट्र में क्या होगा कि कैसे पूरे अंतर्राष्ट्र में इस तरह का वातावरण निर्माण हो, है ना, जिससे कि मानवीय चेतना सफल हो सके, है ना, क्योंकि अभी जो अपन एक कई बार बात कर चुके हैं कि अभी का जो पूरा वातावरण है, सामाजिक वातावरण, वो अमानवीय प्रवृत्तियों के लिए प्रेरणा दे रहा है, ना कि मानवीय प्रवृत्तियों के लिए, चाहे वो शिक्षा जिसको अपन कह रहे हैं लाभोन्मादी, कामोन्मादी, भोगोन्मादी, है ना, चाहे वो दूरदर्शन देखें, चाहे वो अखबार पढ़ें, चाहे वो है ना, तो बहुत सारा जो वातावरण का प्रभाव है वो मानवीयता की ओर हमें ले जाने के लिए नहीं है। बढ़िया, तो सारा अभ्यास हमारी मूल प्रवृत्तियों के परमार्जन के लिए है, उसका सारा प्रमाण हमारे व्यवहार में है, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में कैसे वो फलीभूत होता है, इसकी चर्चा की गई। तो अभी बेसिकली अभ्यास दूसरा चैप्टर है, अभ्यास की अनिवार्यता, क्यों चाहिए अभ्यास, उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है। मानव में समाहित चारों आयाम, जो मैंने अभी अपनी चारों आयाम की बात की है ना, अपने तीन प्रमाण की बात की, चारों आयाम अपने को स्पष्ट ही है, अनुभव आयाम, विचार में समाधान आयाम है ना, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम। तो मानव में चारों आयाम और पांचों स्थिति है ना, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, इन पांचों स्थितियों में जो सर्वतोमुखी समाधान है, इन्हीं की एक सूत्रता हो जाना ही सर्वतोमुखी समाधान की बात है। यही बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि श्रम पूर्वक संपन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसमें श्रम लगेगा है ना, एक बार हम पहुंच जाएंगे उस स्थिति में, फिर श्रम का विश्राम है, लेकिन अभी तो श्रम है ना। क्या श्रम है? मन और वृत्ति के बीच में जो एक रूपता नहीं है, यही श्रम है ना, क्योंकि हायर फैकल्टी जो वृत्ति है, मन उससे अभी उसकी ओर अभिमुख नहीं हुआ है,
इसलिए श्रम है, थकान है। चित्त वृत्ति और मन के साथ एक रूपता में नहीं है, है ना, बुद्धि इन तीनों के साथ एक रूपता में नहीं है और आत्मा के साथ ये चारों अभी अलाइंड नहीं है, तो यहां तक पहुंचने में यही बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि श्रम पूर्वक संपन्न होता है। तो अभी एक प्रयास लगेगा, इसको पहले ही कहा कि अभ्युदय अर्थ किया गया आकांक्षा एवं हर्ष सहित किया गया प्रयास, तो अभी एक प्रयास पूर्वक हमें, हम जिस स्थिति में हैं उससे अगली स्थिति हमें अर्जित करनी है, इसी को पुरुषार्थ भी कहा है। एक बार उस स्थिति में पहुंचने के बाद फिर श्रम का विश्राम है, अभी तो श्रम पूर्वक ये घटित होगा ना, तो ये इसमें प्रयास लगेगा। कई बार बाबा कहते थे कि भैया रीढ़ की हड्डी का पसीना निकलेगा, है ना, तो रीढ़ की हड्डी का पसीना निकलने का मतलब है कि हमें अपने आशा विचार इच्छाओं को अंतर नियोजित करना पड़ेगा। और विशेष बात जो विधान बात ये कह रहे हैं कि अपने में ही मैं पूर्ण नहीं हूं, ये निष्कर्ष निकालना सबसे, जो रीढ़ की हड्डी का पसीना है बेसिकली वो यही निकलता है, क्योंकि अपने में स्वीकार पाना कि मैं स्वयं में समाधान संपन्न नहीं हूं, मेरे को और भी अभी स्पेस बाकी है। क्योंकि जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ परिचय शिविरों में या गोष्ठियों में बात करता हूं, आप भी इस प्रयोग को करके देखिए, लोगों से पूछिए क्या आप अपने से अधिक श्रेष्ठ व्यक्तियों को पहचानते हैं, तो 80% मेरे को ऐसा निकल के आता है कि लोगों को उनसे अधिक श्रेष्ठ लोग दिखाई नहीं देते हैं ना। तो ये विडंबना भी है, पर है भी नहीं समाज में शायद लोग, है ना, ये एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जो रोल मॉडल्स है ना, या जीते जिसको बाबा कह रहे हैं कि किसी भी समाज का सौभाग्य वही है कि जीते जागते देवता उपलब्ध हो जाएं, है ना, तो ये होना भी शेष है शायद, लेकिन यदि हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कम से कम अपने में मैं पूर्ण नहीं हूं इतना तो दिखना चाहिए, अदरवाइज हमारे में सर्वतोमुखी समाधान की ओर गति करने के लिए कोई दिशा निर्धारण नहीं हो पाता है, फलस्वरूप आगे की जागृति या विकसित अवस्था को पाने की संभावना नहीं बन पाती है। इस अर्थ में इस अभ्यास के लिए बात कर रहे हैं कि अभी श्रम पूर्वक ये संपन्न होगा, इसमें प्रयास लगेगा, कुछ समीक्षाएं होंगी, अपने से श्रेष्ठताओं को पहचानना होगा, और पहचानने के आधार को भी क्लियर कर रहे हैं, कोई विचार के आधार पर नहीं पहचानना है, आचरण के आधार पर पहचानने की बात हो रही है। बढ़िया, तो मानो अभ्युदय पूर्ण होते तक अभ्यास के लिए बाध्य, चैप्टर का नाम ही अभ्यास की अनिवार्यता, तो ये हमारी बाध्यता है। क्यों बाध्यता है भाई? क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूं, और जब तक मैं अभ्युदय पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक मैं सर्वतोमुखी समाधान से संपन्न नहीं हो जाता, तब तक दुखी होना, समस्याग्रस्त होना ये स्वाभाविक घटना है ना, ये रहेगा ही। तो अभ्युदय ही मानव की आशा आकांक्षा एवं लक्ष्य है, क्योंकि मानव इससे कम में तृप्त होने वाला नहीं है, निरंतर तृप्ति चाहता ही है। तो अभ्युदय ही मानव की अर्थात सर्वतोमुखी समाधान ही मानव की आशा आकांक्षा एवं लक्ष्य है, यही जागृति क्रम में पाई जाने वाली सत्यता है। इस चैतन्य इकाई की सत्यता यही है कि, या अर्थात जागृति क्रम में पाए जाने वाले चैतन्य इकाई में ये पाया ही जाता है कि उसमें अभ्युदय की कामना, अभ्युदय की आशा आकांक्षा लक्ष्य सूक्ष्म इच्छा के रूप में है जी, मिनिमम अस्तित्व सहज कोडिंग है उसमें, है ना, तो वो कोड बना ही हुआ है, भ्रूण रूप में है ही, इसीलिए वो फलीभूत होगा, इसीलिए हम अभ्युदय में सफल होंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जागृति तो निश्चित ही है ना, अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है, क्योंकि वो कोडिंग है, उसमें वो भ्रूण रूप में समाया हुआ है उस जीवन में, है ना, कि इसको यहां तक जाना ही है, तो लक्ष्य रूप में वो कोडेड है इसके, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा डिजाइन ही नहीं है, यही सबका अभीष्ट भी है। और अच्छी बात है कि ये जब बाबा बाध्यता कह रहे हैं तो देखिए बाबा दो शब्दों को अलग अलग यूज करते हैं, बाध्यता और व्यवस्था। व्यवस्था मजबूरी है और बाध्यता अनिवार्यता के रूप में, मतलब वो मेरी खुशहाली भी है ना, तो च्वाइस लेस हो जाना या मानवीयता के रूप में ही च्वाइस रह जाना ये खुशहाली है ना, या स्वयं स्फूर्त हर्ष पूर्वक मेरे पास दोनों ऑप्शन रहते हुए गलती करने का और सही करने का अवसर होते होने से मैं सही को ही चूज करता हूं, ये मेरी बाध्यता है या खुशहाली है, दोनों एक ही शब्द एक ही भाव को इंगित किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, उसको आगे लिख रहे हैं कि मानव जन्म से ही न्याय का याचक,
सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। साथ ही वह प्रत्येक कार्य को सही कार्य रूप में व्यवहार प्रदान करना चाहता है जो वस्तुगत सत्य है। यही अभ्यास के लिए अंतः प्रेरणा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर शायद हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि मानव जन्म से ही न्याय का याचक है। फिर से स्पष्ट कर दें, ये नहीं कहा जा रहा है कि जैसे पहले कहा गया कि बच्चा तो पहले से ईश्वर का स्वरूप है, ये इस सेंटेंस में नहीं कहा जा रहा है ना। क्या कहा जा रहा है? जन्म से ही न्याय का याचक है, ईश्वर स्वरूप नहीं है, है ना, या देवता स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो यहां पर ईश्वर की बात ही अपन अलग कर रहे हैं व्यापक के रूप में, लेकिन ये मानव जन्म से ही समाधान संपन्न होता है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है, या कई बार हम पढ़ते जीवन विद्या हैं और वही पुराने अर्थ ले लेते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा तो अच्छा ही पैदा होता है, ऐसा भाषा में आता भी है, समाज बिगाड़ दे रहा है, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मानव जन्म से ही न्याय का याचक है, न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न होना है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सही और गलत की पहचान कराना ही एक मानवीय समाज का जिम्मेदारी है, शिक्षा की जिम्मेदारी है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है, और सत्य वक्ता है, सत्य का कुछ अता पता नहीं है, है ना। तो सत्य बोध करा देना ये जिम्मेदारी है व्यवस्था की, समाज की, परंपरा की। तो न्याय का याचक है, और इसकी अपन पहले भी एग्जाम्पल की बात कर चुके हैं कि यदि अपन बच्चों में एक सर्वेक्षण करके देखते हैं तो 10 बच्चों को, है ना, दो दो टॉफी दें और एक बच्चे को एक ही टॉफी दें या ना दें, तो वो शिकायत करता है कि देखो आंटी आंटी आपने गलती कर दी, है ना, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। ऐसा वो भाषा नहीं बोल रहा है, बट भाव व्यक्त कर रहा है ना, कि आपने मुझे सबको दो दी तो मुझे एक ही क्यों दी, या सबको चार दी तो मुझे दो ही क्यों दी। लेकिन यदि उसी बच्चे को सब बच्चों को फिर से दो दो और उस बच्चे को 10 दे दो, तो अब वो वस्तुओं का बराबर बराबर बांट दे ऐसा नहीं देखा जा रहा है सभी में, है ना। तो इसलिए पता लगता है कि न्याय का याचक तो है, न्याय प्रदायी क्षमता नहीं। जबकि यहाँ पर मैं न्याय को बहुत ही सीमित दायरे में बोल रहा हूँ, जहाँ पे वस्तु के बराबर बंटवारे को न्याय कह रहा हूँ, जबकि न्याय इससे एक बड़ी वस्तु है, अर्थात मूल्यों के साथ प्रकट होने की वस्तु है। अर्थात वो बच्चा और अपने मित्रों के साथ पूरकता नहीं निभा पा रहा है, सहयोग नहीं कर पा रहा है, या उसमें बहुत स्नेह नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ऐसा भी देखा है कि यदि कई बच्चों को आप दे दो और एक दो को नहीं दो तो वो छीना झपटी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अर्थात उनमें कोई स्नेह, कृतज्ञता, विश्वास, है ना, ऐसी योग्यताएं नहीं पाई जा रही हैं। न्याय का याचक जरूर है, न्याय प्रदायी क्षमता जिनको मूल्यों के रूप में कह रहे हैं उससे संपन्न करना ही परंपरा का काम है। तो मानव जन्म से ही ठीक ठाक पैदा होता है फिर बिगड़ गया, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि जागृति क्रम है, हम जागृति क्रम में है। भ्रम की स्थिति एक जागृति क्रम में एक सोपान है, और उससे आगे निकलना एक अगला सोपान है। उस क्रम में ही धरती अपने जागृति क्रम से निकल रही है और जागृति की ओर अग्रसर है। ऐसा इस क्रम में भी हम एक पूरे मानवीय इतिहास को देख सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि एक तो मानव जन्म से ऐसा है, दूसरा केवल सही कार्य व्यवहार करने का वो इच्छुक ही नहीं है, साथ ही वह प्रत्येक कार्य को सही रूप में व्यवहार प्रदान करना चाहता है जो वस्तुगत सत्य। क्या वस्तुगत सत्य? कौन सी वस्तु की बात हो रही? मानव रूपी वस्तु की बात हो रही है ना। तो मानव रूपी जो वस्तु है, जो चेतन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है, उसका ये वस्तुगत सत्य है कि वो सही और गलत को पहचानना चाहता है और सही कार्य को व्यवहार में जीना चाहता है। और यही कारण है कि अभ्यास के लिए अंतः प्रेरणा। क्या ब्यूटीफुल डिजाइन है। इसीलिए वो अभ्यास कर रहा है ना, अर्थात सफल होना चाहता है, व्यवहार में जी करके देखना चाहता है सच्चाइयों। तो बहुत ही माने छोटे छोटे पॉइंट्स है, उस पर अपना ध्यान आकर्षण हो जाए, है ना। हम कहीं पुरानी बातों को ही माने ऐसा दर्शन भाषा ये हो रहे, और पुरानी बात ही हमारे चित्र में ना रह जाए, अर्थ में ना रह जाए। नहीं तो मेरी भी संप्रेषणा, जितना कम से कम मेरे तक जो भी तर्क पहुंचा है वो कम से आप तक पहुंच जाए, तो ये संप्रेषणा सफल हो, है ना, आप तक वह व्यंजित हो जाए जो मुझे व्यंजित हुआ है, जितना आंशिक रूप में। तो न्यायदर्शी व न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न होते तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान,
संतुलन एवं संयम नहीं पाया जाता। तो जब तक मानव में न्याय माने दर्शन के रूप में न्याय स्पष्ट ना हो जाए और वो न्याय प्रदायी क्षमता अर्थात व्यवहार में भी उससे संपन्न ना हो जाए, तब तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन और संयम नहीं पाया जाता, अर्थात गलती की संभावना बनी रहती है। हमें इसमें भी थोड़ा उदारचित होकर के चलना चाहिए, है ना। जीवन विद्या एक परिचय में बाबा बहुत क्लियरली लिख रहे हैं कि कोई भी साधक माने कोई भी आम आदमी गलती नहीं करना चाहता, सामान्य आदमी, और साधक तो चाहता ही नहीं है, फिर भी समाधि तक, नॉर्मल साधना विधि की बात कर रहे हैं, अपने अध्ययन में कहेंगे तो कहेंगे बोध पूर्ण होने तक, है ना, गलती की संभावना बनी रहती है, उसको उसी ढंग से लेना चाहिए। बाबू सिंह जी पूछ रहे हैं मन वृत्ति चित्त बुद्धि व्यंजन है तो इनके मध्य की जगह स्वर है, क्या ऐसा है? ये बहुत स्पष्ट नहीं है सवाल, एक बार अभी आप बीच में फिर लिख देंगे तो मैं समझ पाऊंगा। श्याम वीर जी कह रहे हैं क्या मूल प्रवृत्ति विचार रूप में बौद्धिक नियम हर्ष प्रवृत्तियों को कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, है ना। तो बिल्कुल जो विचार रूप में जो मूल प्रवृत्ति, इसको असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता के रूप में कह रहे हैं, आप एकदम ठीक पहचान रहे हैं इसको, बढ़िया। और उसके मूल, उसकी जो जो सविपरीतता में है वो संग्रह है ना, द्वेष, भय, इस तरह की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो न्यायदर्शी और न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न होते तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन एवं संयम नहीं पाया जाता। मानव में तीन तरह के है ना, उत्पादन व्यवहार, उत्पादन प्रयोग, व्यवहार प्रयोग एवं चिंतन अभ्यास प्रसिद्ध है ना, उत्पादन व्यवहार प्रयोग एवं चिंतन अभ्यास प्रसिद्ध है। तो ये तीन तरह के अभ्यास की बात कर रहे हैं, है ना, जिसको मैंने पहले ही कहा कि अभ्यास को प्रधान रूप से विचार अभ्यास को नहीं कहा, क्यों? क्योंकि विचार उसमें शामिल ही रहता है, किसी भी उत्पादन व्यवहार काम में आगे आ ही रहा है वो। तो उत्पादन ही कर्म अभ्यास, व्यवहार ही विचार अभ्यास, है ना। फाइनली हमने कितना ही विचार किया उसका प्रमाण जो है वो व्यवहार में ही मिलेगा, एवं अनुभव संयोग ही चिंतन अभ्यास है ना। तो अनुभव संयोग ही के बाद ही चिंतन कह रहे हैं, उसके पहले के प्रयास को अपन है ना मनन कह रहे हैं या साक्षात्कार कह रहे हैं, चिंतन शब्द को नहीं यूज कर रहे हैं अध्ययन क्रम में। तो अनुभव संयोग के बाद ही चिंतन अभ्यास है, तो बढ़िया। तो उत्पादन ही कर्म अभ्यास है ना, और व्यवहार ही फाइनली विचार अभ्यास जो है उसका प्रमाण व्यवहार में दिखाई देगा, क्योंकि अगली अगली लाइन में लिख रहे हैं विचार के अभाव में उत्पादन और व्यवहार शरीर द्वारा संपन्न ही नहीं होता है। तो ये संभव ही नहीं, हम वो लोग बोलचाल की भाषा में बोलते जरूर हैं कि भैया ऐसे ही मुंह से निकल गया, मैंने इस पर विचार ही नहीं किया था। आपका ये बात ठीक है कि आपकी अपनी हमारी हम और आपकी इतनी जागृति नहीं रहती कि हम देख पाए कि इसके मूल में हम विचार कर चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। लेकिन शरीर के द्वारा कोई भी हम व्यवहार करते हैं उसमें विचार शामिल ही रहता है ना। इसको बढ़िया उदाहरण सोम भाई देते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो परिचय शिविरों में, कि एक ही मच्छर सब अपन जब नींद में भी हैं और एक मच्छर आपको काटता है और ये वही मच्छर किसी दूसरे को काटता है, तो उसमें भी जो हमारा हाथ एक का उसको है ना मारने की तरफ चल देता है और एक का हाथ उसको वहाँ सो रहा है आदमी, मतलब आधी नींद में भी है या स्वप्न में भी है, तब भी दूसरा आदमी उसको उड़ा रहा है, तो इसके मूल में भी उसका विचार है ना। तो जिनकी मान्यताएं हैं, जैसे अधिकतर जो जैन लोग हैं जो अहिंसा को माने एक लेवल तक पालन करते हैं केवल बोलने से नहीं, तो वो मारते नहीं है मच्छर, तो सपने में भी यदि उनको नींद में भी मच्छर काट रहा होगा या सपने भी देख रहे होंगे तो वो उसको उड़ा रहे होंगे, मार नहीं रहे होंगे, है ना। तो इतना सूक्ष्म रूप में विचार चलता रहता है। विचार क्या कह रहे हैं कि विचार के अभाव में उत्पादन और व्यवहार शरीर द्वारा संपन्न ही नहीं होता है। तो विचार तो मूल में हर व्यवहार और उसमें बना ही रहता है। चैतन्य शक्तियों की प्रखरता से परिपूर्ण होने के लिए चिंतन अभ्यास अनिवार्य है, और जो चिंतन अभ्यास है वो चैतन्य शक्तियों की प्रखरता, चैतन्य शक्तियां क्या हैं अर्थात आशा, विचार, इच्छा और जो संकल्प शक्ति है, इनकी प्रखरता के लिए चिंतन अभ्यास अनिवार्य है। तो चिंतन अभ्यास दो अर्थ में, पहले अनुभव के लिए और फिर अनुभव के बाद अनुभव को प्रमाणित करने के। तो इसमें लिखी रहे नेक्स्ट लाइन,
मानव जागृत होने के लिए अभ्यास करता है, एक अभ्यास है जागृत होने के लिए, लेकिन ये कब तक चलता है, यह क्रम जागृति पूर्णता तक रहता है। तो जागृत हो गए उसके बाद जागृति पूर्णता तक अर्थात दिव्य मानवीय पद तक पहुंचने तक अभ्यास चालू रहता है, बना रहता है। कर्म अभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र, व्यवहार अभ्यास के लिए बौद्धिक शास्त्र एवं चिंतन अभ्यास के लिए अनुभव मूलक मध्यस्थ दर्शन प्रसिद्ध है। तो कर्म अभ्यास के लिए तो बहुत क्लियर ही है ना, कि भौतिक शास्त्र है ना, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी या के रूप में पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं व्यवहार अभ्यास के लिए बौद्धिक शास्त्र, माने जो बौद्धिक नियम या विचारों में जो परिवर्तन हो सके, है ना, इसको आजकल प्रचलित साइंस में हम पढ़ाते ही हैं बहुत सारा, मनोविज्ञान के रूप में, है ना, एंथ्रोपोलॉजी के रूप में, जिसको हम आर्ट्स सब्जेक्ट कह रहे हैं, है ना। तो बेसिकली सही अर्थों में देखें तो वो व्यवहार को परिवर्तन करने के अर्थ में है, कि यदि हम मानव को ठीक ठीक से समझ पाए तो मानव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उस अर्थ में बौद्धिक शास्त्रों की बात है, है ना। ये बात अलग है कि यदि हम मानव का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाए तो वो, क्योंकि शास्त्र के नीचे परिभाषा आ ही रही है कि नियंत्रण को व्यंजित कराने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है। तो फिर इनको जो हमें सही सूचना नहीं दे रहे, इनको शास्त्र कहा भी जाए कि नहीं कहा जाए, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो व्यवहार अभ्यास के लिए बेसिकली बौद्धिक शास्त्र, जो हमारे बौद्धिक क्षमता को ठीक करते हैं, वैचारिक क्षमता को बदलते हैं, और अनुभव के लिए चिंतन अभ्यास, जिसके लिए मध्यस्थ दर्शन प्रसिद्ध है, या कोई भी दर्शन जो मध्यस्थता का को प्रकट कर दे ना, उसको अनुभव मूलक मध्यस्थ दर्शन की बात कर रहे हैं। तो शास्त्र किसको कह रहे हैं, नियंत्रण को व्यंजित करा दे, व्यंजित माने हम तक पहुंचा दे, संकेत ग्रहण हो जाए हमारे में सच्चाइयों का, या उद्घाटित हो जाए वो, तो नियंत्रण को व्यंजित करा दे। क्या नियंत्रण के इकाइयां नियंत्रित हैं, सारी व्यवस्था नियंत्रण के साथ ही है, है ना। और फाइनली देखेंगे तो व्यापक में ही सारी चीजें नियंत्रित हैं, और मानव में, जागृत मानव में वही व्यापक ज्ञान के रूप में है, इसलिए ऐसा भी कह रहे हैं कि मानव ज्ञान से नियंत्रित है, है ना। आज भी हम देखेंगे तो हमारी जितनी इस पर समझ है, समझ ही हमारे लिए, उसी आधार पर हम अपना कार्य व्यवहार करते हैं। तो हमारा नियंत्रण, इसलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई भी कहा है, क्योंकि मानव ज्ञान से नियंत्रित है, और ज्ञान को जब ट्रेस करते हैं फाइनली तो वो व्यापक के रूप में समझ में आता है, जागृत व्यक्ति के द्वारा जो अभिव्यक्त होता है, और प्रसारण की चरितार्थता ही व्यंजनीयता है। और व्यंजनीयता का मतलब ही है कि प्रसारण ठीक ठीक पहुंच जाए ना, जो संकेत प्रसारण किया गया, या जो शास्त्रों में नियंत्रण को व्यंजित कराने योग्य जो प्रसारण किया गया, वो तो प्रसारण की चरितार्थता क्या होगी, कि वो सफल हो गया, अर्थात सामने वाले को व्यंजित हो गया, उस तक वो बोध हो पाए उसको सच्चाइयों का, ये उसकी चरितार्थता है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि अनुमति हो तो बाबू सिंह जी नायक जी की जिज्ञासा पर प्रश्न मुक्ति मंच पर लिख दूंगा। बिल्कुल ठीक है, है ना, ऐसा ही लिखना चाहिए, है ना, बिल्कुल ठीक बात है, और मैं उसको देख लूंगा। स्थिति पूर्ण सत्ता में संप्रक्त प्रकृति का अनुभव बोध एवं रूप गुण स्वभाव तथा धर्मात्मक प्रकृति की स्थिति वत्ता में व्यंजित कराने हेतु प्रसारण एवं व्यंजनीयता है। तो स्थिति पूर्ण सत्ता अर्थात व्यापक में जो संप्रक्त डूबी भीगी घिरी प्रकृति का अनुभव बोध, अनुभव हो जाए, बोध हो जाए, और रूप गुण स्वभाव धर्मात्मक प्रकृति की जो उसकी जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, ये व्यंजित हो जाए, पहुंच जाए सामने वाले तक, प्रसारित हो जाए, यही व्यंजनीयता है। व्यंजनीयता ही है ना, व्यंजनीयता ही भास, आभास एवं प्रतीति है। प्रतीति माने जिसको आज बात हुई अवधारणा के रूप में, जिसको बात कर रहे हैं, तो व्यंजनीयता ही बेसिकली हमारे पास जो पूरी प्रकृति से जो चैतन्य में संकेत पहुंचते हैं, ये हम एक व्यक्ति की जागृत इकाई की क्षमता के आधार पर, या तो उसको भास तो होता ही है, कम से कम आभास होने लगता है। आभास माने जिसमें मनन हो गया, या जिसमें तर्क संगतता स्पष्ट हो गई, तो सहस्तित्व भास के रूप में पहचानने में आना, और यही जब वृत्ति में आभास के रूप में पहुंचता है, वृत्ति और चित्त में, और चित्त से लेके बुद्धि में साक्षात्कार और अवधारणा तक, ये प्रतीति है, ये सारा का सारा व्यंजनीयता ही है, यह संस्कार एवं अध्ययन का फल है।
तो कैसे प्रकृति हमारे में व्यंजित होता है, तो ये अध्ययन के अध्ययन पूर्वक संस्कार पहुंचता है, अर्थात सच्चाइयों की स्वीकृति के रूप में पहुंचता है, और साथ ही अभ्यास एवं अध्ययन के लिए प्रेरणा एवं गति ही है। संपूर्ण व्यंजनेता शब्द व अर्थों को स्थिति गति रूप में स्वीकार करने की क्रिया है। फाइनली क्या होगा कि शब्द के माध्यम से अर्थ स्वीकृत हो जाना ही व्यंजनीयता है। यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीचीन है, और ऐसी स्थिति हर मानव में समीचीन माने आसपास ही है, निकट ही है। भ्रमित मानव या जागृति क्रम में व्यक्त होने वाले मानव को जागृति तक पहुंचना या प्रकृति पूर्णतया उद्घाटित हो जाए, व्यंजित हो जाए, ये बहुत दूर नहीं है। बाबा कह रहे हैं बहुत आसपास, हम उसके आसपास ही हैं, है ना। ऐसा कहने का बाबा का एक कारण ये भी है, बाबा कहते हैं दर्शन प्रकट हुआ है, इसका भी ये मतलब है कि अब इस दर्शन को ग्राह्य करने योग्य चैतन्य इकाइयां उपलब्ध हैं, इसीलिए उनको लगता है कि अस्तित्व में इसका प्रकटन भी हुआ है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस, है ना, एज में हैं, अभी उस काल में हैं, है ना, प्रति के जागृति क्रम के उस काल में हैं जहाँ पर एक दर्शन का उद्घाटन हुआ है, और हम सब को वो उपलब्ध भी हुआ है, और हम सब उसमें अब सुन भी पा रहे हैं, श्रवण भी कर पा रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, और क्रिया पूर्णता अभ्युदय होने के लिए, अभ्यास करने के लिए अपने मन को बना रहे हैं, और कुछ अर्थों में हम सब अपने अपने ढंग से प्रयासरत भी हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है, क्योंकि मुझे लगता है कई बार जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों को ये लगता था काश मैं गांधी के टाइम पैदा होता, वर्ल्ड वार वन टू के टाइम पैदा होता तो कुछ करने को रहता। मुझे लगता है कि ये शायद सबसे स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम काल है इस धरती पर, है ना, कि हम मानवों को एक अच्छी व्यवस्था को साकार करने के लिए, स्थापित करने के लिए, मना स्वस्थता को स्थापित करने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त है। तो यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीचीन है। बाबा तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमेशा ही समीचीन रहती है, ऐसा नहीं कि हमारा ही सौभाग्य है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सौभाग्य ही रहेगा, है ना। ये तो ये हर समय मानव को, है ना, एक और बड़ा सेंटेंस अच्छा आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर मानव को उसकी योग्यता अनुसार अभिव्यक्त होने का अवसर प्रकृति में, अस्तित्व में उपलब्ध ही रहता है। तो ये जो शिकायत कई लोगों को रहती है कि यार जितना मेरा, जितना बड़ी चीज मैं हूं ना, उतना मुझे अवसर नहीं मिला, है ना, मेरी योग्यताएं बड़ी हैं लेकिन समाज ने मुझे अवसर नहीं दिया, तो ये बात तो मुझे बहुत राहत देता है कि बाबा कह रहे हैं कि जिसकी जितनी योग्यता है अस्तित्व में, उसको उसके अनुसार व्यक्त होने का अवसर हर समय उपलब्ध रहता है, नित्य उपलब्ध रहता है। तो एक बार यदि हमें अवसर नहीं मिल रहा है तो फिर से सोचना चाहिए, शायद कहीं योग्यता को ही टटोलना चाहिए वापस से, है ना, ऐसा इसमें भाव जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कह रहे हैं। अगली उसको कह रहे हैं लाइन को कि चैतन्य प्रकृति रूपी मानव द्वारा लक्ष्य के अर्थ में अर्जित स्वभाव ही संस्कार है। तो अभी हम जो मोटी चाल बोलचाल की भाषा में किसी भी चीज को संस्कार कहते हैं, उसको यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि चैतन्य प्रकृति रूपी मानव द्वारा लक्ष्य के अर्थ में अर्जित स्वभाव, और लक्ष्य क्या है, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व, इसके अर्थ में जो अर्जित स्वभाव है वही संस्कार है। आगंतुक अथवा भ्रमित प्रवृत्ति तब तक भावी है जब तक संस्कार समझदारी पूर्ण ना हो जाए, और इसके पहले आगंतुक या भ्रमित प्रवृत्ति होने की संभावना बनी हुई है, जब तक समझदारी पूर्ण ना हो जाए, समझदारी के क्रम में भी गलतियां होने की संभावना, भ्रमित प्रवृत्ति की व्यक्त होने की संभावना बनी हुई है, इसमें उनको गलतियों को स्वीकारते हुए आगे बढ़ने के लिए ही प्रयासरत होना चाहिए, है ना, और उसमें उसकी समीक्षा यही होना चाहिए कि ये गलती होगा, आगे से सुधार करने के लिए और अपने में कटिबद्ध होना चाहिए, अध्ययन को और ठीक से अध्ययन करना चाहिए, स्वमूल्यांकन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत, मानवीयता की सीमा में सुसंस्कार एवं देव और दिव्य मानवीयता की कोटि में संस्कार पूर्ण होता है, जो स्पष्ट है। तो ये बता रहे हैं कि अमानवीयता की सीमा में ये विकृत संस्कार है, अर्थात
परधन पर नारी पर पुरुष और पीड़ात्मक पर पीड़ात्मक कार्यक्रम जो है उसके रूप में कह रहे हैं। मानवीयता की सीमा में जो संस्कार है इसको मूल चरित्र और नैतिकता कह रहे हैं, या स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार कह रहे हैं, है ना। तो ये सुसंस्कार है और देव और दिव्य मानवीयता की कोटि में संस्कार पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात और भी दूसरों को संस्कारित करने की योग्यता से संपन्न हो जाते हैं, ऐसी व्यवस्था शिक्षा संस्कार में योगदान दे पाते हैं, उस स्थिति में कह रहे हैं कि संस्कार पूर्ण हो गया है। बढ़िया। तो बाबू भाई लिख रहे हैं, प्रश्न था व्यापक सत्ता में प्रकृति का दर्शन की व्यंजना मन वृत्ति चित्त बुद्धि में होती है तथा व्यापक का अनुभव आत्मा में होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबू भैया, एकदम 100%, है ना। तो प्रकृति यहाँ मन वृत्ति चित्त बुद्धि पे व्यंजित होती है, इसीलिए कह रहे हैं प्रकृति का बुद्धि दर्शन करती है और आत्मा व्यापक में अनुभव करती है, व्यापकता में सारी इकाइयों का या सहस्तित्व का अनुभव करती है, एकदम ठीक कह रहे हैं। अगली बात कर रहे हैं कि क्रिया शक्ति में कर्म अभ्यास, इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास और शास्त्र अभ्यास तथा ज्ञान शक्ति में चिंतन अभ्यास प्रसिद्ध है। ये यदि आपको ध्यान हो तो क्रिया शक्ति जागरण, इच्छा शक्ति जागरण और ज्ञान शक्ति जागरण, ये तीन शक्ति जागरण की बात कर्म दर्शन में की है और ये शायद शक्ति मैंने एक तरह से रीडिफाइन किया है, क्योंकि क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति जागरण की बात परंपराओं में रही है। तो यहाँ पर जब क्रिया शक्ति का जागरण कह रहे हैं तो जिसको कह रहे थे कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो हमारा अपव्यय का रुक जाना, इंद्रियों के माध्यम से जो इंद्रियां संयम है या अपव्यय का रुक जाना, अब संयम माने रूप इंद्रियां संयम, यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसको संयमित करना है प्रयासपूर्वक, वो वृत्ति में जैसे ही इसकी न्यूनता या इसकी क्षणिकता स्पष्ट होती है वो स्वयं स्फूर्त संयमित होने लगती है, इसी को कह रहे हैं कि मन का प्रत्यावर्तन होना। तो जो क्रिया शक्ति जागरण है एक तरह से मन का प्रत्यावर्तन होना या मन का झुकाव अब वृत्ति की ओर हो गया, जो पहले शरीर की ओर था, संवेदनाओं की ओर था, और उसका कारण इतना ही है क्योंकि मन तो रसज्ञ है, है ना, मन चंचल नहीं है, मन तो रसज्ञ है, सुख के लिए शोधरत है और अभी तक उसकी पात्रता इतनी ही थी कि वो सुख को संवेदनाओं से ही ग्रहण करने की पात्र के रूप में था। जैसे ही उसकी पात्रता बढ़ती है और वो इस बात को पहचान पाता है कि न्याय रूपी सुख, ये जो संवेदना रूपी सुख से दीर्घकालीन है, फलस्वरूप मन वृत्ति की ओर प्रत्यावर्तित हो जाता है। क्या खूबसूरत डिजाइन है ना, इतने अपन इस दर्शन के माध्यम से इतना उसको टेक्निकली पहचान सकते हैं कि जीवन में क्या घटना घट रही है। जिसको पहले लोगों ने वैराग्य कहा, बाबा उसको पर वैराग्य कह रहे हैं, क्योंकि वैराग्य में संबंधों से भी दूर होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वैराग्य में जो पर वस्तु है अर्थात जो इंद्रियों में होने वाला सुख है, जो क्षणिक है, उससे वैराग्य है और स्व में अनुरक्ति है, अर्थात स्व की तरफ अर्थात वृत्ति की ओर वो प्रत्यावर्तित हो गया या न्याय की ओर प्रत्यावर्तित हो गया, फलस्वरूप मूल्य मूलक आस्वादन होने लगते हैं, इसी को क्रिया शक्ति जागरण कह रहे हैं। और इच्छा शक्ति में जो जागरण है जिसको कह रहे थे कि अब मन वृत्ति चित्त और या आशा विचार इच्छाओं का अंतर नियोजन होने लगता है, इनसे जो अव्यय हो रहा था वो रुक गया, है ना। तो अब ये कहां लग गई, ये साक्षात्कार या ज्ञान को अर्जित करने में इनका नियोजन हो गया, उसको इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास, इसलिए शास्त्र अभ्यास होने लगता है, और ज्ञान शक्ति अब जागृति हो गई, उसमें चिंतन अभ्यास, अब जागृति के बाद जो व्यापक या सहस्तित्व का अनुभव के बाद बुद्धि में जो उसका आत्मबोध होता है उसमें चित्त में चिंतन होता है, अब इसको कैसे प्रमाणित किया जाए, परंपरा में कैसे स्थापित किया जाए, अपने ज्ञान को प्रमाणित कैसे किया जाए, उसकी बात आ गई। तो बहुत ही शानदार है ना इसको विश्लेषण, क्रिया शक्ति में कर्म अभ्यास, इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास एवं शास्त्र अभ्यास तथा ज्ञान शक्ति में चिंतन अभ्यास प्रसिद्ध है। तो इसके लिए ये तीन अभ्यास अपने को करने हैं, कर्माभ्यास, व्यवहार अभ्यास और शास्त्र अभ्यास या चिंतन अभ्यास। जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है या समझने के लिए बाध्य है, ये जो शब्द यूज करते हैं ना प्रसिद्ध है ना, तो वो वह प्रसिद्ध है, इसका इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रसिद्ध का मतलब क्या है,
जैसे बोल रहे थे कि है ना, ज्ञान के लिए मध्यस्थ अनुभव मूलक मध्यस्थ दर्शन प्रसिद्ध है, हम लोग बोलते हैं बाबा कहाँ प्रसिद्ध है, कोई जानता नहीं, अभी 10 लोग 50 100 लोग जानते हैं, 1000 लोग जानते हैं, आप लिख रहे हैं प्रसिद्ध है। तो शब्द से प्रसिद्ध का मतलब होता है जो सबको, तो जैसे बोल रहे थे कि है ना, ज्ञान के लिए मध्यस्थ अनुभव मूलक मध्यस्थ दर्शन प्रसिद्ध है, हम लोग बोलते हैं बाबा कहाँ प्रसिद्ध है, कोई जानता नहीं, अभी 10 लोग 50 100 लोग जानते हैं, 1000 लोग जानते हैं, आप लिख रहे हैं प्रसिद्ध है। तो शब्द से प्रसिद्ध का मतलब होता है जो सबको कॉमन में लोक व्यापीकरण हो चुका है, सब जानते हैं, ऐसा मेरा अनुमान था। देखिए इसलिए वो बात इंपॉर्टेंट है कि यहां पर परिभाषाओं के साथ पढ़ना है दर्शन को, है ना, नहीं तो हमें लगेगा ये तो अपने आप बोले जा रहे हैं प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है, जानते कितने, मुट्ठी भर लोग जानते नहीं है। तो क्या किस चीज को प्रसिद्धि कह रहे हैं, जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है या समझने के लिए बाध्य है, वही प्रसिद्ध है। तो बाबा इस अर्थ में प्रसिद्ध कह रहे हैं कि बेटा एक दिन, एक ना एक दिन इसको समझना ही होगा, ये हमारी बाध्यता है। सच्चाइयां प्रसिद्ध हैं, क्यों, क्योंकि सच्चाइयों को समझना मानव की बाध्यता है, इसलिए सच्चाइयां प्रसिद्ध हैं, या मध्यस्थ की सत्ता प्रसिद्ध है, या मध्यस्थ सत्ता के रूप में उपलब्ध है, इस अर्थ में कह रहे, क्योंकि उस तक पहुंचना मानव जाति की बाध्यता है, ये होकर के ही रहेगा, इस अर्थ में प्रसिद्धि का मतलब है। कर्म अभ्यास से क्या होगी भाई उपलब्धि, है ना, तो कर्म अभ्यास से प्रतिफल, व्यवहार अभ्यास से सह अस्तित्व साक्षात्कार, और चिंतना अभ्यास से संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फलतः अनुभव है जो प्रत्यक्ष है। अब बहुत ही शानदार लाइन है ये, क्योंकि इस पे ध्यान जाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कर्म अभ्यास से प्रतिफल तो ठीक ही है, प्रतिफल माने उसके फलन में जो हमें मिलता है, जैसे मैंने कुर्सी बना दी है ना, ये घर बना दिया, इसमें मैं जो श्रम करता हूँ कर्माभ्यास से, उसमें प्रतिफल अपेक्षा रहती है, उससे एक दूसरे के लिए जो आप कोई किसी ने गेहूं उत्पादन किया, किसी ने कपड़ा बनाया, उसमें एक दूसरे के लिए जो प्रतिफल है श्रम के रूप में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं, व्यवहार अभ्यास से सह अस्तित्व का साक्षात्कार, ये मैं इसलिए ध्यान आकर्षण करा रहा हूं कि कई बार ऐसा लगता है हमें कि शास्त्र अध्ययन से ही साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कहा जा रहा है ऐसा नहीं है। तो जो हम अध्ययन कर रहे हैं या पठन कर रहे हैं, मनन करने से साक्षात्कार नहीं होता है, इस मनन को व्यवहार में अभ्यास करने से साक्षात्कार होता है। ये मैं इस पे ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा था कि हम जो भी ये सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, इसको अपने परिवार में हमें अभ्यास करना होगा, व्यवहार में क्या अभ्यास करना होगा कि मेरी पत्नी भी समझ सकती है ना। कई बार मैं जब शिविरों में बात करता हूं तो कई लोग बोलते हैं कि भैया अब जिनके साथ में रहता हूं शायद इस जन्म में इन ये तो नहीं समझेंगे, है ना, बाकी के दूसरे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को समझाने में प्रयासरत ज्यादा हैं, है ना। तो हम ये निष्कर्ष निकाल चुके हैं कई बार कि हमारे अपने जिनके साथ हम जी रहे हैं वो नहीं समझेंगे। तो ये यहाँ ये कहा जा रहा है, व्यवहार अभ्यास से ही सहस्तित्व का साक्षात्कार होगा, केवल विचार से साक्षात्कार नहीं होगा, है ना। तो उन्हीं किताबों को 15 बार 25 बार पढ़ने से है ना साक्षात्कार नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी बच्चे को हम यदि क्लास 5th में पढ़ाएं और उससे पूछें तो बनना क्या चाहते, तो बोलता है मैं तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है। तो भैया है ना, क्लास 5वीं किताब पढ़ने से थोड़ी IAS बन जाओगे, तो फिर छोड़ दे क्या पढ़ना। तो ये प्री रिक्विजिट कह सकते हो, शास्त्र अभ्यास प्री रिक्विजिट है विचार, क्योंकि विचार के आश्रय में ही व्यवहार होगा, इसलिए तो पढ़ना ही होगा, बट कहा यह जा रहा है कि व्यवहार अभ्यास से साक्षात्कार होता है, क्योंकि न्याय का साक्षात्कार तो न्याय के प्रयास करते हुए ही होगा, लेकिन उसके लिए विचार अभ्यास जरूरी है पहले। तो बढ़िया, तो कर्म अभ्यास से प्रतिफल, व्यवहार अभ्यास से सह अस्तित्व का साक्षात्कार, क्योंकि आपको ये लगेगा अपनों से ही व्यवहार करके जो तृप्ति होगी, तो ये पता लगेगा कि हम जिनको ये माने हुए थे कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे हमारे माता पिता को तो वस्तु ही चाहिए, ये जब हम उनसे न्यायपूर्वक व्यवहार करते हैं और उनमें जो तृप्ति पाते हैं, अपने में तृप्ति पाते हैं, यार मैं गलत सोचता था, इनको भी न्याय ही चाहिए था, यहां से न्याय का साक्षात्कार होता है ना। यहां से
ये पता चलता है कि मानव न्याय चाहता है, वस्तु उसमें आवश्यकता अनुसार जरूरत होती है, लेकिन नित्य रूप में तो मूल्यों को ही हम चाहते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं। इस बात के लिए व्यवहार अभ्यास में ही सहअस्तित्व का हमें साक्षात्कार होता है। और चिंतन अभ्यास से संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फलतः अनुभव है। तो जो चिंतन अभ्यास है, तो एक तो जो बाप माने किसी और ने जो चिंतन किया, उनके अनुभव की रोशनी में जो हम अभ्यास कर रहे हैं, उससे अपने में गुणात्मक परिवर्तन है, या फिर अपने में जब अनुभव हो चुका है तो जो स्वयं में जो चिंतन अभ्यास है उस अनुभव को प्रमाणित करने के अर्थ में जो कार्यक्रम है उसको भी चिंतन अभ्यास कह रहे हैं। तो अभ्यास समझदार अनुभव होने के लिए और अनुभव को प्रमाणित करने के लिए दोनों स्थितियों में बात की जा रही है। कर्म अब उपलब्धि क्या होती है? कर्म अभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि और व्यवहार अभ्यास पूर्वक बौद्धिक समाधान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कह रहे हैं बौद्धिक समाधान या इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी या इंटेलेक्चुअल रेजोल्यूशन, लेकिन हो कैसे रहा है? व्यवहार पूर्वक, क्योंकि व्यवहार किए बिना हमें ही तृप्ति नहीं होती, हमें ही पता नहीं लगता मैं ठीक समझाऊं कि नहीं समझाऊं, क्योंकि इसीलिए कह रहे हैं हमारे जो भी समझने का प्रमाण व्यवहार में उभय तृप्ति के रूप में पहुंचता है। एवं चिंतन अभ्यास और अनुभव पूर्वक परमानंद की निरंतरता है। यदि हम मानव व्यवहार दर्शन को अभी अपन याद करें तो अपन एक उसमें कह रहे हैं कि जो बौद्धिक तृप्ति दीर्घकालीन है ना, और जो भौतिक तृप्ति है ना या इंद्रिय तृप्ति क्षणिक, और जो व्यापक तृप्ति या ज्ञान तृप्ति, ये निरंतर नित्य है। तीन तरह के उसमें तृप्तियों का वर्णन था। यहाँ से वो लिंक होता है कि कर्म अभ्यास पूर्वक जो भौतिक समृद्धि से जो तृप्ति है वो एक क्षणिक है या शरीर रहने के पोषण संरक्षण के अर्थ में है। व्यवहार अभ्यास पूर्वक जो बौद्धिक तृप्ति है दीर्घकालीन है। फाइनली चिंतन अभ्यास और अनुभव पूर्वक ही परमानंद की निरंतरता है या नित्य तृप्ति के रूप में ये बदलता है ना। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है। आगे कह रहे हैं जड़ चैतन्यात्मक स्थिति बत्ता में जो व्यवस्था है वही नियति क्रम है। तो जड़ चैतन्यात्मक जो स्थितियां हैं, अर्थात पदार्थ से प्राण अवस्था या पदार्थ अवस्था में भी बहुत सारा क्रम है। वो तृप्त होता है तो प्राण अवस्था, उसमें एक क्रम है। फिर स्वेदा जंडस से जुड़ता हुआ जीव अवस्था, समृद्ध पूर्ण मेधस, समृद्ध मेधस से समृद्ध पूर्ण मेधस होने में जो ज्ञान अवस्था है, ज्ञान अवस्था से भ्रमित से जो जागृति की ओर जर्नी है, ये जो पूरी व्यवस्था है इसी को अपन नियति क्रम कह रहे हैं। ये क्रम ही है, ये कोई मानव जन्म लेने से, ये जो एक हमें कई बार लगता है कि शरीर लेने से हम शायद हम फंस गया है मानव जीवन, तो पहले ठीक ठाक ही था जब शरीर नहीं लिया था और शरीर लेने से फंस गया, इसलिए शरीर के आवागमन से मुक्ति को हम मोक्ष कह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये एक क्रम है। तो जागृति क्रम में मानव है, ये जो भ्रमित और जागृत जीवन रहता है होता है, ये शरीर लेने से उसमें भ्रमित जागृति नहीं हो रही है ना। अर्थात अदरवाइज तो जो जागृत व्यक्ति शरीर के साथ रहेगा वो भी गलतियां करेगा, ऐसा भाव चला जाएगा, उसको शरीर छोड़ना बाध्यता बन जाएगी है ना मोक्ष के लिए। तो शरीर कोई बाधा नहीं है, है ना। तो जीवन में भ्रम माने शरीर को भ्रम मान लेना, अर्थात मेरा सुख इंद्रियों से ही निरंतर हो जाएगा, यही भ्रम है। इतना मानने में कोई गलती नहीं है कि इंद्रियों से क्षणिक सुख होता है ना, लेकिन इंद्रियों में ये जो अपने में ये जो दबाव है कि इसी से पूरा मैं निरंतर सुखी हो जाऊंगा, इसलिए हम बहुभोग करना चाहते हैं, मतलब एक ही तरह के भोग को बार 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 करना चाहते हैं। आज रसगुल्ला खाया, फिर कल खाएंगे, परसों पार्टी मनाएंगे, तीसरे दिन ये करेंगे, चौथे दिन घूमने जाएंगे, पांचवें दिन मूवी देखेंगे, और अगले हफ्ते में मंडे से फिर कुछ शुरू करेंगे। ये जो बहुभोग से ये क्षणिक क्षणिक सुख को इकट्ठा करके हम निरंतर कर देंगे, ऐसा नहीं है। निरंतरता एक अलग वस्तु है, दो क्षणिक के बीच में जो लंबा छोटा गैप और लंबा गैप जो बना ही रहता है। तो जो बहुभोग और अतिभोग के लिए जो तृष्णा है उससे मुक्ति तभी हो सकती है जब ये समझ में आए कि जो नित्य सुख है वो किन्हीं ज्ञान की वस्तु में है ना, माने मूल्यों में है, वो स्थिति ही अलग है, उसको इंगित कराए जा रहे हैं। तो मानव जीवन में न्याय संबद्धता व्यवहार में सार्थक है। तो न्याय से संबद्ध जब तक व्यवहार नहीं है, अर्थात अन्यायपूर्ण व्यवहार या वस्तु प्रधान व्यवहार या व्यवसाय प्रधान व्यवहार, ये सफल नहीं है, सार्थक नहीं है। तो मानव में तो न्यायपूर्ण
न्याय से संबद्ध होता है जब व्यवहार अर्थात मूल्य मूलक व्यवहार जब होता है अर्थात व्यवस्था के अर्थ में जब संबंध को हम पहचानते हैं उसी अर्थ में व्यवहार सार्थक है। नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ही न्यायशास्त्र एवं नियंत्रण क्रम व्यवस्था है। तो नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ही न्यायशास्त्र एवं नियंत्रण क्रम व्यवस्था है। नियंत्रण ही विधि और क्रम ही नीति है। तो विधि और नीति की जो बात है यदि 16वां अध्याय को अपन ध्यान देंगे है ना, तो कि मूल्य मूलक जीना एक तरह से परिवार मानव है, चरित्र पूर्वक जीना समाज मानव है जिसमें स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार की बात की, और नीति जिसको राजनीति और धर्म नीति के रूप में कहा या अर्थनीति राजनीति धर्म नीति की बात की। तो इसको यदि देखें तो नीति पूर्वक है ना जो क्रम है तो विधि और क्रम ही नीति है, और नीति अपन धर्म नीति और राजनीति जहाँ पे तनमंधन का सदुपयोग और है ना सुरक्षा की बात कर रहे हैं उस अर्थ में समाधानी व्यवस्था है। आचरण रूपी विधि एवं व्यवस्था मानव इकाई में पूर्णता सहज प्रमाण संबद्ध है। आचरण रूपी विधि और व्यवस्था मानव इकाई में पूर्णता सहज प्रमाण संबद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि मैं देख रहा हूँ सत्य प्रकाश भाई कह रहे हैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, समझा बहुत अच्छे रहे हो, एक शब्द समझ में भी आ रहा है, पर यह लॉकडाउन कुछ दिन रहेगा उसमें जितना समझ जाओ उतना अच्छा है। ये बढ़िया है भैया, ये दबाव पूर्वक नहीं चलेगा भाई, क्योंकि लॉकडाउन में ही अध्ययन करना है ना, तो अपनी प्रायोरिटी को अपने को ठीक करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि व्यवसाय इंपॉर्टेंट है ही है ना, तो ठीक है इसको देखेंगे तो, बट फिर भी स्पीड में बढ़ाऊंगा, आपसे सहमत हूँ है ना, इसको देखते हैं। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरा काफ़ी अच्छा उस पर ध्यान गया है, उसको मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ, बट इसको ठीक करेंगे, आपका सुझाव एकदम स्वागतीय है। तो आचरण रूपी विधि एवं व्यवस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक हम विधि को संविधान माने हुए हैं है ना, जबकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि मानव में ही वो आचरण रूप में विधि समाई रहती है, और ऐसा कहते भी हैं कि यदि कोई व्यक्ति है ना, जैसे मान लो मैं सिंगापुर जाऊं घूमने के लिए और वहां पे कोई गलती कर दूं, गलती माने जैसे ट्रैफिक के नियम को बदल दूं, मतलब बदल दूं माने उसको तोड़ दूं, और फिर मैं बोलूं भैया मुझे पता नहीं था आपके यहाँ रेड लाइट पे निकलते नहीं है, क्योंकि मैं तो भारत से आ रहा हूं और हमारे सूरत में तो भैया रेड लाइट पे भी निकलते हैं और पैर दिखा के टर्न ले लेते हैं, तो हमने इंडिकेटर इसलिए नहीं दिया है ना, तो ये कोई वैलिड आर्गूमेंट नहीं है कोर्ट में और भारत में भी नहीं है, है ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नियमों का आपको पता ही होना चाहिए है ना। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आचरण रूपी बुद्धि एवं व्यवस्था मानव इकाई में पूर्णता सहज प्रमाण संबद्ध है। तो जो पूर्णता, जो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता की बात कर रहे हैं, पूर्णता के साथ ये प्रमाण के साथ उसमें जुड़ जाती विधि उसमें स्थापित, माने विधि जो है वो किताब में नहीं है। ये भी हमारा बहुत भ्रम है कि संविधान लिख देंगे अर्थात हमारी चीजें बदल गई। फाइनली यदि अपन देखेंगे तो संविधान अर्थात विधि है ना, या सम्यक जो विधि है ये फाइनली मानव में स्थापित होती है। वो विधि की स्थापना ही अध्ययन पूर्वक होती है, मानव में विधि स्थापित हो जाए इसी के लिए, इसी का नाम संस्कार है। यदि मैं दूसरे शब्दों में संस्कार को परिभाषित करूं तो मानव में जो सह अस्तित्व में विधि है, जो नियम कानून है, सह अस्तित्व रूपी जो नियम है, उसकी मानव में स्थापना हो जाना ही विधि है। किताब में तो संविधान उसी विधि को लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षा के माध्यम से और व्यवस्था के माध्यम से ट्रांसफर कर सकें। ये बात मुझे स्पेशली बलराज भाई से जब बात करते हैं तो बहुत ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बलराज भाई प्रैक्टिस करते हैं, तो विधि का सही स्वरूप हर मानव में आचरण के रूप में, जागृति के रूप में, संस्कार के रूप में सच्चाइयों का सूत्र स्थापित हो जाना विधि है। उसी का प्रकाशन है ना सभ्यता के रूप में मानव समाज में और व्यवस्था के रूप में परंपरा में देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि आचरण रूपी विधि एवं व्यवस्था मानव इकाई में सबद्ध होना है, किताबों में नहीं लिखी जानी है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भैया जीवन विद्या को फटाफट है ना किसी
पॉलिटिकल पार्टी को 2-4-10 लोगों को मना के, है ना, या कन्विंस करके हम संविधान में लिखवा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा, या किताबों को लागू करवा देंगे उससे भी नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनली तो ये विधि जो है हर मानव में कोडिंग होनी है इसकी, शिक्षा के माध्यम से, और उसके लिए कुछ बड़े लोगों में उसको जीते हुए लोग दिखने होंगे, तभी वो सफल होता है। बहुत सुंदर लाइन है, जागृत इकाई का स्वनियंत्रित होने का स्वभाव है। अरे क्या ब्यूटीफुल है, कैसे स्पीड बढ़ाऊं, तो जागृत इकाई का क्या स्वभाव है, क्योंकि हर मानव स्वनियंत्रित, किताब से कैसे नियंत्रित होगा, क्योंकि संविधान में लिखा है इसलिए कैसे मान लूं, तो भैया विधि मेरे में स्थापित होती है, इसी का नाम है स्वनियंत्रित हो जाना। एक बीज में कोड लिखा रहता है, आम के बीज में, इसलिए कितना बड़ा उसको फैलना है उतना फैलता है। तो ये जो मानव में जब तक ये कोडिंग नहीं हो जाएगी अध्ययन के द्वारा, शिक्षा और व्यवस्था के द्वारा, क्यों कोडिंग क्यों जरूरी है मेरे में, क्योंकि यार तभी तो मैं स्वनियंत्रित होऊंगा भाई, मैं तो परनियंत्रित होना ही नहीं चाहता, किसी को स्वीकार नहीं है परनियंत्रण, हर आदमी दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है। तो स्वनियंत्रण का मतलब ही है ये सेल्फ रेगुलेटेड कोडिंग हो जाना, और जिसको मैं स्वयं ही अपने में स्थापित करता हूं, क्यों, क्योंकि इसके फलन में ये जो पूर्णता सहज प्रमाण मेरे को मिलता है सुख शांति संतोष आनंद के रूप में, इसलिए मैं अपने को इस कोड से, कोडिंग होने के लिए अपने को समर्पित कर देता हूं उस ज्ञान में, है ना, जिससे कि मैं सफल हो जाऊं। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, सिंपल लाइन है कि जागृत इकाई का स्वनियंत्रित होने का स्वभाव है, इसीलिए वो विधि से नियंत्रित होने के लिए समर्पित होता है। मानव इकाई में जीवन सहज गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता प्रमाणित होती है, इसलिए पूर्णता की दिशा में व्यवस्था का अनुसरण ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो अभ्यास क्या करना है कि पूर्णता की दिशा में व्यवस्था का अनुसरण ही अभ्यास का प्रधान लक्षण। तो इस तरह से कैसे हम आगे अभ्यास करेंगे, तो किस लिए करेंगे, स्वनियंत्रित होने के लिए सारा अभ्यास है। अभी देखिए मजेदार बात है, नॉर्मली अभ्यास दर्शन से, अभी यदि अपन सामान्य भाषा में किसी से पूछें कि भैया किसी दर्शन में एक किताब अभ्यास दर्शन भी लिखी है, तो एक सामान्य अर्थ उसको ऐसा जाता है, अच्छा अच्छा अभ्यास का मतलब ये लिखा होगा कि फिर 5 बजे उठना है, क्या आदमी को खाना खाना है, है ना, कितने बजे सोना है, मम्मी पापा के सुबह उठ के चरण स्पर्श करने हैं कि नहीं करने हैं, है ना, या मैंने ऐसा नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है, अभ्यास क्या होना है, स्वनियंत्रित हो जाना है, अपने में विधि की स्थापना अभ्यास है। क्या ब्यूटीफुल डिजाइन है अभ्यास का, मैंने, है ना, बहुत ही गजब। मतलब कई बार अभ्यास में नहीं तो किताब लोग पढ़ जाते हैं, बोले यार अभ्यास तो मिला ही नहीं मुझे, है ना, क्या अभ्यास करना था, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इसमें। तो ये जो अपने में संस्कारित होना ही अभ्यास है, है ना, इसीलिए उसको अभ्यास कह रहे हैं। तो व्यवहार अभ्यास है, जिससे कि ये जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो तर्क संगत मिल रही हैं, इसको जब जीने में हम जीने जाएंगे तो सच्चाइयों का साक्षात्कार हो जाएगा, न्याय का साक्षात्कार हो जाएगा, फलस्वरूप हमें मूल्य पूर्वक जीना है, ऐसी विधि मेरे में स्थापित होने लगी। क्योंकि उसमें जब पति पत्नी के साथ मूल्यों के साथ जिएंगे, भाई के साथ, बेटे के साथ, तो जो खुशहाली मिलेगी, है ना, उसमें उसमें जो खुशहाली मिलेगी वो मेरे में कोडिंग होना है। इसीलिए अवधारणाएं पुष्ट होती हैं, ऐसा भी कहा है परिपुष्ट अनुमान ही अवधारणा के रूप में अपने में आता है। तो बहुत ही माने गजब ये अभ्यास दर्शन लिखा भी बहुत ही, हमारे सुरेंद्र पाल भैया कहते हैं कि अभ्यास दर्शन लगता है एकदम, है ना, पोएटिक वे में लिखा है बाबा ने, है ना, जो श्री राम भाई बता रहे थे कि बाबा आंसू कभी भी रहे एक समय में। और बहुत ही अभ्यास दर्शन को आप पढ़ेंगे तो वास्तव में बहुत ही माने फ्लोइंग लैंग्वेज में लिखा है ना। तो जो गोल गोल सूत्र थे जो पहले मानव विहार दर्शन में, वैसे नहीं, इसमें पढ़ने में मजा आता है, एक लय है, एक, है ना, एक लय ताल में लिखा है, इसको बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। नियंत्रण विहीन व्यवस्था नहीं है, क्यों ऐसा है, क्योंकि नियंत्रण विहीन व्यवस्था होती नहीं है, है ना। अच्छा ये पर नियंत्रण नहीं है, देखो मजेदार बात है, क्योंकि हर इकाई स्वनियंत्रित होना चाहती है और नियंत्रण विहीन व्यवस्था नहीं है, तो एक ही तरीका बचता है, मानव स्वयं स्फूर्त, है ना, संस्कारित हो जाए, अर्थात उसमें विधि स्थापित हो जाए, स्वनियंत्रित हो जाए, तभी व्यवस्था होगी, क्योंकि नियंत्रण विहीन व्यवस्था हो नहीं सकती और पर नियंत्रण स्वीकार नहीं है, क्योंकि जागृत इकाई का स्वनियंत्रित होने का स्वभाव है। बहुत बढ़िया। विकास एवं ह्रास नियंत्रण पूर्वक ही है, तो विकास भी नियंत्रण पूर्वक है और ह्रास भी नियंत्रण पूर्वक है, इसीलिए
सम्मध्यस्थात्मक व्यवस्था विकास की ओर प्रगतित एवं विषमता युक्त व्यवस्था ह्रास की ओर विगतित माने होना पाई जाती है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, आपका यदि तात्विकता पे उस समय ध्यान गया हो कि मन वृत्ति चित्त तक सम विषम दोनों होने की संभावना रहती है, लेकिन जैसे ही चित्त से आगे जाते हैं अर्थात साक्षात्कार और बुद्धि में, अपन कह रहे हैं कि बुद्धि में भ्रम नहीं पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, सम या तो सम होगा या सम मध्यस्थ, है ना, सम और मध्यस्थ की ओर गति है, और आत्मा में आत्मा सम विषम से मुक्त है, सिर्फ मध्यस्थ रहता है। तो इसी को ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि विकास भी नियंत्रण पूर्वक है, ह्रास भी नियंत्रण, मतलब नियम से ही ह्रास हो रहा है, हम अपने आपके आशा विचार इच्छाओं को संवेदनाओं की ओर परावर्तित करेंगे तो वो जो ह्रास है उस वो भी नियम से ही है। यही नियम है कि जब मैं गुरु मूल्य को लघु में नियोजित करता हूं तो ह्रास हो जाता है, अर्थात क्या मतलब ह्रास माने, मैं दुखी हो जाता हूं या मैं क्षणिक रूप में सुख को पाता हूं जबकि मुझे निरंतर सुख चाहिए, इतना ही ह्रास है। ह्रास माने कोई बहुत अमानवीय जब कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई बहुत माने लांछन लग रहा है वो, है ना, सुनने में ऐसा लगता है क्या यार मेरे को पशु मानव बोल दिया, राक्षस मानव बोल दिया, अमानव कैसे बोल दिया, है ना, देखने में तो मानव हूं, तो इतना ही कहा जा रहा है भैया जो तुम होना चाहते हो, सुखपूर्वक जीना चाहते हो और जिस तरह का आचरण कर रहे हो, जिस तरह की प्रवृत्तियां हैं उसमें जो आप उपलब्धि चाहते हो वो नहीं मिलेगी, है ना, इसलिए ये मानवीय नहीं है। इतनी बात करें तो ह्रास भी नियम नियंत्रण पूर्वक है, नियम पूर्वक है, इसलिए सम्मध्यस्थात्मक व्यवस्था विकास की ओर प्रगतित एवं विषमता युक्त व्यवस्था ह्रास की ओर पाई जाती। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट विकास क्रम विकास एवं जागृति क्रम जागृति पूर्णता ही है, इसलिए प्रत्येक इकाई का ह्रास व विकास एवं जागृति उनकी मौलिकता से प्रमाणित है। और कह रहे हैं इतना डरने की बात नहीं है, है ना, तो जड़ चैतन्य पूरी प्रकृति का अभीष्ट ना माने जिसको वो बर करता है ना, जिसको वो चुनाव करता है, जिसको वो पाना चाहता है, वो विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति पूर्णता ही है। ये जितना भी इसलिए प्रत्येक इकाई का ह्रास व विकास एवं जागृति उनकी मौलिकता से प्रमाणित है। और ये जो पूरा अभी जो हमें घटनाएं दिख रही हैं ये बेसिकली बहुत ही एक छोटा डोमेन है जागृति क्रम का, परंपरा के रूप में इस धरती पर, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जागृति की स्थापना होगी तो उसकी परंपरा बनेगी, इसी के लिए यही हम सब का अभीष्ट भी है और हम सब लोग मिलकर इसकी ओर गति करेंगे ही, इसको एक ध्यान दिला रहे हैं। मौलिकता ही इकाई का स्वभाव, स्वभाव ही आचरण है, है ना, तो जो कह रहे हैं कि हर इकाई अपनी मौलिकता को व्यक्त करती है ना, तो मौलिकता ही स्वभाव है, पदार्थ का स्वभाव संगठन विघटन के रूप में वही उसकी मौलिकता है, प्राण अवस्था का स्वभाव सारक मारक के रूप में, है ना, जीव अवस्था का स्वभाव क्रूर अक्रूर के रूप में, और मानव का स्वभाव धीरता वीरता उदारता या दया कृपा करुणा के रूप में है, वही उसकी मौलिकता है, वही स्वभाव है, वही उसका आचरण है। प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें आचरण ना हो, तो प्रकृति की कोई इकाई है ही नहीं, है ना, तो अब बचा केवल मानव, है ना, तो मानव का भी आचरण है जो कि मानव संस्कारित होकर, है ना, अध्ययन पूर्वक अनुसंधान पूर्वक उसको पाता है, क्योंकि उसमें भी वही अभीष्ट समाया हुआ है, इसलिए ही वहां तक पहुंचता है, है ना, इसलिए मानव भी अपने मानवीयता रूपी आचरण से संबंध होगा संबद्ध होगा और मौलिकता को प्राप्त करेगा मानव में। अच्छा कुछ कुछ बढ़िया, तो भैया क्या इच्छा शक्ति में व्यवहार, एक दो दो चार मिनट हैं ये ले लेते हैं इसको, भैया ने कुछ लिखा है, श्यामवीर भाई कह रहे हैं भैया क्या इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास तयस्तित्व बौद्धिक समाधान स्वभाव धर्म अर्थात क्रमशः साक्षात्कार बोध को कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, व्यवहार अभ्यास से ही साक्षात्कार की शुरुआत हो जाती है। क्या संपूर्ण धरती पर लॉकडाउन होना अस्तित्व में नियति क्रम का हिस्सा मानव को समझने समझाने हेतु बाध्य करना तो नहीं है, क्योंकि आदमी संवेदना के से आगे के संक्रमण में जोर का झटका झीरे से तो नहीं है, हम इसको ऐसा सोच सकते हैं। वैसे एक बात बहुत स्पष्ट है, घटनाओं से आदमी नहीं समझता है ना, समझ करके घटनाएं
उसको स्पष्ट होती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, क्योंकि घटना, क्योंकि किसी, जब तक कोई समझ नहीं है तब तक वो घटनाओं की समीक्षा भी नहीं कर पा रहा। हाँ, हम लोगों के लिए घटना महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हमारे पास एक समझ का एक पैडिंग आई है, एक सूचना आई है, उस पर हमने कुछ, हम सब लोगों ने जो उस पर सुन रहे हैं, तो और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर कुछ मनन किया है, तो वो इस घटना को काफ़ी पॉजिटिवली ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास समझ की स्पष्टता नहीं है, वो घटनाओं से, उन बहुत कम संभावना रहती है घटनाओं से कोई बहुत मूल चूल परिवर्तन हो जाए। तो घटनाएं समझ करके घटनाएं स्पष्ट होती हैं, घटनाएं बहुत रेयरली समझ के लिए कारण तो बन सकती हैं, समझ के आप प्रकाशन नहीं बन पाती, समझ को उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, बट ये बिल्कुल ठीक है, कम से कम कुछ तो हुआ है, हम सब लोगों का तो ध्यान जाना ही चाहिए। इतना तो दिख ही रहा है कि हम बहुत सारा जो दौड़ रहे थे, नई दौड़ने से भी यदि विचारों में स्पष्टता रहती है तो हम उतने ही सुख समृद्धि शांतिपूर्वक जी सकते हैं। राकेश भैया लिख रहे हैं, यस वी विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम इवन आफ्टर लॉकडाउन गेट्स लिफ्टेड, टू द टाइमिंग एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सेशन में अंडरगो चेंज बेस्ड ऑन पीपल्स कन्वीनियंस। तो बिल्कुल सत्यप्रकाश भाई, इसको हम सब मिलकर चालू रखेंगे, है ना, टाइमिंग कम ज़्यादा करेंगे इधर उधर, तो बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी बनी है, और अपना ये प्रयास रहेगा कि ये एक अच्छा मीडियम भी है, और एक अभी सोम भाई से बात हो रही थी तो ये भी सोम भाई कह रहे थे कि बहुत सारे लोग परिचय शिविर के बाद उनकी एक रिक्वायरमेंट रहती थी, और चूंकि शहरों से कहीं कहीं कई बार 2-4% 2-4-10 लोग ही रहते हैं, और शहरों में दूरियाँ रहती हैं, तो कई बार ये बन नहीं पाता कि वहाँ पर गोष्ठियों को नियमित चला पाएँ, तो शायद इस माध्यम से एक प्लेटफॉर्म कि हम अपने समय की अनुकूलता के अनुसार, है ना, हर दिन तो 1-2 घंटे जुड़ सकें, है ना, तो इस ढंग से क्या होगा कि हम सब लोग जुड़ भी पाएंगे और एक आगे के क्रम को भी परिचय के बाद कैसे चला पाएं, तो ये राकेश भाई ने ऐसा सोचा ही है, और हम सब उसमें साथ में हैं कि कैसे ये इस क्रम को अपन इसके बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी सुचारू रूप से चला के रखेंगे। बाबा को सामयिक घटना संविधान की बात में आचरण की पकड़ का ज्ञान की तलाश थी, घटना का हिस्सा था, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो घटनाएं एक हमारे लिए एक मोड़, एक कारण बन सकती हैं, सच्चाइयां घटनाओं से समझ में नहीं आती, सच्चाई की रोशनी में सारी घटनाएं स्पष्ट होती हैं, समझ में आती हैं, है ना। तो मुझे लगता है लगभग समय हो गया है, एक इसी सेंटेंस को पूरा करते हैं कि प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें मौलिकता ना हो, जिसमें आचरण ना हो। इससे यह भी ध्यान दिला रहे हैं कि मानव में भी कुछ ना कुछ मौलिकता होगी ही, इसीलिए उसको कहा कि मानव में मानवत्व ही उसका आचरण है, जिसकी स्थापना उसमें होगी, है ना, और ये मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में है, इसको माने मूल चरित्र नैतिकता के रूप में स्पष्ट किया। ज्ञान इसके रूट में है, ज्ञान उसके विधि के रूप में है, सूत्र के रूप में है, और इसकी स्पष्टता, है ना, जो उसके उसमें जो संस्कार बनता है वही उसके मानवीयता रूपी आचरण में व्यक्त होता है। तो संस्कार ही संस्कृति के रूप में, व्यवस्था के रूप में, सभ्यता के रूप में व्यक्त हो रहा है। बहुत बढ़िया, अनीसा बहन लिख रहे हैं, स्पीड परफेक्ट है भैया, एंड दिस अध्ययन प्रोसेस शुड कंटिन्यू इवन आफ्टर लॉकडाउन। बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग रहेगा, इसीलिए मैंने लिखा था कि आप सबका इंतजार है, ये हम लोगों को बहुत ताकत देता है, बहुत अच्छी संख्या में आप सब लोग, ये बिल्कुल हम सब, और इसमें माने ये हम लोग, मैं कई बार कह ही चुका हूँ, मैं भी आप सबके जैसे ही एक पठन और अध्ययन के क्रम में हूँ, और आपके लिए जब मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ इसमें मैं भी उसको सुनता हूँ, और बाकायदा आपको दिखाऊंगा तो किताब वताब लेके, अभ्यास दर्शन और, है ना, किताब लेके और उसके परिभाषा संहिता को लेके, और बीच में सुरेंद्र पाल भैया को, है ना, और साधन भैया को फिर, और श्रीराम भाई को फ़ोन करके, भैया ये वाला इसको और स्पष्ट किया हो, तो हम सब भी अपने में परमार्जन करने के लिए प्रयासरत हैं, और हम सब मिलके ये धरती स्वर्ग हो जो बाबा का उद्गार है, और हम सब की भी कामना है, वसुदेव कुटुंबकम की कामना हम सब की रही है, हम सब कैसे मिलजुल के इसमें सफल हों, और इसमें ये जो लॉकडाउन भी एक अपना एक इसको निभा पाए, इसको हम सही अर्थ में ले पाएँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और कल सुबह फिर मिले, रुके थे तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि अभ्यास क्रिया पूर्णता के लिए अर्थात ज्ञान संपन्न होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, है ना, ये हम लोगों ने कल देखा, और ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि अभ्यास की अनिवार्यता। तो अभ्यास की अनिवार्यता क्यों है, है ना,
इसके लिए बहुत ही अच्छा एक जो लास्ट हम लोगों ने तर्क को देखा था कि प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें आचरण ना हो। सभी को नमस्कार एक बार फिर। तो देखिए, हर इकाई का आचरण है ना। तो स्वाभाविक है कि मानव रूपी इकाई का भी कोई आचरण होना चाहिए। तो प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें आचरण ना हो। तो मानव के आचरण की बात, उसी को मानव का त्वा, उसी को मानव की मौलिकता, है ना, ऐसे अलग-अलग उसको बताया गया है। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग नामकरण संज्ञा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से हम पर्यायवाची अलग अलग यूज करते हैं, तो अलग अलग संदर्भों में वो ज्यादा सटीक रहता है। तो मौलिकता, स्वभाव, त्वा, है ना, आचरण। तो प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें आचरण ना हो। मानव में तात्रय की सीमा, तात्रय माने अमानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता, सीमांतवर्ती स्वभाव और आचरण प्रत्यक्ष है। तो मानव में इन तीन सीमाओं में ही आचरण को पहचाना जाता है। या तो वो अमानवीयतापूर्ण आचरण होगा, या मानवीयता से संपन्न आचरण होगा, या फिर अति मानवीयता से संपन्न आचरण होगा। आगे बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत ही शानदार पैराग्राफ है। क्या कह रहे हैं? मानव मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है। तो किसका अनुसरण होता है? मध्यस्थ क्रिया का। मध्यस्थ क्रिया क्या है? आत्मा, है ना। तो मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है। यह जागृति की एक अवस्था का द्योतक है। मानव में ही मध्यस्थ को अनुसरण करने का अवसर है। तो मानव में मध्यस्थता को अनुसरण करने का, फॉलो करने का, वहां तक पहुंचने का अवसर है। सम विषम के नियंत्रण का आधार मध्यस्थ है, और सम और विषम के नियंत्रण का आधार भी मध्यस्थ है। साथ ही मध्यस्थ क्रिया ही समाधान है, और मध्यस्थ क्रिया स्वयं में समाधान है, अन्यथा प्रत्येक द्वंद समस्या जनक है। बाकी के जितने भी द्वंद हैं, द्वंद तो समस्या के रूप में है ही है, तो मध्यस्थता ही, है ना, उसी का अनुसरण होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हर मानव सम विषम से मुक्त होना चाहता है। उसका कारण क्या है? कि हम निरंतरता चाहते हैं, और निरंतरता सिर्फ मध्यस्थता की हो सकती है। तो मध्यस्थ स्थिति की ही निरंतरता पाई जाती है। उसी का प्रभाव आत्मा में मध्यस्थ क्रिया के रूप में है। फलस्वरूप सारी जो विषम क्रियाएं हैं, आशा विचार इच्छाएं की भ्रम बस, वो सम में कन्वर्ट होती हैं चिंतन और साक्षात्कार और अवधारणाओं में, और वही बोध पूर्वक सम मध्यस्थ में कन्वर्ट होता है। और फाइनली आत्मा रूपी, है ना, जो अनुभव संपन्न आत्मा होने के बाद पूरी सारी की सारी जो जीवन की क्रियाएं हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, सभी की सभी मध्यस्थ का अनुसरण करती हैं। इसी को जागृति भी कह रहे हैं। तो ये जागृति की एक सीमा है। ये अपने आप में पूर्ण हो गया ऐसा नहीं है, क्रिया की पूर्णता है, अभी पूर्णता बाकी है। एक और मजेदार चीज, क्योंकि इसमें अपने को आएगा आगे, उस पे ध्यान आकर्षण में चाहूंगा अपना सबका चला जाए। अनुभव, अभी तक हम लोग या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अनुभव हमें पाना है और यही उपलब्धि है, जबकि ये कहा जा रहा है कि अनुभव वो प्रीरिक्विजिट है जीने के लिए। अनुभव अपने में पूरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि अनुभव स्टार्टिंग पॉइंट है जीने का। जैसे हम किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा ये फिनिश लाइन है, तो अधिकतर लोग अनुभव को फिनिश लाइन माने हुए हैं। अनुभव फिनिशिंग लाइन नहीं है, अनुभव स्टार्टिंग लाइन है। फिनिश लाइन तो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था है, या अनुभव के बाद स्वयं को प्रमाणित करना, माने अनुभव के बाद जीने की शुरुआत है। दूसरे ढंग से कहें तो अनुभव प्री रिक्विजिट है, प्राथमिक रिक्वायरमेंट है। अनुभव अपने आप में संपूर्ण से हम संपन्न हो गए ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है। हमें आचरण पूर्णता तक पहुंचना है। तो क्या कह रहे हैं कि पदार्थ अवस्था में सामूहिक, प्राण अवस्था में वर्गीय, जीव अवस्था में जातीय एवं ज्ञान अवस्था में भ्रम बस सामुदायिक बाध्यताएं द्रष्टव्य हैं। तो इस समुदाय में रहना है, पदार्थ का, प्राण अवस्था का, वर्गीयता में, जीव अवस्था, अपने जातीयता में, वहां पे कोई भ्रम नहीं है, है ना। वहां पे वो सारी की सारी सामूहिकता, वर्गीयता और जातीयता ये व्यवस्था के अर्थ में समाहित है।
मानव में ज्ञान अवस्था में भ्रमवश ये सामुदायिक बाध्यताएं द्रष्टव्य हैं, ये ठीक नहीं है। जागृति पूर्वक अखंडता सार्वभौमता सूत्र व्याख्या है, और जागृति के बाद हमें अखंडता और सार्वभौमता का सूत्र अखंडता के रूप में और सार्वभौमता या व्यवस्था हमें व्याख्या के रूप में दिखाई देती है, अर्थात जीने के स्वरूप में दिखाई देती है। सूत्र और व्याख्या ही आता रहता है बीच बीच में। सूत्र विधि के रूप में है ना, संस्कार के रूप में है, व्याख्या आचरण के रूप में है या व्यवस्था के रूप में, किस तरह से वो कोड जो है मैनिफेस्ट होता है हमारे डे टू डे एक्टिविटी में। तो जो कोडिंग है वो सूत्र है, और जो मैनिफेस्टेशन है उस कोड का, जैसे यदि देखें तो बीज में जो प्राण सूत्र है ना, जो जेनेटिक कोड है वो कोडिंग है, लेकिन जो पेड़ के रूप में जो व्यक्त होता है वो उसकी व्याख्या है ना, जो प्रमाणित करता है अपने को, जो छोटा सा एक बीज अपने को पूरे वृक्ष के रूप में प्रमाणित कर देता है, उस कोड को मैनिफेस्ट कर देता है लिविंग में। तो ऐसे ही सारा का सारा ज्ञान संस्कार है ना, ये कोड है, जेनेटिक कोड या इसको कहें जीने का कोड, मानवीयता का कोड, ये एक सूत्रित हो जाता है अध्ययन से, और फिर वो जीने में, व्यक्ति में, परिवार में, समाज में अभिव्यक्त होता है मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में और अति मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में। जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभ्यास की अनिवार्यता है ना, अभ्यास की क्यों अनिवार्यता है, और उसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि हम सब अखंडता चाहते हैं, सार्वभौमता चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व चाहते हैं, है ना, या दूसरे शब्दों में कहें तो धरती कैसे स्वर्ग हो जाए, ये सब हमारी कामना में पहले से ही है, इसी को प्रमाणित करना चाहते हैं। इस अर्थ में हम अभ्यास की, पहले ज्ञान की आवश्यकता है, और उस अब या जागृति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, फिर जागृति पाने के बाद जागृति को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। तो जागृत मानव में, अभी जो पहले समुदाय की बात की, भ्रमवश सामुदायिक बाध्यताएं हैं, जबकि जागृत मानव में सामुदायिकता नहीं है, अब अखंडता है ना, और वही समाज है, वही सामाजिकता है। तो टुकड़े टुकड़े में नहीं पहचानते हैं, मानव जाति एक के रूप में हम जब पहचानते हैं उसको कह रहे हैं कि अब जागृति हुई। मानव ही इस पृथ्वी पर अन्य प्रकृति से विकसित है, और मध्यस्थता के बिना सामाजिकता सिद्ध नहीं है, सामाजिकता के बिना मानव आश्वस्त नहीं है। क्या मतलब, इतना मैं आज सुबह पढ़ रहा था इसको, तो बहुत ही पोएटिक वे में लिखा है। क्या लिख रहे हैं, मध्यस्थता के बिना सामाजिकता सिद्ध नहीं है, और सामाजिकता के बिना मानव आश्वस्त नहीं है। तो हमारे में आश्वस्ति नहीं है, अर्थात अभयता नहीं है, विश्वास नहीं है, है ना, विश्वास की स्थापना नहीं है, उसका प्रमाण नहीं है परस्परता में। कब तक, जब तक क्योंकि जब तक हम मध्यस्थता को ना पा जाएं, क्योंकि मध्यस्थता के बिना हम सम विषम या वर्गीयता या सामुदायिकता में रहेंगे, जो कि सामाजिकता नहीं होगी। और मानव ही इस धरती पर अन्य प्रकृति से विकसित है, इसको हम लोगों ने, मुझे जहां तक याद है, शायद चैप्टर 3 या 4 में ना पढ़ा था, मानव व्यवहार दर्शन में, किस तरह से मानव इस धरती पर अन्य प्रकृति से विकसित है। क्योंकि ये भी कई बार खासतौर से MBA के बच्चों के साथ जब बात करते हैं, या ज़्यादा जो आज की समय में जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं, अर्थात तर्क संगतता के साथ जो लोग हैं, या जो मॉडर्न साइंस को ज़्यादा पढ़े हैं, वो इस बात पे जरूर सवाल उठाते हैं कई बार कि भैया आप कैसे कह रहे हैं हम लोग मानव हैं इसलिए अपने आप को विकसित कह रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है ना। तो बाबा ने बहुत ही अच्छे तर्क वहाँ पर दिए हैं कि एक तो हर विकसित इकाई में अपने से कम विकसित के रूप गुण स्वभाव धर्म को पाया जाता है, और विकसित इकाई में वो सब भी रूप गुण स्वभाव धर्म पाए जाते हैं जो उससे कम विकसित में नहीं पाए जाते। दूसरा, अधिक विकसित अपने से कम विकसित को नियंत्रित करने की ताकत के साथ होता है, लेकिन विकसित होने का प्रमाण वो पोषण करने के रूप में देता है, और विकसित है लेकिन जब शोषण करता है तो अपने विकसित होने को प्रमाण को नहीं दे पा रहा है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है, मानव इस धरती पर अन्य प्रकृति से विकसित है, क्योंकि मानव ही ऐसी इकाई है जिसने पदार्थ प्राण और जीव अवस्था को नियंत्रित करने कर पाया है। इसलिए मैं जब कई बार है ना ध्यान आकर्षण के लिए बोलता हूँ कि ऐसा ही देखा गया कि कुछ लोगों ने है ना शेर को, चीते को, है ना गाय को, बकरी को, हाथी को नियंत्रित किया हुआ है, इसको हम देखते ही हैं। ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि 2-4 शेर ने 3-4 आदमी पाल रखे हैं, उनको पालतू बना लिया हो, है ना, या उनको नियंत्रित किया हो।
इससे ये तो पता चल गया कि मानव विकसित इकाई है, लेकिन अभी मानव ने भ्रमवश अपनी विकसितता को रॉन्ग डायरेक्शन में यूज किया, अर्थात शोषण के लिए यूज किया है। जानवरों का भी, इनको इकट्ठा करना जू में, ये सब कोई अपने इनका पोषण नहीं है, ये मानव अपने विकसित होने को प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। फलस्वरूप मानव परेशान भी है ना, समस्याग्रस्त भी है, द्वंद में भी है, उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी है कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, और आउटर कन्फ्लिक्ट भी है जो कि समाज में द्रोह विद्रोह युद्ध के रूप में दिखाई देता है, प्रकृति के साथ प्रदूषण के रूप में दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे ढंग से है ना हम इस बात को देख सकते हैं। तो श्याम वीर सिंह कह रहे हैं पहिया पदार्थ में सामूहिक प्राण में वर्ग क्रमशः संगठन व प्रजातियों को कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसी बात को कह रहे हैं। अगला आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि मानव के चारों आयाम एवं पांचों स्थितियों में मध्यस्थता सहज सुलभ है ना, ये भी बहुत मजेदार चीज है कि मध्यस्थता सहज रूप में सुलभ ही है ना। मध्यस्थता अनुशीलन के बिना मानव में अखंडता नहीं है। मध्यस्थता को जब तक हम अनुशीलन नहीं करते हैं, अर्थात तो उसमें शोध करके वहां पहुंचते नहीं है, तब तक है ना मानव में अखंडता नहीं है। और मध्यस्थता आवेश नहीं है, इसके अनुसरण पर्यंत जागृति का अभाव नहीं है, और जब तक हम यहां तक पहुंच नहीं जाते तब तक, पर्यंत माने तब तक जागृति का अभाव नहीं है, अर्थात हम जागृति क्रम में जाते हुए वहां तक पहुंचेंगे ही। तो कौन कौन से चारों आयाम और पांचों स्थितियों में मध्यस्थता सहज सुलभ है, तो देखिए किसको मध्यस्थता कह रहे हैं, तो चारों आयाम में अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, तो इसमें मध्यस्थता संभव है। ये मैं इसलिए ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्र में मध्यस्थता संभव है। मध्यस्थता का मतलब होता है निर्विरोधिता, परस्पर पूरकता, उभय तृप्ति, ये संभव है। क्योंकि धीरे धीरे मानव जाति यहाँ आ गई है कि उसको लगता है कि भैया समाज में, परिवार में हम मध्यस्थता को स्थापित ही नहीं कर पाएंगे, संघर्ष रहेगा, कंपटीशन रहेगा, कॉपरेशन, पूरकता, उपयोगिता हो पाएगी कि नहीं, इसमें लोगों को शंका हो गई है ना। मुझे याद है ऐसे ही मैं एक UGC का प्रोग्राम कर रहा था है ना कलकत्ता में, और कुछ टीचर्स थे, शायद मैंने शेयर भी किया होगा क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो एक महिला टीचर, ऐसी बात हो रही थी कि आचरण का प्रमाण तो परस्परता में मिलता है ना। फिर मैंने उनसे पूछा, आप वो कुछ ज़्यादा कुछ कुछ बात कर रही थी, तो मैंने कहा आपकी अपने पति से बनती है कि नहीं, तो बोलती हैं खड़ी होकर कि क्या बात कर रहे हो, जब ये किसकी बनती है ये बताओ, है ना। और मतलब हम यहाँ पहुँच गए, और बहुत सारे चुटकुले हम देखते ही हैं पति पत्नी संबंधों में, क्या विडम्बना है ना कि तो इतना पवित्र संबंध, और हम लगभग बहुत सारे लोग ये उम्मीद खो चुके हैं एक उम्र के बाद, है ना। एक उम्र तक तो ये उम्मीद रहती है कि हमारा सोलमेट मिलेगा तो अब हम कुछ बेहतर जियेंगे, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, है ना, ये कम ज़्यादा हो सकता है, माने अधिकांश लोगों में, सभी में नहीं भी है, बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से लोग जी रहे हैं तभी हम सबको ये प्रेरणा भी है। बट ऐसा लोगों को लगने लगता है कि यार इनके साथ नहीं जिया जा सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि जबकि मध्यस्थता सहज सुलभ है, कहाँ पर, परिवार में ही नहीं, तो व्यक्ति में, परिवार में, समाज में भी। अभी लोगों को ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हैं भैया, ये राष्ट्र आपस में, वैसे तो राष्ट्र एक है, धरती का राष्ट्र, बट लोगों को लगता है क्या कभी ऐसा होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, है ना, या ये जो ब्लैक एंड वाइट्स की जो रेसिज्म है, तो ये क्या ये जो जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत, और ये जो राष्ट्र के जो सीमाएं हैं, क्या इनका विलय हो पाएगा। तो ये बढ़िया जबरदस्त आश्वासन भी है, और कि मध्यस्थता पर्यंत, है ना, जागृति का अभाव नहीं है, ये होकर के ही रहेगा, है ना, या फिर मानव जाति इस धरती से कूच कर जाएगी, अर्थात लड़ते लड़ते समाप्त होने की तरफ इसकी संभावना है। बट मुझे लगता है दूसरी संभावना ज़्यादा प्रबल है कि हम इस मध्यस्थता का अनुसरण कर पाएंगे और जागृति को पा पाएंगे। तो ये संभव है, जो ये जो लाइन कह रही है कि पांचों, चारों आयामों में, माने एक तो अपने में ही, पहले स्वयं व्यक्ति में, उसके अनुभव आयाम में, विचार आयाम में, व्यवसाय और व्यवहार आयाम में। क्योंकि कई लोगों को ये भी लगता है कि भैया व्यवसाय में कैसे स्थापित होगी मध्यस्थता, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि मानव के चारों आयामों में एवं पांचों स्थितियों में मध्यस्थता सहज सुलभ है। एक्चुअली उल्टा है, ये सहज सुलभ है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया है, इसलिए हमें ये लगता है। लोग कई बार बोलते हैं यार क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है,
है ना। तो चीजें हमारे आसपास बनी रहती हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते। आगे अभी ये आएगा तो अपन और उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आने ही वाला है वो सूत्र भी। तो आगे पढ़ते हैं, है ना। कुछ कुछ चीजें मुझे याद आ जाती हैं, तो मुझे लगता है उसको शेयर किया जाए, बट इसके साथ आगे भी चलते रहें अपन क्रम से। तो रूप गुण स्वभाव धर्म प्रकटन क्षमता ही प्रत्येक इकाई के विकास को स्पष्ट करता। तो जो रूप गुण स्वभाव धर्म का प्रकटन हो जाए, है ना, तो ये क्षमता जो है कि हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव को प्रकट कर दे, यही इकाई के विकास को स्पष्ट करती है। जड़ प्रकृति में रूप और गुण है ना, उसको भी और ध्यान से देखेंगे तो पदार्थ में रूप प्रकट है ना, प्राण अवस्थाओं में गुण का प्रकटन हो गया है, जीव अवस्था में रूप गुण एवं स्वभाव है ना, ये प्रकट हो गया है, ज्ञान अवस्था में रूप गुण स्वभाव और धर्म का प्रकटन पाया जाता है, उसी को लिख रहे हैं। पदार्थ अवस्था रूप प्रधान है ना, ऐसा नहीं है कि पदार्थ में चारों ही नहीं है, सभी में चारों है, जो प्रधानता है पदार्थ रूप प्रधान, प्राण अवस्था गुण प्रधान, जीव अवस्था स्वभाव प्रधान और ज्ञान अवस्था धर्म प्रधान प्रकटन है। इसको अपने धर्म को ही प्रकट करना है, प्रमाणित करना है। क्यों? क्योंकि आगे लिख रहे हैं, जो जिसको प्रकट करता है उसमें उसके स्वागत अर्थात ग्रहण करने की क्षमता रहती है। तो चूंकि हम मानव जाति जो है वो धर्म प्रधान अर्थात सुख प्रधान है, अर्थात धर्म को व्यवस्था भी कहा है, धारणा भी कहा है, जो जिसकी धारणा है वही उसका धर्म है ना, या समा व्यवस्था ही समाधान है, सुख सुख है। तो जो जिसको प्रकट करता है उसमें उसके स्वागत करने की क्षमता। तो चूंकि हम धर्म को प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए हमको धर्म को ग्रहण करने की अर्थात व्यवस्था को समझने की, सच्चाइयों को समझने की क्षमता रहती है, इसीलिए हम समझ पाते हैं। तो पूरी प्रकृति हमारे में व्यंजित होती है और हम हमारे में उस व्यंजना को स्वीकारने की ताकत है, समझने की ताकत है, फलस्वरूप हम अपने धर्म को प्रकट कर पाएंगे, ये कहा जा रहा है। कितना ब्यूटीफुल बात है कि जिस इकाई में जिसको प्रकट करना है उसके ग्रहण करने की ताकत क्षमता उसमें रहती ही है, यही अस्तित्व की डिजाइन है ना। तो रूप का मिलन रूप से, गुण का मिलन गुण से, स्वभाव का मिलन स्वभाव से और धर्म का मिलन धर्म से प्रत्यक्ष है। प्रत्येक मानव, ये और भी अच्छे बहुत ही अच्छी लाइन मुझे लगती है कि प्रत्येक मानव स्वतंत्र स्वतंत्रित एवं स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहता है। ये हर मानव की चाहत में बनाई हुआ है, उसकी ख्वाहिश है ना। ये बात अलग है कि आजकल हम स्वतंत्रता को समझ नहीं पाए तो हमें लगता है फ्रीडम है ना, और फ्रीडम का मतलब मनमानी है ना, जबकि स्वतंत्रता का सही अर्थ में जो मतलब है स्वयं से नियंत्रित होकर के जीना है ना। और एक्चुअली जिसको हम मनमानी कह रहे हैं उसको आगे देखेंगे, वो परतंत्रता है ना। तो वो क्या है? बेसिकली परतंत्रता है, अभी देखेंगे उसको बहुत अच्छे से बाबा ने उसको यहाँ पर विश्लेषित किया है। तो पहले तो इसको देखते हैं कि हर मानव, हम अपने से पूछ के देखें तो हम सबको ये लगता है यार स्वतंत्रता चाहिए है ना, हम सब स्वतंत्र स्वतंत्रित और स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहते हैं। इसमें भी अभी डिस्टिंक्शन आएगा, क्योंकि स्वतंत्रता की पूर्णता देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता में हो रही है, दिव्य मानवीयता में हो रही है ना, गति के गंतव्य के रूप में, और उसकी शुरुआत मानव से शुरू हो रही है। बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है इसको है ना। तो स्वतंत्र पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप ही है ज्ञान विवेक सहित विज्ञान का प्रयोग ना। तो अभी जो हम विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उसमें विवेक और ज्ञान मिसिंग है। तो स्वतंत्र पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप है ज्ञान विवेक सहित, अर्थात लक्ष्य विवेक में स्थापित हो रहा है और विज्ञान उसकी दिशा निर्धारण कर रहा है। तो ज्ञान विवेक सहित विज्ञान का प्रयोग जिसमें ही स्वतंत्रता, जिसमें ही नियम पूर्ण उत्पादन, न्याय पूर्ण व्यवहार और धर्म पूर्ण विचार एवं सत्यमय अनुभूति है ना। तो जिसमें नियम पूर्ण उत्पादन, न्याय पूर्ण व्यवहार और धर्म पूर्ण विचार एवं सत्यमय अनुभूति है, ये सब होने से स्वतंत्र पूर्णता का प्रमाण मिला है ना। तो नियम पूर्ण उत्पादन हो सके, न्यायपूर्ण व्यवहार हो सके, धर्मपूर्ण विचार हो सके और सत्यमय अनुभूति हो सके, यही स्वतंत्रता सहज प्रमाण है जो कि जागृति पर आधारित है।
है ना। अब जब नियम पूर्ण उत्पादन को देखेंगे तो ये पकड़ में आएगा कि जो प्राकृतिक नियम बने हुए हैं, कौन से नियम पूर्ण उत्पादन की बात हो रही है, जो प्राकृतिक नियम बने हुए हैं, है ना, जैसे ऋतु संतुलन को बनाए रखना, वाटर साइकिल को बनाए रखना, है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइक्लिक चक्र है ना, उसके संतुलन को बनाए रखते हुए मानव उत्पादन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, इसको नियम पूर्ण उत्पादन कह रहे हैं, है ना। और न्यायपूर्ण व्यवहार जहां परस्पर मूल्य पूर्वक उनके निर्वाह के साथ हम उभय तृप्ति पूर्वक जी सकें, इसको न्यायपूर्ण व्यवहार कह रहे हैं। धर्मपूर्ण विचार अर्थात व्यवस्थागत विचार, व्यवस्था के अर्थ में विचार, हम व्यवस्था को स्थापित कर सकें, ऐसे विचार और उसका क्रियान्वयन, उसका प्रमाण व्यवस्था के रूप में दिख सके। और सत्यमय अनुभूति अर्थात हरेक के साथ, प्राणी मात्र के साथ, मानव मात्र के साथ हम सहस्तित्व को महसूस कर सकें, तभी हम प्रकृति के साथ भी सहस्तित्व में जी पाएंगे और मानव के साथ जी पाएंगे, इतना गहराई में, उसके बाद हमें स्वतंत्रता पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप इस अर्थ में है। और यही स्वतंत्रता सहज प्रमाण है जो मानव की जागृति पर आधारित है, क्योंकि ये मेरी चाहत है, इसीलिए स्वतंत्र होना, स्वतंत्रित होना, इसलिए अभ्यास की अनिवार्यता है, ये कहा जा रहा है। क्यों अनिवार्यता है? यदि मेरी चाहत ही नहीं होती तो काहे के लिए अनिवार्य है भाई। तो हमारी ये चाहत है, इसलिए स्वतंत्र होना चाहते हैं, इसलिए हमारी ये हमारे को अभ्यास करने की अनिवार्यता है। और ये भी मैं यहाँ पर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने लगभग 70 सत्र हो गए हैं और मैं ये देखता हूँ कि जो लगभग अपनी जो संख्या बनी रहती है ना, 70-80 के आसपास, 100 के आसपास, और उसके बाद भी लोग देखते हैं 300-400, बट ये भी स्पष्ट रहे, अपने को जन बल को बढ़ाना होगा, है ना। ये एक व्यक्ति से, हजार व्यक्तियों से होने वाला काम नहीं है, क्योंकि कई बार पहले हमें मानते रहे कि एक व्यक्ति के स्वतंत्र होने से हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। हम सबको ही प्रयास पूर्वक उस स्थिति को अर्जन करना होगा, अर्थात अध्ययन पूर्वक, और उसको परस्परता में व्यक्त करने के लिए, क्योंकि सहअस्तित्व में हम सब मिलजुल करके ही इसको प्रमाणित करेंगे, क्योंकि हर आदमी को स्वतंत्र होना है ना भाई, चार को स्वतंत्र होके हमारे में थोड़ी वो फीलिंग आएगी। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें, है ना, यार हमारे राकेश गुप्ता जी ध्यान दिलाते रहते हैं, भैया चार लोग हों तब भी अपन शुरू कर दें, क्योंकि, है ना, मैं संख्या के रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि हमें व्यवस्था को स्थापित करना है तो एक जनबल की आवश्यकता है ना व्यवस्था के लिए। तो इसलिए मेरा ये आप सबसे अनुरोध है, अपने मित्रों को, कई लोगों को शायद नहीं पता हो, या पता भी हो तो उनको बताएं, यदि आपको उपयोगी लग रहा है और लगी रहा है, क्योंकि आप लगातार बने हुए हैं। तो कई बार हमें ये संप्रेषित करना होगा अपने मित्रों को, जो कम से कम परिचय से कर चुके हैं, इसको ज्वाइन करें अधिक से अधिक, जब इसका एक वातावरण बनेगा, है ना, क्योंकि मानवकृत वातावरण व्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है। तो इस पर आप प्रयास करें, है ना, केवल व्हाट्सएप ना भेजें, फोन भी करें, उनको प्रेरित करें, हम सब मिलजुल करके कहीं किसी स्थिति में पहुंच पाएंगे, है ना। तो ये भी मुझे लगता था कि इस पे अपना ये ध्यान आकर्षण होने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी, प्रत्येक मानव को स्वतंत्र होना है। बाबा कहते हैं लगभग लगभग जो 10 सोपानी व्यवस्था है उसमें परिवार में एक व्यक्ति, अर्थात 10% की बात कर रहे हैं। आज का जो साइंटिफिक वर्ल्ड ये कहता है कि क्रिटिकल चेंज होने के लिए लगभग लगभग, है ना, 3-4% लोगों से वो क्रिटिकल चेंज होता है। तो उतने लोगों को भी यदि भारत में ही देखने जाएंगे तो 130 करोड़ की आबादी में 3% भी लेंगे तो 4.2 करोड़ लोगों में अपने को इस बात के लिए एक सहमति का एक वातावरण निर्माण करने की जरूरत पड़ेगी। बढ़िया, जो सत्यप्रकाश जी ध्यान दिलाते रहते हैं बार बार, है ना। और तो आगे पढ़ते हैं, स्वतंत्र अधिकार अनुभव पूर्वक मानव चेतना, देव चेतना तथा दिव्य मानवीयता की कोटि में सफल होता है। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, माने मैं स्वतंत्र हुआ, है ना, और ये स्वतंत्रता जो मैं होना चाहता हूं, ये अनुभव पूर्वक मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य मानवीयता की कोटि में ही सफल होता है, अमानवीयता की कोटि में ये सफल नहीं हो पाता है। इसके पूर्व मानवीयता में प्रतिबद्धता व निष्ठा तथा अमानवीयता की कोटि में अप्रतिबद्धता पाई जाती है, क्योंकि मानवीयता में उसके प्रति प्रतिबद्धता पाई जाती है, निष्ठा पाई जाती है, फलस्वरूप वो सफल हो पाता है। प्रतिबद्धता ही संकल्प एवं प्रतिज्ञा की क्षमता है जो बुद्धि के जागृति का द्योतक है। आपको याद हो तो अपन पढ़ते ही हैं कि बुद्धि की स्थिति क्रिया बोध है और गति क्रिया उसकी क्या है, संकल्प है। तो प्रतिबद्धता किसकी क्षमता है, बुद्धि के जागृति का द्योतक है,
है ना, कि अर्थात संकल्पित होना हमारे बुद्धि में जब संस्कार स्थापित होते हैं, अध्ययन गामी पद्धति में देखेंगे तो बोध से पहले, क्योंकि बोध तो है ना अनुभव, आत्मा के अनुभव होने का जो बुद्धि में प्रभाव होता है, आप्लावन होता है, उसको बोध कह रहे हैं। लेकिन अनुभव गामी में, अध्ययन गामी प्रोसेस में जब हम देखेंगे तो हमारे में जैसे जैसे ये तर्क स्पष्ट होता है और जो हम अभ्यास करते हैं, है ना, जो अपन ने पढ़ा था व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास और चिंतनाभ्यास, या यहाँ पर साक्षात्कार या शास्त्राभ्यास, उस क्रम में हमारे में कुछ कुछ हमारे में जो अवधारणाएं स्थापित होना शुरू होती हैं, है ना, उससे बुद्धि, उसी से संकल्प आदमी हमारे में बनता है कि अब इसको ऐसा जीना चाहिए, क्योंकि हमें उससे जो सुख की तृप्ति की अनुभूति होती है, तो ये बुद्धि के जागृति का द्योतक है। यही अवधारणा का प्रधान लक्षण है। और हमारे में यदि संकल्प हो रहा है, गति क्रिया से भी पता चलेगा कि हमारे में अवधारणा बनना शुरू हो गई, उसका क्या प्रमाण है, हम न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं ना, संकल्पित हो जाते हैं, अर्थात हम उसको हमारे जीने में उसको अब ये दिखाई देगा, वृक्षा में वो आ जाता है। उसके पहले कहीं ना कहीं हमें एक दिन न्याय करना है, एक दिन व्यवस्था स्थापित होनी है या होनी चाहिए वाला शब्द रहता है, इसके बाद मुझे करना है, और उसका उसी के अनुरूप हमारे में वो प्रयास देखने को मिलता है। तो धर्म, न्याय और नियम में प्रतिबद्धता है। किस चीज में प्रतिबद्धता होती है, न्याय में, धर्म में, है ना, तथा साथ में अनुभूति है। इनसे अतिरिक्त संकल्प का विकल्प भावी है। तो जैसे इसको बाबा कह भी रहे हैं, विकल्प है, विकल्प माने अल्टरनेटिव। कब तक विकल्प है, हमारे कंसीडरेशन के लिए विकल्प है, और जब हम उसको कंसीडर करते हैं अर्थात श्रवण मनन करते हैं, और जैसे ही जैसे निधि ध्यासन होने लगता है, अर्थात जैसे जैसे साक्षात्कार और अवधारणाएं बनने लगती हैं, यही विकल्प हमारे लिए संकल्प में कन्वर्टेड हो जाता है। क्या ब्यूटीफुल डिजाइन है, स्टार्टिंग विकल्प से है, अर्थात आप जैसा जी रहे हो इसको भी एक अल्टरनेटिव के रूप में सुनना शुरू कीजिए, ये विकल्प है। यही विकल्प एक दिन हमारे लिए संकल्प हो जाता है, और फिर हम दूसरों के लिए विकल्प के रूप में प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। तो इतनी स्वतंत्रता दे रहे हैं दूसरों को, है ना। तो स्टार्टिंग ये दर्शन दूसरों के लिए विकल्प है, और जैसे ही हमारे लिए ये सुख का स्रोत बनने लगता है, हमारे लिए ये सुख शांति का स्रोत बनने लगता है, हमारे लिए संकल्प हो जाता है, हमारे लिए प्रतिबद्धताएं बढ़ जाती हैं, हमारे लिए निष्ठा बन जाती है ना। इसके अतिरिक्त जब तक नहीं होता है ऐसा, संकल्प का विकल्प भावी बना रहता है। हम कई डोमेन में देखते रहते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये बढ़िया है। इस उनके अतिरिक्त अस्तित्व तो नहीं है, ये दोनों ही घटनाएं होनी है। इनके अतिरिक्त मतलब जब ये धर्म न्याय नियम के अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है चीजों का, जैसे असत्य, अज्ञान, अंधकार एवं मृत्यु भाषित होते हुए भी स्थिति में नहीं है। ये मजेदार बात है, इसको आगे और बता रहे हैं मृग मरीच का, है ना, कि रेगिस्तान में लगता है आगे पानी है बट रहता नहीं है। तो इसी प्रकार से असत्य का हमें भ्रम हो जाता है ना, भ्रमित कल्पनावश, है ना, अज्ञान का भ्रम हो जाता है, अंधकार का भ्रम हो जाता है, मृत्यु का भ्रम हो जाता है, ये है नहीं स्थिति में। क्यों, क्योंकि जीवन तो अमर है, तो मैं नहीं मरता, शरीर की विरचना होती है ना। अंधकार नहीं है क्योंकि हर इकाई प्रकाशित है ना, जो अपन ने पढ़ा था, तो शायद मैंने ही लिया था उसको कर्म दर्शन में, कि अंधकार का हर हमारी आंख ये जो सूर्य के प्रकाश में देखने की अभ्यस्त है, वो भी रूप की आंशिकता को, लेकिन वस्तु तो प्रकाशित है रूप गुण स्वभाव धर्म के माध्यम से। तो मैं आंख से भी देखता हूँ, है ना, स्मेल से भी चीजों को देखता हूँ, टच से भी चीजों को देखता हूँ, है ना, और उसके बहुत सारे प्रभाव तो जो गुण है मेरे जीवन में डायरेक्ट व्यंजित होते हैं, है ना, मानव का स्वभाव, मानव का की जो हमारे में उसका व्यवहार पक्ष हमारे में व्यंजित होता है, हमें पता लगता है ये आदमी है ना धीरता के साथ है, वीरता के साथ है, ये कोई स्पर्श इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। तो इस तरह से ये पता लग रहा है कि असत्य, अज्ञान, अंधकार और मृत्यु स्थिति नहीं है इसकी, लेकिन वस्तु स्थिति के रूप में जब मानव भ्रमित है उस स्थिति में एक समय ऐसा रहता है जब वो उसको असत्य, अज्ञान, अंधकार और मृत्यु भासती है, है ना। जैसे एक मैंने कोई बोलेगा क्या, मतलब एक छोटे छोटे उदाहरण से देखें, है ना, कि बहुत सारे लोग जब गाय के यदि उसमें चले जाएं तबेले में, जिनका गाय से बहुत
पाला नहीं पड़ता है, उनको सारी गाय एक जैसी लगती है ना। तो जबकि जो उसी में काम कर रहा है वो राधा को अलग से पहचानता है ना, और ममता रूप ममता नाम की गाय को अलग से पहचानता है, गायत्री को अलग से पहचानता है, सीमा को अलग से, माने ये जो नाम दिए, मतलब उसको वो गायों में अंतर दिखाई दे रहा है। तो क्या गाय में अंतर हो गया या उसमें अंतर रहता ही हम पहचान नहीं पाते हैं, है ना। तो हमें एक जैसी दिखती है ना। कई बार जिस माँ के दो जुड़वे बच्चे होते हैं ना और हम जाते हैं तो हमें वो, क्योंकि हम तो संपर्क में रहते तो हमें दिखते ही नहीं, हमें लगता है यार ये राम और श्याम तो एक जैसे लगते हैं, ये गीता सीता एक जैसी लगती है। तो श्याम के गले में ना काला वो धागा बांध दो जिससे मैं कंफ्यूज ना हूं। जबकि फिर पूछते हैं यार तुम उसकी माँ से पूछो तुमको कैसे अलग अलग, तो माँ बताएगी यार इनमें तो सैकड़ों अंतर हैं भाई। तो उसको तो ऐसा नहीं कि अंतर है नहीं, स्थिति में अंतर रहते ही हैं। अर्थात वो सत्य रूपी जो, यहाँ पे मैं जस्ट एक उदाहरण से ध्यान आकर्षण करा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अस्तित्व में कुछ बदलना है। तो ये जो हमें दिखता नहीं है, हमारी दर्शन क्षमता नहीं है, जैसे ही ये बढ़ती है तो भ्रमवश ही हमें असत्य अज्ञान अंधकार मृत्यु दिखाई देता है, रहता नहीं है, है ना। तो सच्चाइयां ही रहती हैं, हमें वो दिखती नहीं है। और जैसे ही हमें दिखने लगती हैं हमें भी ये लगने लगता है यार मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि असत्य अज्ञान अंधकार है ना एवं मृत्यु भासित होते हुए भी स्थिति में नहीं है। इसका भास हो सकता है हमें, आभास में तो इस छट नहीं लगता है, प्रतीति में तो है ना फिर सत्य की स्वीकृतियां होने लगती हैं। तो बहुत ही बढ़िया सूत्र है ना, कि धर्म न्याय नियम में प्रतिबद्धताएं हैं, जैसे ही स्पष्ट होता है हम उसके लिए प्रतिबद्धित। और हमें कोई संकल्प माने ये वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं लेना है, ये स्वयं स्फूर्त होने वाली घटनाएं हैं। स्वीकृति से संकल्प, संकल्प से निष्ठा, निष्ठा से प्रतिबद्धता, और प्रतिबद्धता से प्रबुद्धता, प्रबुद्धता से बोध, बोध से प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प, और प्रतिज्ञा से क्षमता, क्षमता से जागृति, और जागृति से स्वीकृति और प्रमाण है। अब देखिए, तो पहले जो जिसको जो शुरुआती स्वीकृति कर रहे कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं अध्ययन करते हुए जो हमें अभी भास आभास अवधारणाएं बन रही हैं, पहली स्वीकृति का शब्द उसके लिए आया है ना। तो उससे भी हमारे में एक संकल्प बन रहा है, उस संकल्प से निष्ठा। देखिए शब्द यदि हमें एक्चुअली, तो अभी हमें परिभाषा संहिता को, आप लोग जिनके पास ऐप है उसमें परिभाषा संहिता देखें, क्योंकि ये शब्द केवल हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल वो जुड़वा बच्चों जैसे ही हैं कि हमें लगता है कि इनमें कोई अंतर ही नहीं है। संकल्प, निष्ठा, प्रतिबद्धता, प्रबुद्धता है ना, बोध, प्रतिज्ञा, जबकि इनमें सटल अंतर है ना। तो सूक्ष्म रूप में एक जैसे दिख रहे हैं, यदि अपन देखेंगे तो संकल्प का मतलब है यहां पर स्वीकृतियां जो हुई। अब स्वीकृतियों से निष्ठा उदय होती है, निष्ठा का मतलब है अब मैं इसको जीना चाहता हूं, है ना। इसके लिए अपने में उस तरह के चित्रण बनने शुरू होते हैं, है ना। निष्ठा से प्रतिबद्धता आती है, अब हमारे आचरण में उतरना शुरू होता है। प्रतिबद्ध जब इसको आचरण में जीने जाता हूं तो मेरे में प्रबुद्धता उदय होती है ना। अर्थात जो निपुणता कुशलता आती है, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इंजीनियरिंग, अभी हमने कोई इंजीनियरिंग का सिद्धांत पढ़ लिया सिविल इंजीनियरिंग का, जब मैं उसको बिल्डिंग बनाने जाता हूँ, दीवार खड़ी करने जाता हूँ, तब मुझे लगता है कि इसको है ना, इसको जो सीधा रखने के लिए जो पेंडुलम गिराते हैं उसका सिद्धांत क्या, ये सब प्रबुद्ध निपुणता कुशलता पांडित्य बढ़ता है। तो जब हम इनको जीने जाते हैं कि न्याय को जीना है ना, न्याय की स्वीकृति हुई तो संकल्प हुआ, उससे न्याय को जीने के लिए मन बना है ना, मन वृत्ति चित्त बना, उसको जीने गए, प्रतिबद्धित हुए, तो जिए, जीते जाते हैं तो पता लगता है पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अब हमें वो मध्यस्थता समझ में आती है कि पति पत्नी संबंध में अपने ही बच्चों के साथ मध्यस्थ, न्याय माने मध्यस्थ चीज है, हम कैसे सम विषम हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, इनमें मध्यस्थता कैसे स्थापित की जाए, क्योंकि मध्यस्थता आवेश नहीं है, ये आया था आगे है ना। तो इससे मेरी प्रबुद्धता बढ़ गई, अब मेरी माने न्याय करने की, और उसके रूट में और चीजें भी हमें दिखने लगती हैं। तो निपुणता, कुशलता और पांडित्य तीनों, तो ऐसी प्रबुद्धता से बोध होता है ना। और बोध होने के बाद फिर प्रतिज्ञा, ये अब संकल्प की निरंतरता हो रही है ना। प्रतिज्ञा निष्ठा से आगे की स्थिति है, संकल्प की निरंतरता को कह रहे हैं। इस प्रतिज्ञता से क्षमता, और उस क्षमता से जागृति। अब यदि ये बोध संपन्न होता है, तत्क्षण आत्मा में अनुभव होता है, और जागृति से स्वीकृति और प्रमाण की अब निरंतरता बनना शुरू होती है। तो इस तरह से उसको लिखा है। अब प्रबुद्धता क्या है, ये और भी बढ़िया, क्योंकि अब हम अभ्यास दर्शन की बात कर रहे हैं।
है ना। तो प्रबुद्धता क्या है? प्रबुद्धता ही समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की प्रस्थापना, स्थापना एवं अक्षुण्णता का प्रत्यक्ष रूप है। ये बहुत मजेदार सूत्र है कि प्रबुद्धता ही समाधानात्मक भौतिकवाद की स्थापना है ना। और उसको निरंतर, अक्षुण्णता का मतलब होता है जो कब हमेशा के लिए बन जाता है ना, निरंतरता जिसकी होती है। प्रस्थापना का मतलब वो स्थापना से पहले प्रस्थापित हो रहा है मेरे में, फिर वो स्थापित हो गया और फिर उसकी निरंतरता हो गई। तो प्रबुद्धता ही, जबकि हमसे यदि कोई पूछेगा इन जनरल, तो समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभव आत्मक अध्यात्मवाद की प्रस्थापना को हमें कैसे लगता है कहाँ होनी है? संविधान में होनी है, स्कूल में होनी है। तो हमें लगेगा कि किताबों को समाधानात्मक भौतिकवाद को पढ़ाने लग जाओ, है ना, इससे स्थापना होगी। जबकि बाबा क्या कह रहे हैं? प्रबुद्धता माने व्यक्ति जो प्रबुद्धता, उसमें निपुणता, कुशलता, जो पांडित्य स्थापित होता है, उसका मतलब है भौतिक समाधानात्मक भौतिकवाद। तो जो कलमी में बात कर रहा था, जो विधि है, जो नियम है, वो व्यक्ति में स्थापित होना है। तो समाधानात्मक भौतिकवाद किसी किताब के रूप में स्थापित नहीं होना है, बल्कि समाधानात्मक भौतिकवाद अर्थात जो भौतिक जड़ रासायनिक, जड़ भौतिक और जो रासायनिक जगत है, जड़ जगत है, इसमें समाधानात्मकता है, इसमें पूरकता और उपयोगिता है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है, ये इस बात की स्थापना मेरे में होनी है। व्यवहारात्मक जनवाद, मानव संघर्ष युद्ध द्रोह नहीं चाहता है, व्यवहार में नियम न्यायपूर्वक जीना चाहता है, उसमें संतुष्टि चाहता है, उभय तृप्ति चाहता है, इसकी स्थापना व्यक्ति में होनी है। ऐसे ही अध्यात्मवाद की स्थापना अनुभव रूप में होनी है। इसको कह रहे हैं कि ये बेसिकली अभ्यास का मतलब है। तो अभ्यास का मतलब बहुत ही सटीक है, व्यक्ति में सच्चाइयों की स्थापना हो जाना। दिनेश भाई का एक अच्छा सवाल है, इसको अभी लेंगे। बढ़िया बढ़िया, गुड। समाधानात्मक के बाद में अर्थ के उत्पादन है ना। अब क्या बताया समाधानात्मक बात क्या चीज है भाई, जो व्यक्ति में स्थापित हो रहा है ना, क्या स्थापित हो रहा है कि उसमें अर्थ के उत्पादन, अर्थ का उत्पादन कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, वितरण कैसे होना है और उसकी व्यवस्था में, इन सब में एक सूत्रता होना है जो न्याय सम्मत है। यही समाधान है। मानव में समाधान की प्यास है और मानव में इस एक सूत्रता की प्यास, जिसको बाबा कह रहे हैं तृषा, तृषित रहे है ही मानव, वो स्वतंत्र होना ही चाहता है। तो समाधानात्मक भौतिकवाद व्यक्ति में जब स्थापित होता है तो कैसे अर्थ का नियम पूर्ण ढंग से उत्पादन कर सके, उपयोग कर सके, वितरण कर सके, व्यवस्था को स्थापित कर सके जिससे कि हर मानव उत्पादन कर सके और वो उपयोग कर सके और उसको श्रम मूल्य मिल सके, अर्थ में व्यवस्था स्थापित हो सके, इन सब में जो न्याय एक सूत्रता स्थापित होनी है, इसी को कह रहे हैं न्याय सम्मतता। और यही समाधान है। मानव में समाधान की प्यास बनी ही हुई है। प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन, उसकी क्षमता, अवसर, साधन, ये भी बहुत बढ़िया है, सारे ही माना एक से बढ़ के एक है, ध्यान आकर्षण की बात है ना, ये अपने में स्थापित हो जाए, है ना। इसी तो वास्तव में अब अभ्यास को देखेंगे तो अभ्यास ये नहीं है कि हमें सुबह 6 बजे उठ के एक डूज एंड डोंट्स, अभ्यास नहीं है। देखिए बाबा ने जो अभी तक हम अभ्यास को डूज एंड डोंट्स मानते रहे हैं ना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और बाबा ये कह रहे हैं कि उस ऐसा क्यों करना है, क्या नहीं करना है, उसका अपने विचार में, चित्त में और बुद्धि में वो स्थापित होना है। इसको कह रहे हैं इसके लिए अभ्यास है ना। ऑफकोर्स ये ऐसा करने के लिए कुछ हमें व्यवहार अभ्यास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वृत्ति से आगे अर्थात तर्क से आगे चित्त में साक्षात्कार होता ही नहीं है और बुद्धि में अवधारणाएं बनती ही नहीं है, उसके लिए अभ्यास करना। लेकिन फाइनल अभ्यास का मतलब है संस्कारों का स्थापित हो जाना, इसके लिए सारा अभ्यास हमें करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन, अब देखिए उत्पादन किस आधार पर निर्भर करेगा, किस आदमी को कितना उत्पादन करना है, उसकी क्षमता, अवसर, साधन और उसकी अनिवार्यता पर आधारित है। और किस क्षमता किस पर आधारित रहेगी? क्षमता व स्व संस्कार, अध्ययन तथा वातावरण पर निर्भर करेगा। अवसर व्यवस्था पर, कई लोग उत्पादन करना चाहते हैं, अवसर ही नहीं दे पा रही है व्यवस्था उसको, है ना। तो हमें व्यवस्था बनानी है, हर व्यक्ति जो उत्पादन करना चाहता है उसको उत्पादन के अवसर उपलब्ध कराएं,
उसको पकड़ पकड़ के उत्पादन ना कराएं, मतलब हमें दबाव नहीं डालना है, अवसर उत्पन्न करने हैं, ऐसी व्यवस्था को पैदा करना बनाना है। साधन उपलब्धि पर, साधन क्या है हमारे साथ, जो तन मन और धन रूपी साधन है, यहाँ पे धन रूपी साधन को कहेंगे, ये उपलब्धियों पर, उसको क्या क्या चीज उपलब्ध है, तो साधन उपलब्धि पर और अनिवार्यता वर्तमान स्थिति पर आधारित है। उसको क्या चीज करना है, कितना करना है, ये वो अपनी वर्तमान स्थिति के वस्तु स्थिति सत्य के आधार पर निर्णय को लेगा। संस्कार, संस्कार जो है तात्रय की सीमा में, अध्ययन निपुणता कुशलता एवं पांडित्य की सीमा में। तो संस्कार किसको कह रहे हैं कि तात्रय की, तात्रय माने वही अमानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता की सीमा में जब हम अध्ययन करते हैं, उससे निपुणता कुशलता और पांडित्य जो स्थापित होता है, तथा वातावरण विशेषता मानवकृत वातावरण सीमा, इसमें इसको स्थापित, संस्कार को स्थापित करने के लिए मानवीयकृत वातावरण की बहुत आवश्यकता है। इसी के लिए आप सबसे अनुनय विनय किया, अनुरोध किया कि अपने ही मित्रों में, है ना, इसको बताएं कि एक अच्छा प्रोग्राम यदि आप चल रहा है जो आपको स्वीकृति ही है, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा अपनों तक इस बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये जनबल को स्थापित करना, मानवीय वातावरण को बनाना हम सबकी ही जिम्मेदारी में आता है, क्योंकि जिस जो जो एक समझदारी से संपन्न हो रहा है उसी की जिम्मेदारी ज्यादा है ना। तो वातावरण, क्योंकि वातावरण संस्कार स्थापित करने के लिए कौन सा है, मानवकृत वातावरण, प्राकृतिक वातावरण चाहिए ही जिसमें प्रदूषण फ्री रहे, है ना, बट प्रधान वातावरण, क्योंकि हम प्रदूषण फ्री थे एक समय, है ना, लेकिन ये मानवकृत वातावरण तो नहीं बना, तो मानव ने ही प्रदूषण किया। तो जब मानव इस धरती पर आया होगा, है ना, तो हजारों साल, है ना, वातावरण प्रदूषित नहीं था, माने अच्छा ही प्राकृतिक वातावरण, मानवकृत वातावरण प्रदूषित था, अर्थात मानव भ्रमित था। उसके लिए, इसीलिए हमें मानवकृत विशेषता लिखा है क्लियरली, वातावरण विशेषता मानवकृत सीमा में है, मानवकृत वातावरण ही व्यवस्था है, और अध्ययन के क्रम में मानवीयता में संस्कार, शिक्षा एवं व्यवस्था की एक सूत्रता, और अमानवीयता की सीमा में एक सूत्रता का अति अभाव, अर्थात उसमें एक सूत्रता नहीं रहती है, शिक्षा जो बताते हैं और व्यवस्था अलग ढंग से चल रही है, ये हम सब काफी समीक्षा कर चुके हैं। अनुभव रूपी अति मानवीयता में मानव स्वतंत्रता पूर्वक प्रमाण है, यही अभ्यास का तात्पर्य है, अर्थात संस्कार संपन्न होना अभ्यास का फलन है। तो फाइनली हम जो कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास दर्शन के माध्यम से, तो हमें माने व्यवहार अभ्यास करना है, कर्म अभ्यास करना है ना, शास्त्र अभ्यास, चिंतन अभ्यास करना है, इस सब के फलन में होना क्या है, संस्कार से संपन्न होना है, यही अभ्यास की उपलब्धि है। या जो ललित शर्मा जी लिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, कम से कम हमारे में विकल्प से संकल्प की ओर स्थिति बन जाना ही अपने में अभ्यास का फलन है ना, क्योंकि संस्कार आ गया अर्थात बुद्धि में संकल्पित हो गए। जागृत मानव में 122 प्रकार के आचरण पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका वर्णन और डिटेल में अपन को जब मनोविज्ञान अपन पढ़ेंगे, है ना, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, उसमें और अधिक स्पष्टता से कहा जाएगा, लेकिन चूंकि मानवीय आचरण की बात कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि मानव में 122 प्रकार के आचरण पाए जाते हैं। ये और मजेदार दो तीन बहुत ही अच्छी लाइन है, आज सुबह मैं पढ़ रहा था, है ना, बहुत ही बढ़िया, ध्यान आकर्षण साधन भाई से फिर मैंने कुछ चर्चा भी की। तो जागृत मानव ही स्वतंत्रित है, तो फाइनली स्वतंत्रता जो है, माने स्वयं से नियंत्रित होकर के जो जी पाने का कारण है, वो जागृत मानव ही स्वतंत्रित है। अजागृत अथवा भ्रमित मानव आसक्ति से मुक्त नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए विवेक का उत्कर्ष ही अनासक्ति सूत्र है। तो जब तक हम विवेक संपन्न नहीं हो जाते तब तक हम आसक्ति से बने रहते हैं, और आसक्ति में बने रहते हैं तब तक, है ना, हम तो देखिए अभी, जबकि अजागृत व्यक्ति को क्या लगता है, इसको मैं कह रहा था कि यार फ्रीडम, फ्रीडम माने मनमानी, है ना, तो मनमानी मतलब बेसिकली वो आसक्ति की बात कर रहे, क्योंकि जितनी मनमानी है वो संवेदनाओं को तृप्त करने के लिए है, और संवेदनाएं क्षणिक सुख का स्रोत हैं, इसलिए हम और विवश होते जाते हैं। इसीलिए आप ये पाएंगे, है ना, कि बहुत सारे, है ना, डेवलप्ड वर्ल्ड में जितनी ड्रग का मिसयूज है ना, तो ये इसी अर्थ में दिखाई दे रहा है कि
क्योंकि जो भोग है, भोग में दिखने में स्वतंत्रता जैसी लगता है, बट वो परतंत्रता है, क्योंकि आदमी उसमें विवश हो जाता है ना। इसलिए इसको अजागृत और भ्रमित मानव आसक्ति से मुक्त नहीं है, और भ्रमित स्थितियों में जितना भी हमें जो स्वतंत्र तथा कथित स्वतंत्रता के नाम से हम जो मानते हैं, एक्चुअली वो परतंत्रता का कारण है। हम ही अपने में उनसे कैसे मुक्त हों, इसके लिए फिर प्रयासरत रहते हैं। तो विवेक का उत्कर्ष ही वस्तुगत एवं वस्तु स्थिति सत्य का प्रचोदन अर्थात यथार्थता का यथार्थ ग्राह्य हो जाए और या यथार्थ को प्रसारण योग्य क्षमता आ जाए, ये विवेक का उत्कर्ष है, जिसमें हमें वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य स्पष्ट होता है। और ज्ञान में, तो ज्ञान विवेक और विज्ञान, ज्ञान में स्थिति सत्य स्पष्ट हो जाता है। इस तरह से विवेक संपन्न होने से ही हमारे में आसक्ति से मुक्ति होती है। वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य का अनुभव ही अनासक्ति है। देखिए, अनासक्ति पहले भी लोगों में चर्चा आई है, अनासक्ति योग की है ना। यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जड़ जगत में या वस्तुगत सत्य को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, वो आसक्ति है। न्यायपूर्वक जीना आसक्ति नहीं है, क्योंकि भ्रमवश हम क्या करते हैं, हम संबंधों को भी नकार देते हैं हम अनासक्ति के रूप में। जो प्रचलित परंपरा में अनासक्ति का मतलब है, उसमें संबंधों को, यहाँ पर संबंधों को नकारना अनासक्ति है ना। और तो उपकार करना पूर्ण अनासक्ति है, आगे आएगा है ना, जो दिव्य मानवीयता में पाया जाता है। लेकिन पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा अनासक्ति योग है ना, उसमें आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था के अर्थ में, और आसक्ति क्या था, स्वार्थ के अर्थ में, अपने शरीर संवेदनाओं से तृप्ति के अर्थ में थी, और ये बंधन का कारण है, इसलिए उसको आसक्ति कहा है। जबकि इधर ये स्वतंत्रता के लिए कारण बनता है, व्यवस्था के लिए कारण बनता है ना, जिससे कि हर मानव स्वतंत्र होने के लिए अवसर पैदा होता है। इसलिए एकदम स्पष्ट रहे कि वित्तीर्षण जनबल कामना, जिस धनबल कामना, यशबल कामना व्यवस्था के अर्थ में आसक्ति नहीं है, ये अनासक्ति है ना। तो वस्तुगत वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य का अनुभव ही अनासक्ति है। वस्तुगत व वस्तु स्थिति सत्य का अनुभव करने के लिए ज्ञान अवस्था की इकाई पात्र है। इसकी चरितार्थता ही चारों आयामों की पूर्ण तृप्ति है ना, जो चारों आयाम की अपन ने पहले बात कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। मानव में न्याय की चरितार्थता की क्षमता ही स्वतंत्रता है। अब देखिए, स्वतंत्रता प्रमाणित कैसे होगी, मैं स्वतंत्र हो गया, क्या प्रमाण होगा, न्याय को चरितार्थ करता हूं ना, न्याय पूर्वक जी पाता हूं, यही एकमात्र स्वतंत्रता का प्रमाण हमें व्यवहार में दिखाई देगा है ना, व्यवसाय में नियम के रूप में दिखाई देगा, और विचारों में समाधान के रूप में, और जो अनुभव में है ना, सुख के परमानंद के रूप में दिखेगा। बट उसकी जो न्याय की चरितार्थता की क्षमता ही स्वतंत्रता है, तो उसका जो बाह्य प्रकटन स्वरूप है वो न्याय के रूप में है, और यही सामाजिकता का प्राण व त्राण है। यही सामाजिकता यहाँ से ही उद्घाटित हो रही है, यही उसकी आत्मा, प्राण माने उसका जो कोर है, रूट है ना, प्राण और त्राण उसका जो रूट है और फ्रूट है वो दिखाई देगा। अमानवीयता स्वतंत्र एवं संयत नहीं है। ये बहुत क्लियर है कि अमानवीयता में स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि परतंत्रता है। तो पशु मानव जो दीनताहीनता क्रूरता और जो विषयों में हम अपने में सुख की निरंतरता को पाना चाहते हैं, भोग में, ये जो है ये स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि है ना, स्वतंत्रता और संयत नहीं है। ये बहुत बार बार इस पर ध्यान आकर्षण दिला रहे हैं। एक बार मैं फिर ये कह दूं, अमानवीयता कोई गाली नहीं है, है ना, कि अरे यार मैं तो मानव हूँ। अमानवीयता का इतना ही मतलब है, मानव होने के रूप में मेरे में ही जो अपेक्षाएं बनी हुई हैं, जिन फल को देखने के लिए मैं लालायत हूँ, जिस वसुधैव कुटुंबकम की जो मेरे में कामना है, जो हर मानव कैसे सुख समाधान समृद्धि पूर्वक जी सके, ये मेरी ही कामना है, ये पड़ोसी की नहीं है, है ना, पड़ोसी की भी है लेकिन मेरी भी है ना। इस अर्थ में, क्योंकि इस ढंग से पशु मानवीय राक्षसी मानवीय विषय स्वभाव दृष्टियों से जब मैं जीता हूँ, अपने ही चाहतों में पूरा नहीं उतर पाता हूँ, अपने ही चाहत को पूरा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए ये मानव के लिए शोभनीय नहीं है, मानव अपने ही आसित फल को नहीं पा पाता है, इस अर्थ में केवल अमानवीयता शब्द कहा है ना। इस पर मैं बार बार ध्यान दिलाता हूँ, क्योंकि कई लोगों को अमानवीयता शब्द ऐसा सुन के दिक्कत होती है कि मानव को अमानव क्यों कहा, तो ये बिल्कुल ठीक है, मानव मानव ही है, लेकिन वो मानवत्व के साथ मानव है, मानवीय आचरण के साथ मानव है। धर्म बस जब उस आचरण को नहीं कर पाता है, उस अर्थ में उसकी एक तात्कालिक समय
के अनुरूप उस समय के लिए वो संज्ञा है ना। और हम सब इससे निकलना ही चाहते हैं। ये एक एक स्थिति आती है किसी भी धरती के जागृति क्रम में। तो मानवीयता पूर्वक मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का जिज्ञासु है। अब यहां पे सवाल बनता है कि जो मानव है वो यहां पर स्वतंत्रता का जिज्ञासु हो रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि अनुभव फाइनल स्थिति नहीं है, अनुभव प्रीरिक्विजिट है। तो जैसे ही जब अनुभव होता है ना, जैसे बाबा कह रहे हैं कि जब उनको अनुभव हुआ तो उनको 3 से 5 वर्ष लगे अपने को समाधान समृद्धि को प्रमाणित करने के लिए ना, तो उस डिजाइन को बनाने के लिए। तो मानवीयता जो है या अनुभव जो है वो प्राइमरी प्रीरिक्विजिट, प्राइमरी स्टार्टिंग लाइन है ना जीने की, फिनिशिंग लाइन नहीं है। तो क्यों, क्योंकि अनुभव के बाद अपने में जो बुद्धि में बोध होता है, ये संकल्प होता है कि अब मुझे समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है। क्यों, क्योंकि आत्मा की जो गति क्रिया है प्रमाण, तो जब अनुभव स्थिति में अनुभव होता है तो उसको प्रमाणित करने के लिए गतिशील हो जाता है। इसलिए अब स्वतंत्रता का जिज्ञासु हुआ है ना। तो मानवीयता पूर्वक मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का जिज्ञासु हुआ, अर्थात उसमें जिज्ञासा होती है कि इसको प्रमाणित करना है यार। क्योंकि यदि मानव, इसीलिए देखिए बहुत शानदार है 6 सद्गुण जो लिखे हैं मानव के या जागृत व्यक्ति के, जो आपको याद ही होंगे बट रिपीट कर दूं, है ना, कि क्योंकि स्मरण होना भी जरूरी है ना। हम अध्ययन की परिभाषा पढ़ते हैं कि अधिष्ठान की साक्षी, अनुभव की रोशनी में अधिष्ठान की साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया कार्य क्रिया प्रक्रिया प्रयास है ना। तो हम सबके चीजों में हमारे में स्मरण में आना ही होगा। स्मरण ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान होने के लिए स्मरण की एक अनिवार्यता है और एक स्टेज है ना। तो हमें स्मरण रखना ही पड़ेगा इन चीजों का, तभी तो अभ्यास कर पाएंगे। स्मरण ही नहीं होगा तो ध्यान ही नहीं रहेगा। अच्छा किसका अभ्यास करना है, न्याय का करना था या किसका, तो पुरानी प्रवृत्तियों का अभ्यास शुरू हो जाएगा है ना। तो साक्षात्कार उन्हीं का, इसीलिए अधिकतर लोगों को अन्याय का साक्षात्कार होता रहता है। जब जो बिजनेस, मेरे बहुत सारे मित्र जो बिजनेस करते हैं, भैया बोले आप ना बिजनेस नहीं कर रहे इसलिए आपको पता नहीं है, तो नहीं तो आपको बिजनेस करोगे तब पता चलेगा कि क्यों, क्योंकि हम अभ्यास में है ना। ये बात ठीक है कि अभी जो व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए जब तक हम मानवीयता का अभ्यास नहीं करेंगे तो न्याय का साक्षात्कार नहीं होगा। हर मानव इसको चाहता ही है, इसलिए भी हमें अपने बिजनेस व्यवसाय के डोमेन लाभ हानि मुक्त पद्धति से कैसे स्थापित होगा, इस सब पे भी विचार करना ही पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो यहां कहा जा रहा है कि मानवीयता पूर्वक मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का जिज्ञासु बनता है। अब उसको यहां जिज्ञासा किसकी है, स्वतंत्रता को प्रमाणित करने के लिए। तो 6 सद्गुण में से बाबा लिख रहे हैं, स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व का में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। क्योंकि यदि मैं परावलंबी हूं तो स्वतंत्रता प्रमाणित नहीं होगी है ना। इसलिए स्वतंत्रता के लिए हमें स्वावलंबी अर्थात परिवार में है ना, व्यक्ति में नहीं कहा है, परिवार में अपनी आवश्यकताओं से अधिक का उत्पादन और है ना उसको पाने की जरूरत है। देव मानव स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत और अति मानवीयता पूर्ण दिव्य मानव ही पूर्ण स्वतंत्र। इसलिए मैंने जो ऊपर आया था, तो स्वतंत्रता की शुरुआत है और स्वतंत्रता की पूर्णता दिव्य मानवीयता में जाके हो रही है। तो मानव जिज्ञासु है, उसको वो प्रमाणित करता है परिवार में। देव मानव स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत है, ये समाज में स्थापित हो जाए। और अति मानवीयता पूर्ण दिव्य मानव ही पूर्ण स्वतंत्र है जो प्रत्यक्ष है। स्वतंत्रता के प्रमाण में संवेदनशीलताएं और संज्ञानशीलता पूर्वक नियंत्रित रहना पाया जाता है। तो ये जो तीनों ही जो प्रयास करते हैं, मानव देव मानव दिव्य मानव, इस स्वतंत्रता के प्रमाणित करने के अर्थ में, जो स्वतंत्रता उनको अपने में फील हुई है ना, जैसे एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जो डिग्री मिली है ना, तो ये डिग्री माने प्रीरिक्विजिट है कि आप इंजीनियरिंग कर सकता है। MBBS प्रीरिक्विजिट है कि आप मेडिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये संपूर्णता नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अनुभव संपन्न होना अब हमारी क्वालिफिकेशन है कि हम परिवार में जी सकते हैं, समाज में जी सकते हैं। और उसको प्रमाणित करने के अर्थ में इन तीनों में ही संवेदनाएं संज्ञानता की संज्ञानशीलता के अर्थ में नियंत्रित रहनी पाई जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम लोग है ना ये इसको फिनिशिंग लाइन माने हुए हैं। ये कम से कम मैं बहुत साल माने रहा, इसलिए मैं इसको ध्यान आकर्षण करा रहा हूँ। हो सकता है आपके साथ ऐसी स्थिति ना भी हो। कई बार हम जिन स्थितियों से गुजरते हैं है ना, उसके लिए हम ध्यान आकर्षण कराते रहते हैं। और कई लोगों को ये लग सकता है कि भैया ये तो हमारे लिए क्लियर ही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल संभावना है। आगे की पीढ़ी वैसे भी आगे ही है,
है ना। और जैसे जैसे हम देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आप लोगों ने इस प्रेजेंटेशन में देखा होगा, जो हमारी यंग जनरेशन जितने है ना स्पष्टता से प्रेजेंटेशन करती है, ये हम लोगों के लिए भी काफ़ी है ना उत्साहवर्धक है कि हम सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। बाबा कहते रहे, उसका प्रमाण मिल रहा है। बाबा कहते थे, बेटा तुम लोग हमसे अच्छा जियोगे, है ना। हमें कई बार लगता था ये उत्साहवर्धन है, लेकिन दूसरे ढंग से देखें, यदि हमारी अगली जनरेशन अपने से आगे अच्छी नहीं जी पा रही है, तो कैसे आगे बढ़ेगी चीज़ें, है ना। क्योंकि तो अभी तो स्थापना होनी है, संक्रिया होनी है, तो व्यवस्था स्थापित होनी है। और हम ये बहुत सारे डिजाइन में देख ही रहे हैं कि हमसे बच्चे आगे, यदि हम उनमें ठीक ढंग से मार्गदर्शन कर पाए, तो ये आगे की तरफ रहते ही हैं, है ना। क्योंकि क्यों रहते हैं, उसका तात्विक स्वरूप बाबा कहते थे ये है कि बेटा मैंने कुछ छुपाया नहीं, मुझे जितना था मैंने आपको दे दिया, और तुम अपनी कल्पनाशीलता इसमें अपनी नियोजित करोगे कि नहीं करोगे, तो उस नियोजन से और चीजें बेहतर होंगी। तो ये बात मैं देख ही रहा हूं कि जब बाबा के लिए जो जो ऑडियंस, आप मतलब सरप्राइज होने की बात भी लगती है कई बार, कि बाबा की ऑडियंस 10-15 लोग, 50-100 लोग, इससे अधिक नहीं रही, है ना, सिंसियरली। और आज हम जैसे लोगों को अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो 70-80 लोग सुन रहे हैं, है ना, या इसके बाद भी यूट्यूब देख रहे हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ ये कम है, क्योंकि अब वो 25-30 साल निकल चुके हैं, और अब मानव जाति जिस कगार पे खड़ी है, हमें बहुत तीव्रता से प्रयास करने होंगे। तो ये वस्तु स्थिति सत्य है, उनके लिए वो 25-30 होना भी बहुत ठीक बात थी, लेकिन अब हमारे लिए इतना होना ये संतोषजनक नहीं है, है ना। इसकी अपने को फैलाओ, माने सिर्फ जनबल को इकट्ठा करने के लिए, सच्चाइयों की अर्थ में भी जनबल की जरूरत पड़ती है, धनबल की, यश बल की जरूरत होती है। इसको अपन को पहचानना चाहिए, और अब जहाँ जिस कगार पे मानव जाति खड़ी है, उसमें हमें अपने प्रयास को व्यवस्था के अर्थ में इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। तो प्रत्येक मानव स्वतंत्रता के लिए आसुक, कल्पनाशील एवं इच्छुक है। आसुक माने आशान्वित है, आशा बनी हुई है उसमें, है ना, वो चाहता है स्वतंत्र होना। कल्पनाशील है, एक दूसरे लेवल पे जाएंगे तो आशा से अधिक हो गया। कल्पना में माने चित्रण, मन वृत्ति चित्त तीनों शामिल हो गए, और आसुक होने में आशा ही, मन ही क्रियाशील है। और इच्छुक है अर्थात अब जो चित्त में कल्पना से आगे तीव्र इच्छा में परिवर्तन हो रहा है, उसको इच्छुक कह रहे हैं। ये बड़े ही सटीक शब्दों को यूज किया है बाबा ने, देखने में एक जैसे लग सकते हैं, तो ये लगता है तीन शब्द क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो प्रत्येक मानव स्वतंत्रता के लिए आसुक, तो प्रत्येक मानव में कई कैटेगरी मिलेंगे। कुछ लोग हैं उनको वो आशान्वित हैं कि यार कोई तो कुछ करेगा, है ना, स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। कुछ लोग कल्पनाशील हैं, जो अपने आशा विचार इच्छाओं में कल्पनाओं को सजो रहे हैं। कुछ लोगों में इच्छा बन गई है, अर्थात वो इसको उतारने के लिए प्रयासशील है ना, उसमें उनके तीव्र इच्छा में आ गया, उनके कार्य व्यवहार में वो दिखाई देता है, इस अर्थ में इसको लिख रहे हैं। न्याय धर्म सत्य पूर्ण विधि से स्वयं में से के लिए तंत्रित एवं नियंत्रित जीवन प्रतिष्ठा ही स्वतंत्रता है। तो न्याय धर्म सत्य पूर्ण, तो अब यहां पे स्वतंत्रता को स्पष्ट कर रहे हैं कि न्याय धर्म सत्य पूर्ण विधि से स्वयं में से के लिए हम जो तंत्रित और नियंत्रित जीवन ही है ना, ऐसा इसमें प्रतिष्ठित जो जीवन हो जाता है वो स्वतंत्रता है। इसको अपन ने काफी, अपन ने स्वतंत्रता परतंत्रता को बढ़िया से डिस्कशन हो गया ऐसा मुझे लगता है। आत्मा के संकेत अनुरूप बुद्धि, बुद्धि के संकेत अनुरूप चित्त, चित्त के संकेत अनुरूप वृत्ति, और वृत्ति के संकेत अनुरूप मन है, जो क्रम से अनुभव, बोध, इच्छा, विचार एवं आशा है, यही स्वतंत्र जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। तो इसकी अपन ने खूब बढ़िया तात्विक ढंग में चर्चा की कि जब आत्मा के अनुरूप बुद्धि, बुद्धि के संकेतों के अनुरूप चित्त, चित्त के संकेतों के अनुरूप वृत्ति, और उसके अनुरूप मन, या अनुभव के अनुरूप बोध, बोध के अनुरूप इच्छा, इच्छा के अनुरूप विचार, और विचार के अनुरूप आशा, है ना। इसके विपरीत में लोकानुरूप, लोग क्या कहेंगे, है ना, उनके अनुरूप आज का जो लोक है ना, और व्यवस्था हमने स्थापित कर दी, तब तो बढ़िया है, फिर जो लोकानुरूप भी हमारे लिए जागृति का कारण बनेगा। लेकिन इसके विपरीत में यदि हम लोकानुरूप, है ना, आशानुरूप एवं कल्पनारूप इच्छाएं परतंत्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, है ना। तो जो लोग परिस्थितियों से गवर्न है, लोग क्या कहेंगे, है ना, या जो जीवन में संवेदना रूपी आशा है, या सिर्फ जो कल्पनाएं चल रही हैं, जो माने संवेदनशीलता के अर्थ में, उनके उनके अनुरूप इच्छाओं से जो चल रहे हैं, तो वो परतंत्रता है। क्यों परतंत्रता है, फिर ध्यान दिलाऊं, क्योंकि उसमें मैं ही जो सुख की निरंतरता चाहता हूं वो पूरी नहीं होती, इसलिए मैं परतंत्रित हो जाता हूं, है ना, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता।
बढ़िया। जबकि परतंत्रता मानव की वांछित घटना एवं उपलब्धि नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह की परतंत्रता को चाहता नहीं है ना, ये उसके लिए वांछित भी नहीं है मानव में, है ना, ये अवांछित घटना है। मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन ही स्वतंत्रता है ना, तो मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन ही, मध्यस्थ क्रिया जहां पे पूरी तरह व्यक्त हो जाए, प्रमाणित हो जाए, है ना, वो जीवन ही स्वतंत्रता है, मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, इसलिए स्वतंत्रता की संभावना। क्या बात है, क्योंकि क्यों होगी भाई स्वतंत्रता की संभावना, क्योंकि मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, आत्मा मध्यस्थ क्रिया करती है, सम विषम से अप्रभावित रहती है, इसीलिए ये जो बुद्धि को उसके फॉल इन लाइन, है ना, उसके अनुरूप होना ही पड़ता है, और चित्त वृत्ति मन को उसके अनुरूप आना ही होता है। क्यों? क्योंकि मध्यस्थ सत्ता है, और मध्यस्थ सत्ता में होने के लिए आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, मध्य में होने की वजह से, और मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, इसलिए स्वतंत्रता की संभावना बनी हुई रहती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि हर मानव स्वतंत्र, स्वतंत्रित और स्वतंत्रता को पाना चाहता है ना, क्योंकि उसमें वो मध्यस्थ क्रिया का बनी ही रहती है। मानव में उत्पादन नियम पूर्वक, व्यवहार न्याय पूर्वक, विचार धर्म पूर्वक, अनुभव सत्य में मध्यस्थता पूर्ण होना चाहे पाया जाता है। तो मानव में जब हम नियम पूर्वक उत्पादन करते हैं तो हम मध्यस्थता का अनुभव करते हैं, व्यवहार में वही मध्यस्थता न्याय पूर्वक जो हम व्यवहार करते हैं, अर्थात परस्परता में जो मूल्यों के साथ जीना, यही मध्यस्थता। आप उसमें एक इस माने परस्परता में सामने वाले को भी लगता है कि जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आप स्पेस दे पा रहे हैं, है ना, माने उनको एक फ्रीडम दे पा रहे हैं, उनको सुकून मिलता है, आपके साथ उभय तृप्ति मिलती है। तो व्यवहार में न्यायपूर्वक, विचार में धर्म पूर्वक अर्थात व्यवस्थागत विचार, और अनुभव में सत्य में मध्यस्थता पूर्ण होना पाया जाता है। मध्यस्थता पूर्णता की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में है ही, में ही है, यही सम विषम का नियंत्रण संरक्षण है, और इसमें ही सम विषम का नियंत्रण रहता है, और उसकी उसको वो संरक्षित रख पाता है, अर्थात सम विषम को विलय कर पाता है। साथ ही मध्यस्थ जीवन की संभावना है, इसके प्रमाण परंपरा में ही दिव्य मानव जीवन है, और इसी को प्रमाणित करने के लिए, परंपरा में लाने के लिए दिव्य मानव जीवन है, अर्थात दिव्य मानव का यही कार्य है। एक बहुत अच्छी बात है, देखिए नियमों की स्वीकृति हमारे में रहती ही है ना। सामान्य सी यदि अपन घटनाओं को देखें तो जैसे गुजरात में प्रचलन है कि आप किसी के घर में जाते हैं तो जूते ना बाहर ही उतार देते हैं, तो जूते बाहर उतार देते हैं, तो कोई भी आदमी आएगा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तो जब बाहर ही 8-10 पेयर जूते उतरे, जब तक उसको कोई बहुत मजबूरी नहीं हो, विशेष दिक्कत ना हो, है ना, वो उतारता ही है, और यदि कोई विशेष दिक्कत है तो वो पहन के भी आता है तो एक संकोच के साथ आता है, और वो बोलता है कि किस वजह से नहीं उतार पा रहा है। तो नियम की स्वीकृति, जबकि ये मानवकृत नियम की बात हो रही है ना, ये यदि पहचानने में आता है किसी को तो उसको वो स्वीकार होता ही है, उसको वो निर्वाह करना चाहता है। तो कितनी अच्छी डिजाइन है, यदि किसी मानव को, है ना, ये अस्तित्व सहज नियम स्पष्ट हो जाते हैं, अर्थात तो उसको ये दिख जाता है कि न्याय पूर्वक जीने में ही सुख है ना, तो या नियम पूर्वक उत्पादन करने में ही, प्रकृति को बनाए रखते हुए उत्पादन करने में ही हम अक्षुण्णता को पाएंगे। तो जैसे ही ये नियम, यदि उनकी जो मानवकृत नियमों की हमारे में इतनी माने वो होती है निर्वाह करने की, या उसकी स्वीकृति हो जाती है, तो जैसे ही हमारे में अस्तित्व तो सहज नियमों का अध्ययन के माध्यम से स्थापना होती है, स्पष्टता होती है, पहचानने में आते हैं, इनकी स्वीकृति होती है, तो इनके लिए पालन की प्रतिबद्धताएं स्वयं स्फूर्त होती हैं, इसीलिए इसको स्वतंत्रता कहते हैं, या हमारे में वो स्थापित हो जाता है, क्योंकि मध्यस्थ की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में ही है, बनी हुई है ना, इस अर्थ में ये हमारे में स्थापित होता है। तो नियम, न्याय, धर्म और सत्य ही ज्ञान है, मध्यस्थ क्रिया ही इनका उद्घाटन करती है। तो मध्यस्थ क्रिया में ही क्यों? क्योंकि ये स्वयं में नियम, न्याय, धर्म और सत्य ही ज्ञान है, मध्यस्थ क्रिया ही इनका उद्घाटन करती है, ये स्वयं में सारे मध्यस्थ ही हैं, इनमें कोई सम विषम नहीं है ना, इसीलिए कई बार, है ना, इसको परिचय सेवरों में कहते भी हैं कि इससे कम में चलता नहीं और इससे अधिक होता नहीं, है ना। तो नियम, न्याय, धर्म और सत्य, ये बिल्कुल दिनेश भाई ठीक लिख रहे हैं, सम विषम का भी तो अस्तित्व है, ये बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि यदि हम सम को, लेकिन जो पूरी तीनों अवस्थाओं में जो सम विषम है वो मध्यस्थ के लिए ही है, अर्थात
प्राण पदार्थ अवस्था में जो आवेश है ना, क्योंकि उसमें जो आवेश दिखाई देता है वो भी अपनी पूरकता को सिद्ध कर चुका है, क्योंकि इसी वजह से उसमें परमाणु में समृद्धि होती है, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था को प्रकट करता है। तो मानव में यहाँ पे सम विषम की कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मानव में जो परंपरा है वो मध्यस्थता की है, इसको कहा जा रहा है ना। इसीलिए सम विषम जागृति में मानव में विलय हो जाता है, मानव में सम विषम जो है वो उससे उसमें जो आवेश है विषम का, है ना। और सम तो एक एक संभावित घटना है, क्योंकि हमें उसको जो आचरण पूर्णता तक पहुंचने के लिए या धरती पर व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, लेकिन जो जो परंपरा है वो मध्यस्थता की रहती है। तो बिल्कुल ठीक है, तीनों अवस्थाओं में जो सम विषम गुण है ना, वो मध्यस्थता के अर्थ में वो अपने को प्रमाणित कर चुके हैं। मानव को इसी सम विषम को, विषम तो मुक्त विलय हो जाएगा, सम से मध्यस्थ की ओर गति होगी और फाइनली मध्यस्थ की स्थापना होगी परंपरा के रूप में, ये कह रहे हैं। दिनेश भाई लिख रहे थे, परिवार सब कुछ कैसे उत्पादन करे। सब कुछ को उत्पादन करने की जरूरत नहीं है, कुछ तो बाहर से विनिमय करना ही पड़ेगा, तो स्वतंत्रता कैसे। बहुत बढ़िया, ये देखो इसका मतलब हम स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे हैं, पूरी धरती से कट जाएं, अकेले में सब उत्पादन कर लें और हमें किसी की, इसको स्वतंत्रता नहीं कह रहे हैं भैया। ये देखो यही गड़बड़ हो जाता है, ध्यान आकर्षण करा रहा हूं फिर से। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अब हमें किसी से दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब है सह अस्तित्व को पहचान लेना, व्यवस्था के अर्थ में इकाईत्वा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती है। इसका मतलब है स्वतंत्रता का प्रमाण व्यवस्था में देना। तो भैया विनिमय होगा, केवल विनिमय की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी समाज चाहिए। हम ही टीचर बन जाएंगे, हमारे ही बच्चे का अपने ही परिवार में मैरिज कर देंगे, ये सब थोड़ी होना है भाई। एक बच्चे को संस्कारित करने के लिए मानव समाज लगता है ना। शिक्षा के लिए भी बाहर भेजोगे, उसमें व्यंजनाएं होंगी, टीवी के माध्यम से उस पर कुछ व्यंजित होगा, तो ये ठीक करें होना होगा कि नहीं। तो फाइनली स्वतंत्रता का मतलब है सह अस्तित्व को पहचान लेना ही स्वतंत्रता है, सह अस्तित्व को प्रमाणित करना स्वतंत्रता है दिनेश भैया, है ना। तो सब कुछ हम उत्पादन करने लगे फिर स्वतंत्र महसूस करेंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। बल्कि सही अर्थों में स्वतंत्रित हो जाने का मतलब है सह अस्तित्व पूर्वक कैसे एक दूसरे के लिए पूरक उपयोगी होकर के जीना, ये स्वतंत्रता है। क्या गजब डिजाइन है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं तो हमें लग रहा होगा कि यार मैं ही सब कुछ समझ लूं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा, नहीं होगा, हमें वातावरण निर्माण करना होगा, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं लगभग लगभग 2-4-5% लोगों के लिए प्रयास करना पड़ेगा भैया, है ना। खूब जनबल बनाना पड़ेगा, लोगों में इस बात की सहमति को स्थापित करना पड़ेगा कि सह अस्तित्व ही नियम है, उसी को स्वतंत्रता कहा जा रहा है ना। और हम अपने में आत्म, जिसको कई बार लोगों ने कहा है आत्मनिर्भर हो जाएं, उस अर्थ में आत्मनिर्भरता की बात नहीं कर रहे हैं, सही अर्थों में सह अस्तित्व को पहचान करके उसके साथ निर्वाह कर पाना ही स्वतंत्रता है, और परस्परता में ही इसका प्रमाण है ना। इसीलिए सामाजिकता की जरूरत भी है, यदि हम अपना ही सारा कुछ पैदा कर लेते खा लेते हमें सामाजिकता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि मानव सिर्फ भौतिकता से नहीं जीता है ना, चैतन्यता से, है ना, वो सामाजिक न्याय की इकाई है। बहुत बढ़िया, लेकिन आपने अच्छा ध्यान आकर्षण, देखिए हमारे में इस तरह का प्रश्न है उसको तुरंत अपने को क्लियर करना है चाहिए, है ना। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद ऐसा पूछने के लिए। पूर्ण जागृति परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में, देखो लिख ही रहे हैं, पूर्ण जागृति सह अस्तित्व में अनुभूति है ना, अपने सिर्फ परिवार में नहीं है, है ना। तो बिल्कुल आप स्वयं वीर भाई सोम भाई को याद कर रहे हैं कि सह अस्तित्व की बारात निकली है, उसमें शामिल होना है अपने को, बिल्कुल वो इसको यूज करते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा भी लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्वतंत्रता का मतलब है सह अस्तित्व की बारात में शामिल होना, अपनी बारात नहीं निकलनी है, नहीं तो जनाजा ही निकलेगा, ऐसा भी वो ध्यान आकर्षण कराते हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है ना। तो अपने घर को पूरी तरह से सब कुछ पैदा करने के लिए प्रयास मत कीजिए भैया, बल्कि दूसरों में भी, क्योंकि अभी डर यही है कि हम यदि कुछ पैदा करेंगे तो दूसरा शोषण कर लेगा, उसको भी ज्ञान संपन्न विपन्न करने का प्रयास करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है, जिससे कि हम परस्पर एक दूसरे के साथ निर्भय होकर के, अभय होकर के वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकें, है ना। ये अपने को स्थापित करना है, इसी में अपनी तृप्ति होगी। इसीलिए हमारा योगदान केवल अपने परिवार तक नहीं है, समाज तक भी नहीं है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक
है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमें जाके अमेरिका में बात करनी होगी, क्योंकि ये सहस्तित्व विधि से होगा। हम हो सकता है 10-20-50 लोगों तक ही बात करेंगे, वो और आगे बात करेंगे, सबको स्वतंत्र होना है भाई, अपने को ही थोड़ी होना है। तो कोई बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करने हैं, छोटे छोटे काम करने, अपने ही सीमा में हम जिन लोगों को जानते हैं उन तक अपनी बात को रखना है, वो भी ज्ञान संपन्न हो, हम भी हों, एक दूसरे मिलकर के हम उत्पादन भी कर सकें, विनिमय भी कर सकें, शिक्षा के प्रोग्राम भी कर सकें, है ना, और स्वास्थ्य के प्रोग्राम जो पांचों काम हैं, न्याय सुरक्षा भी कर सकें, इस अर्थ में सहअस्तित्व प्रमाणित होगा। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंशियली कोडेड है, है ना, ये हम और मानवीय कोडिंग नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियली कोडेड है आदमी इसको करने के लिए। इसलिए मैं कई बार लोगों का जब ध्यान नहीं जाता तो मैं छोटे छोटा ध्यान आकर्षण में पूछता हूँ, है ना, कि भैया ये बताओ, टीवी में किसी को साउथ अफ्रीका में भी लोग यदि ऐसे दिखाई देते हैं कि भूख से मर रहे हैं, आपको कैसा लगता है ना? तो लोगों को लगता है भैया बुरा तो लगता है ना, इसका मतलब मैं ध्यान आकर्षण है कि यदि ये बुरा लग रहा है, इसका मतलब ऐसा आप नहीं चाहते हो। यदि चाहत को पहचानोगे तो आप ये चाहते हो कहीं ऐसी दुर्घटनाएं ना घटें, अर्थात सदघटनाएं घटें, और सदघटनाएं घटें तो इसके लिए आप क्या करते हो, उसमें योगदान देना है, उसको पहचानना है, क्योंकि आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है, किसके लिए, अपनी ही कल्पना को साकार करने के लिए, अपनी ही मन स्वस्थता को साकार करने के लिए। मनाकार साकार काफी हद तक हो गया, कि मन स्वस्थ हो जाए तो वस्तुओं की कमी से लोगों को कमी नहीं है, बल्कि वस्तुएं कुछ कुछ लोगों में संग्रहित हो गई हैं, और वो भी उनके भ्रम बस, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हो गए उनको इकट्ठा करके, वो भी परेशानी है, क्योंकि भ्रम ही परेशानी है, द्वंद्व ही परेशानी है। ये सब चीजें अपन को धीरे धीरे स्पष्ट होनी होगी, नहीं तो कई लोगों को लगता है जिनके पास खूब आ गया वो तो मजा मार रहे हैं, हम परेशान हैं। अरे भैया वो मजा मार रहे होते इसका मतलब हमारी कल्पना में यही बैठा है कि हमें भी मजा मारना है तो वहीं पहुंचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि संग्रह कहीं ना कहीं भय को व्यक्त करता है, और वो सामाजिक भय बस हमने संग्रह किया हुआ है, समाज में अभयता आएगी, हमें संग्रह की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसलिए काम संग्रह को हटाने का नहीं है, उसके जो रूट कॉज है, ये सामाजिकता में हम जिएंगे, उस सहस्तित्व को यदि पहचानेंगे, उसको स्थापित करेंगे, कौन संग्रह करना चाहता है भाई, कौन अपना सिरदर्द लेगा, है ना, तो ये क्योंकि उसको बनाए रखने में बहुत सारे समस्या है, और उस संग्रह जब शोषण पूर्वक करना पड़ता है तो सिद्धांत है शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये संग्रह उसका निकल ना जाए, इसलिए वो भाव संपन्न होकर के अपनों से ही भाव को व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि भाव से जुड़ेंगे और वस्तु तो भाव से छोटी है, और ये वस्तु फिर देन आदान प्रदान करना पड़ जाएगी। तो भैया वो संग्रह करने वाला व्यक्ति शुष्क हो जाता है, अर्थात किस अर्थ में शुष्क, भाव में शुष्क हो जाता है, वो अपने को काटना पड़ता है उसको कई लोगों से, है ना, ये आप देखिए अपने में, आप इसको बहुत अच्छे से मैंने देख सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने ही उससे, कि जब आदमी जैसे जैसे और इकट्ठा करता जाता है, वो अपने ही कुटुंब में जितना फैलता था उससे कम हो जाता है, उसको अब डर लगने लगता है ना, और कुटुंब के बाद वो परिवार में सिकुड़ता है, फाइनली अपने में रह जाता है, जबकि फैलाव है ना, फैलाव में उत्सव है, सिकुड़ने में उत्सव नहीं है, उम्र बढ़ने के साथ फैलाव बढ़ना चाहिए, और इसी को हम लोग मतलब परिचय शिविर में ध्यान आकर्षण कराते हैं, कि उम्र बढ़ने के साथ अपनों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है ना, ऐसे हम ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं, अपनों की संख्या जुड़ गई, अपनापन का घटाव हो रहा है, इसी को शुष्कता कहा है, तो इसी को कहा है कि शोषण करने वाले का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये परिचय शिविरों में ध्यान आकर्षण हो चुका है, बस बार बार कभी ध्यान आ जाता है तो बात हो जाती है, तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो पूर्ण जागृति फाइनली परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में अनुभूति है, इस सह अस्तित्व को पहचानना है, परस्परता में साथ साथ जीने को पहचानना है ना, उसमें आदान प्रदान भी होगा, है ना, उसमें शिक्षा भी होगी, ये सारे आयामों को अपने को काम करना पड़ेगा। अमानवीयता में स्वतंत्रता के प्रति मानव में आशा एवं कल्पना, देखिए अमानवीयता में भी स्वतंत्रता के प्रति मानव में आशा और कल्पना तो है ना, स्वतंत्र तो होना चाहता है ना, उसकी कल्पना भी करता है। मानवीयता में कल्पना, इच्छा एवं संकल्प होता है। मानवीयता में क्या हो जाता है कि उसमें है ना, मानवीयता में क्या होता है कि कल्पना के साथ साथ अब इच्छा हो गई, माने तीव्रता आ गई, इच्छा का मतलब अब उसको जीना चाहता है और जीने के लिए संकल्प होता है, तथा
अति मानवीयता में संकल्प एवं अनुभूति पाई जाती है, उसको प्रमाणित करता है और प्रमाण के रूप में उस अनुभूति को भी महसूस करता है, अनुभव करता है कि मैं प्रमाणित कर दिया। तो मानव में उसकी इच्छा होती है, संकल्प होता है, फलस्वरूप मानव भी उसको प्रमाणित करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। तो अमानवीयता में असामाजिकता, मानवीयता में सामाजिकता एवं अति मानवीयता में स्वतंत्रता स्वराज्य प्रमाणित होता है जो प्रसिद्ध। तो अमानवीयता में तो असामाजिकता है ही है, मानवीयता में सामाजिकता प्रमाणित होती है और अति मानवीयता में फाइनली स्वतंत्रता का प्रमाण मिल जाता है, और जो कि स्वराज्य के रूप में है, है ना, कि हम एक एक अखंड राज्य की बात कर पाए या एक छोटे से रूप में स्वयं के वैभव को। पहले शुरुआत तो व्यक्ति से, परिवार से, परिवार समूह से ही होगी, है ना, पहले तो डायरेक्ट स्वराज नहीं होगा। तो स्वराज की स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है, व्यक्ति से होती है, परिवार से होती है, परिवारजनों से होती है, मित्रों से होती है, परिवार समूह के रूप में होती है, और फिर वो धीरे धीरे फैलाव के रूप में एक आगे बढ़ता है। सामाजिकता के से संपन्न हुए बिना, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परिवारगत सारे काम नहीं करने हैं, क्योंकि सामाजिकता से संपन्न हुए बिना मानव का अति मानवीयता को पाना संभव नहीं है। तो अति मानवीयता से पहले ये चरण एक आएगा ही, है ना, और वो चरण क्या है, सामाजिकता का चरण, है ना, क्योंकि क्योंकि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है। ये जो जागृति क्रम है ना, जागृति तक पहुंचने का और जागृति पूर्णता तक, एक सघन क्रम है, इसमें विश्रृंखलता नहीं है। ये जो हम मैंने कई बार बाईपास करना चाहते हैं कि भैया हम तो अमानवीयता से डायरेक्ट, है ना, जर्नी करेंगे, और आप तो बाबा से पूछते थे आप तो बताओ कि डायरेक्ट अनुभव कैसे हो जाए, अभ्यास ना करना पड़े, है ना, या सीधे हम, है ना, डायरेक्ट दिव्य मानव पद में ही पहुंचने का डिजाइन बताओ। बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई डिजाइन नहीं है। अमानवीयता सामाजिकता से संपन्न हुए बिना अति मानवीयता नहीं होगी, क्योंकि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है। एक क्रम से क्रम जिस लगी हुई सीढ़ियां हैं, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बताया है, है ना, आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सुबह में पढ़ रहा था तो बहुत मजा आया, तैयारी करनी पड़ती भाई आप लोगों से बात करने के लिए, है ना, इतना प्रबुद्ध वर्ग है, है ना, तो बिल्कुल मैं भी सुबह सुबह की तैयारी कर रहा था। तो विचार सीमा बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब ध्यान आकर्षण होता है। देखिए कैसे बाबा ने उस जो उनको व्यंजित हुआ, है ना, ये जो परिपूर्ण व्यंजना है उसको शब्दों के माध्यम से कैसे उद्घाटित कर रहे हैं, जिससे कि हम सब में वो व्यंजित हो जाए, है ना। और ये भी बात किसी ने बढ़िया ध्यान आकर्षण कराया था कि अनुभव दर्शन में लिखा है कि शब्दों की अपनी अपूर्णता है, है ना, क्योंकि व्यापक तो सीमा में नहीं है ना शब्द की, लेकिन वो वाली अपूर्णता नहीं है कि इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। फाइनली इस अभिव्यक्ति को महसूस तो मेरे में ही होगा, लेकिन वहां तक इंगित करा दिया है, तो शब्द के माध्यम से अर्थ और अर्थ के माध्यम से वस्तु को इंगित किया है, उस वस्तु को अपने ही चित्रणों में चित्रित कर पाना, ये क्रिया तो मुझे ही करनी होगी, आपके चित्रण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और ये मानव की एक मौलिक स्वतंत्रता भी है, है ना, क्योंकि वो अपनी कल्प, जब उसका मन होगा, विचार होगा, इच्छा होगी, तभी वो इन चीजों को अपने चित्र में चित्रित करेगा, फलस्वरूप उसको देख पाएगा। इस अर्थ में शब्दों के द्वारा उसको पूर्णतया उद्घाटित किया है, व्यक्त किया है। जब मानव अपने ही मन, विचार, तर्क और चित्रण को फैलाएगा, ये उसको दिखने लगेंगी वास्तविकताएं। इस अर्थ में कह रहे हैं कि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है, इसको देखा गया है, विचार सीमा में ही मानव स्वतंत्रता एवं परतंत्रता का अनुभव करता है, क्योंकि जागृत मानव का मूल मूर्त रूप आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति और प्रमाण ही है। जब तक हम सिर्फ विचार सीमा में हैं, तब तक स्वतंत्रता और परतंत्रता है, क्योंकि मानव में केवल आशा और विचार नहीं है, आशा, विचार, इच्छा, ये पांचों आयाम हैं। इसलिए जब तक यहाँ नहीं पहुँचते हैं, अर्थात जैसे ही हम चित्रण से चिंतन क्षेत्र में या साक्षात्कार क्षेत्र में कदम रखते हैं, वहां से परतंत्रताएं विलय होने लगती हैं, स्वतंत्रता का रास्ता शुरू होने लगता है, क्योंकि जागृत मानव का जो मूल मूर्त रूप है वो सिर्फ विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति, और केवल अनुभूति में नहीं रुकता है, प्रमाण भी है, प्रमाण ही है। तो अनुभव को प्रमाणित करना है, इस अर्थ में पूरा डिजाइन है। इस पेज को पूरा कर लेते हैं, है ना, उसके बाद एक दो सवाल आए हुए हैं, है ना, उस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। मानवीयता का उत्कर्ष,
पेज नंबर कहाँ पहुंचे, तो साथ ही हो पाया, ऐसा लग रहा है स्लो प्रोसेस चल रहा है। हाँ हाँ ठीक बात है। तो राकेश भाई ने पूछा था, और ये थोड़ा मैं वो है ना, तो मुझे लगता है कि 4 सेशन ही होंगे, है ना, 3 में तो नहीं होगा, तो कल सुबह तक ये पूरा होगा जिस गति से चल रहा है। बट मेरा को इतना आनंद आ रहा है कि थोड़ा सा मैं गति चाहती हुई बढ़ा नहीं पा रहा हूँ उसकी। तो मानवीयता का उत्कर्ष ही अति मानवीयता के लिए प्रेरणा है ना। तो ये क्रम से क्रम सजा हुआ, कितना ब्यूटीफुली देखो उसको, ऑब्जर्वेशन को बाबा व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थ अवस्था के परम उत्कर्ष से प्राण अवस्था होती है। तो देखो पहले आया था कि जब पदार्थ अवस्था एक स्थिति समृद्ध होती है तब अगली स्थिति घटित होती है। तो जब किसी धरती पर पदार्थ अवस्था समृद्ध होती है तब जाकर के प्राण अवस्था का उदय होता है। तो ऐसे ही जब मानवीयता का उत्कर्ष होगा तब जाके अति मानवीयता के लिए प्रेरणाएं जन सामान्य में बनेंगी। तो पहले मानवीयता के लिए प्रयास करना है ना। पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था की उत्कर्ष से जीवावस्था का उदय है। इसी तरह से पदार्थ प्राण और जीवावस्था के उत्कर्ष से, माने उनकी एक समृद्ध स्थिति पहुंचने के बाद ही भ्रमित ज्ञान अवस्था का प्रकटन है ना। और पदार्थ प्राण जीव अवस्था और भ्रमित ज्ञान अवस्था के उत्कर्ष से अभ्रांता भ्रांत ज्ञान अवस्था माने मानव का, है ना, प्रकटन है। और इन सब के उत्कर्ष से ही निर्भ्रांत देव मानवीयता पूर्ण अवस्था उदय होती है, और उसके बाद दिव्य मानवीयता का पूर्ण अवस्था ही प्रसिद्ध है परंपरा के रूप में, है ना। तो बहुत ही बढ़िया। अब मुझे लगता है कि 5-6 मिनट हैं, इस पे अपन जो क्वेश्चन आए, एक तो काफी टफ क्वेश्चन है उसको भी ले लेते हैं, इतना मुझे स्पष्टता है। तो बढ़िया, सहस्तित्व को पहचानना, इस बहुत ही बढ़िया। सुरेंद्र पाल भाई उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि अपने लोग, अपने से श्रेष्ठ लोग जब उत्साहवर्धन करते हैं तो अपने मुझे भी अच्छा लगता है। धन्यवाद भैया, बिल्कुल भैया दिल की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, है ना, शोषक का शुष्क होना, पारस भाई का ध्यान आकर्षण हुआ, और भी लोगों का हुआ होगा ऐसा मैं मानता हूँ। कोरोना के चलते सामान खरीदने के लिए गाँव जो बिल्कुल जो प्रसिद्ध है, क्या है का क्या अर्थ? हाँ, तो प्रसिद्ध है का अर्थ, हाँ बीनू भाई पूछ रहे हैं, वाह धन्यवाद बीनू भाई। तो प्रसिद्ध है का अर्थ, अपनी कल को चर्चा हुई थी, प्रसिद्ध है का मतलब है कि जिसको मानव समझने के लिए बाध्य है या जिसकी परंपरा होने की आवश्यकता है, अनिवार्यता होकर ही रहेगी, इसको कह रहे हैं प्रसिद्ध है। क्योंकि कल चर्चा हुई थी बाबा जब लिखते हैं प्रसिद्ध है, तो मैंने भी कई एक आध बार पूछा कि बाबा आप तो लिखते हो मध्यस्थ दर्शन अनुभव के लिए प्रसिद्ध है, इसको तो चंद लोग ही जानते हैं, क्या मतलब है इसका, प्रसिद्धि कहाँ से है? तो हमारा जो प्रसिद्ध का नोशन है और अस्तित्व में जो प्रसिद्धि है, अर्थात मानव को इसको पहचानने की अनिवार्यता है, इस अर्थ में ये प्रसिद्ध है, इसको कह रहे हैं, है ना। ओ राख, बढ़िया बढ़िया। तो इसको अब एक जो भैया का सवाल था, बाबा जी का बढ़िया, सभी भाइयों को नमस्कार। दिनेश शर्मा जी, सर एमसीबी के इंदौर में जो लिविंग मॉडल पर काम हो रहा है उस पर आपकी क्या दृष्टि है? क्या हमें मिलकर एक दिशा में काम नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है भैया बिल्कुल करना चाहिए, है ना। इसी के लिए आप सबसे अनुनय विनय किया, है ना, कि अधिकतर लोगों तक ये बात पहुँचे, सूचना के रूप में ही पहले पहुँचेगी, है ना, ये कोई प्रचार प्रसार वाली बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल वैसे ही है कि बच्चा यदि क्लास 1, 2 और 3, 4, 5 में नहीं जाएगा तो इंजीनियर डॉक्टर सीए आईएएस अर्थात व्यवस्था में जो भागीदारी है, पहले तो उसकी सूचना ही जाएगी, सूचना जाएगी तो तर्क करेगा। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि भैया क्या सूचना से सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या सूचना नहीं पहुंचनी चाहिए? ये भी ठीक नहीं है। तो सूचना ही जाएगी, उसमें कुछ लोगों का है ना विचार करने का मन बनने का, उसमें विचार करेंगे, तर्क लगाएंगे, कुछ लोग उसको जीने के लिए उत्सुक होंगे, उनमें कुछ स्थापित होगा, कुछ लोग उसके है ना अवधारणाएं बनेंगी। तो बिल्कुल ठीक है, हमें मिलकर एक दिशा में ही काम करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। उसके लिए जो तैयारी चाहिए उसके लिए काम हो रहा है ना, एमसीबी के में जो काम मॉडल पर जो काम हो रहा है वो सब हम सब लोग उसमें शामिल ही हैं, है ना। और कुछ कुछ उसमें जो हुआ है, कुछ कुछ माने देखिए जब भी हम कोई प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना, उसमें सफलता तक पहुंचने के क्रम में कम ज़्यादा कुछ होता ही रहता है, उस पर पुनः विचार, पुनः उस पर ध्यान आकर्षण, परस्पर मिलकर उसको कैसे और बेहतर किया जाए, ये सारे के सारे है ना प्रयोग एक एक जगह जाकर के सफल होंगे और हम सब एक अच्छी स्थिति में
है ना, तो उन सब से जो लर्निंग्स, इस सबको मिलकर के हम सब उस पर काम कर रहे हैं, और ये करना आवश्यक ही है। और इसके लिए हमें ये भी लगता है कि पहला एक मेजर काम ये होना है कि अधिक से अधिक लोगों में ये सूचना पहुंचे, उसके लिए लोग है ना मनन कर पाएं, परिवार में सहमतियां बन पाएं, साथ साथ परिवार के साथ साथ चलने की योग्यता से संपन्न हो पाएं, और हम चल करके और आगे से आगे की ओर बढ़ सकें, इस अर्थ में अपने को काम करने की जरूरत है ना। और ये धीरे धीरे कई जगह काम हो रहा है ना, और कई जगह अपने ढंग की है ना, जब करने जाते हैं, इसीलिए लिखा था कि देखिए जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे को बहुत सारी प्रबुद्धता अभ्यास के क्रम में आती भी है, और हम जागृत रहते हैं, उसके प्रति बने रहते हैं, है ना, ध्यान आकर्षण होता ही है जीते समय, तो हम उसमें और परिवर्तन करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना, और उसमें सुधार, जब तक हम अंतिम स्थिति को नहीं पहुंच रहे हैं तब तक सुधार होगा भी, ये भी कल्पना करना, यदि हम ऐसा मान लें कि अब इसमें कोई सुधार नहीं होगा तो ये शायद अतिशयोक्ति होगी, है ना। और या हम ठीक से, मतलब जैसे होता है ना कि आम के पेड़ को लगने में 5 साल लगते हैं, और हम 3 महीने बाद खोद खोद के देखें कि अब या हर दूसरे दिन कि यार ये आम आ रहा है कि नहीं, तो इस प्रक्रिया को भी अपने को समझना चाहिए कि जो समाज में जो जीने का क्रम है इसमें एक अपने ढंग का समय लगता है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, है ना, उसको उसी ढंग से लेना चाहिए। तो समाज में स्थापना होने के लिए, जीने के लिए एक एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हम सब लोग गुजर रहे हैं, बहुत सारे प्रयास नहीं हुए हैं ऐसा नहीं है ना, जैसे बिजनौर में भी प्रयास हुआ, यदि सबसे पहले प्रयास को देखेंगे, है ना, यहाँ रण सिंह भैया अभी भी और प्रयास कर रहे हैं, उसमें से कुछ लर्निंग्स हुई, है ना, अछौटी में प्रयास चालू ही है, मानव तीर्थ में प्रयास है, एक स्वराज परिसर को करके कुछ कुछ एक अभी एक एक बहुत भ्रूण रूप में कुछ कार्यक्रम चल रहा है ना, और भी बहुत सारे लोग है ना, जैसे गौरी बहन लिखती रहती हैं, वो एक प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रयास तो भैया हमें पता नहीं है, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे इस अभी जो कोरोना के चलते यदि अपन देखें तो बहुत सारे प्रस्तुतियां हो रही जो आपको नहीं पता होगा, सुरेंद्र पाठक भैया अलग ढंग से एक है ना उनके साथ अध्ययन कराते हैं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हैं, मैं भी एक छोटा सा है ना बीनू भाई मांडविया के साथ मिलके उनकी प्रेरणा से हम लोग 20-25 लोग एक हर घंटे कुछ कुछ अध्ययन कर रहे हैं, शाम को 9:30 से 10:30 जूम पर, उसमें वीडियो पर भी कुछ बातचीत हो जाती है, और ये मुझे जो कुछ पता है हापुड़ में अपने ढंग से हो रहा है, दिल्ली में प्रयास हो रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास हो रहे हैं भैया, हम मैं तो ये मानता हूँ इतने कम समय में, जैसे श्री राम भाई ने कहा था कि ये भी बहुत रेयर है कि कोई एक प्रणेता अनुसंधानकर्ता ने दर्शन भी लिखा हो, बाद भी लिखा हो, शास्त्र भी लिखा हो, परिभाषा संहिता भी लिख दी हो, है ना, और उनके ही जीवन काल में या इतने कम समय में इसका इतना फैला हुआ हो। देखिए बुद्ध दर्शन, महावीर दर्शन, ये जो है 2500 साल बाद फैल रहा है ना, और अभी मैं जिस इस इसकी यदि गति को देखता हूँ तो एक तरह से ये बहुत उत्साहवर्धक भी है हम सब, और इसका कारण ये है कि हम लोग जिस ढंग से इंटरनेट कनेक्टिविटी पे आ पाए, तो इसलिए जो भौतिक विज्ञान के महर्षियों ने, मनीषियों ने जो प्रयास किया है ना, उस उनके लिए उनका साधुवाद है, और बाबा ये कह ही रहे हैं कि जो दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन और इंटरनेट जो हम पाए हैं, इसकी अपनी उपयोगिता है, और मुझे लगता है इसी के माध्यम से हम सफल भी होंगे, है ना। अभी जो महेंद्र भाई ने एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है ना को एक बनाने का प्रयास चालू है, उसके भ्रूण रूप में देखें तो बहुत सारा काम श्री राम भाई ने है ना एक वेबसाइट अभी एक रूप में बनी ही है, उसको अपन धीरे धीरे और समृद्ध कर रहे हैं, अशोक गोपाला जी भी उसमें काफी योगदान देते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये सारे प्रयास एक तरफ ही जुड़ रहे हैं, किसी किसी एक प्रयास को विशेष, इसके विपरीत में लोकानुरूप लोग क्या कहेंगे, है ना, उनके। और आपका एक बार फिर स्वागत है ना, लॉकडाउन के समय में हम लोग जो एक कर रहे हैं अभ्यास दर्शन का पठन, है ना, ये दर्शन की कड़ी में तीसरा अध्याय, तीसरा भाग दर्शन का, है ना, मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन और अब अभ्यास दर्शन, और आज के सत्र में हम लोग अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग लगभग 8 पृष्ठ पढ़ चुके हैं, तो आगे शुरू करते हैं, सभी को नमस्कार। और हम लोग यहाँ पर थे कि किस तरह से जो अभ्यास करना है हमें अपने सफलता के लिए, और सफलता मानव लक्ष्य की सफलता है,
और उसके सफल होने में किस तरह से कड़ी जुड़ी हुई है ना। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई का मतलब जिस तरह से पदार्थ अवस्था के समृद्ध होने के उपरांत ही धरती पर प्राण अवस्था प्रकट होती है, उसी तरह से है ना, इसके ऊपर प्राण अवस्था के बाद जीव अवस्था, जीव अवस्था के बाद ज्ञान अवस्था, ज्ञान अवस्था भ्रमित ज्ञान अवस्था के बाद है ना मानव पद या कोई अनुसंधान होना, उसका लोक व्यापीकरण होना और उसके बाद मानव पद की स्थापना होना, इस तरह से पूरा एक क्रम है। इसमें कोई बाईपासिंग नहीं है, जंपिंग नहीं है, है ना, इस क्रम को ही अपने को फॉलो करते हुए चलना है। तो यदि हम इसको देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी में जो अगला चैतन्य क्रिया ही जागृति पूर्वक पूर्ण संस्कृति और सभ्यता को प्रकट करता है और इसी के आधार पर विधि एवं व्यवस्था स्पष्ट होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो बहुत स्पष्ट है कि चेतन क्रिया ही अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक पूर्ण संस्कृति और सभ्यता को प्रकट करता है। संस्कृति का मतलब है अपने में जो संस्कार स्थापित हो जाना या जो उससे संस्कारित जो समाज जिस तरह की कृतियां करता है, जो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसी के आधार पर फिर विधि यानी कि संविधान और व्यवस्था स्पष्ट होती है। संपूर्ण समाज के द्वारा जागृति के क्रम में जो कृतियां की जाती हैं यही संस्कृति के रूप में प्रत्यक्ष हैं। वर्तमान में उनका अनुशीलन क्रिया सभ्यता के रूप में है। जो भी कृतियां समाज करता है उसमें जो नई पीढ़ी आती है, आगे की पीढ़ी आती है, वो अनुशीलन करता है, शोध करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उस क्रम में वो सभ्यता प्रकट होती है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी संस्कृति का ट्रांसफर होना पीढ़ियों में सभ्यता के रूप में पाया जाता है। व्यक्तिगत रूप में जो संस्कार प्रवृत्तियों के रूप में हैं वही परिवार की सीमा में आचरण, समाज की सीमा में आचरण एवं संस्कृति, राष्ट्र की सीमा में संरक्षण सभ्यता एवं व्यवस्था तथा अंतरराष्ट्र की सीमा में विधि एवं सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाण प्रसिद्ध है। तो इसको बता रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप में जो अपनी पहले भी बात हुई कि फाइनली जो संस्कारित होना है वो व्यक्तियों को होना है, है ना, और व्यक्तिगत रूप में जो संस्कार प्रवृत्तियों के रूप में आते हैं वही परिवार में जब मैनिफेस्ट होते हैं तो आचरण के रूप में, और ऐसे कई परिवार है ना, ऐसे कई संस्कारित व्यक्तियों से बने हुए परिवार है ना, जब परिवार समूह या समाज की सीमा में व्यक्त होते हैं तो वो आचरण एवं संस्कृति, और वही जब यहाँ पर जब राष्ट्र की सीमा में, यहाँ अंतर्राष्ट्र और राष्ट्र को दो अलग शब्दों में यूज किया है ना, तो राष्ट्र की सीमा में जब संरक्षण व्यक्त होता है इस तरह के व्यक्ति और समाज, तो वो सभ्यता एवं व्यवस्था के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में विधि एवं सार्वभौम व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। तो फाइनली देखेंगे तो रूट में मानव को ही संस्कारित होना है अभ्यास पूर्वक। तो एक अध्ययन की प्रक्रिया में ना संस्कारित होने के लिए एक लेवल के बाद तर्क की सहमति, तर्क में सहमति बनने के बाद जो हम व्यवहार अभ्यास क्रम अभ्यास करते हैं उस क्रम में हमारे में संस्कार संस्कृति के रूप में स्थापित हो जाता है, और वही फिर अलग 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 लेवल पर हमारे में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक प्रकाशित होता है, फैलता है। नियम न्याय धर्म एवं सत्य अखंड है क्योंकि इनकी मात्रा का निर्णय नहीं है। तो अब देखिए इसको क्यों कह रहे हैं कि ये अखंड है, अर्थात ये अपने आप में नियम अपने आप में अखंड है, इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, न्याय का कोई टुकड़ा नहीं है, ये भी अपने आप में अखंड है, धर्म और सत्य ये सारे अखंड हैं, इसलिए इनको ऐसा भी कहते हैं कि ये व्यापक की अभिव्यक्ति जागृत व्यक्तियों के द्वारा हो रही है, या जागृत व्यक्ति या मानव में वो ताकत है इस व्यापक रूप की सत्ता को या सह अस्तित्व को पूर्णतया उद्घाटित कर देता है ना। आंशिक रूप में तो पदार्थ भी उद्घाटित कर रहा है क्रिया के रूप में, ऊर्जा के रूप में है ना, प्राण अवस्था भी उसको उद्घाटित कर रहा है स्पंदनशीलता और ऊर्जा के रूप में, जीव अवस्था भी जीने की आशा के रूप में व्यक्त कर रहा है, लेकिन जो पूर्ण उद्घाटन है सत्य का, ज्ञान का, वो चैतन्य इकाई में वो ताकत है इस व्यापक रूपी सत्ता में संपृक्त जो प्रकृति है इसके पूरे सहस्तित्व को पूर्णतया उद्घाटित कर देता है, क्योंकि ये जो नियम न्याय धर्म एवं सत्य है ये स्वयं में अखंड है क्योंकि इनकी मात्रा का निर्णय नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि 4 किलो न्याय, 3 किलो धर्म है ना, 5 मीटर सत्य, तो इनमें कोई मात्रा नहीं लग सकती है ना,
मात्रा माने संख्याकरण नहीं हो पाता है इसमें, क्योंकि ये अपने आप में अखंड है। जो खंड खंड है, इकाइयों में संख्याकरण होता है, इसमें हम संख्याकरण नहीं कर पाते। तो यह क्रमशः मानव अनुसरण अनुशीलन अनुगमन पूर्वक अनुभव के लिए बाध्य है। तो अनुसरण जब कहते हैं हम तर्क में, जैसे अनुकरण होता है किसी क्रिया को बार बार दोहराना, है ना, अनुसरण होता है उसी क्रिया को दोहरा रहे हैं उसके पीछे के तर्क से की स्पष्टता होना, है ना। तो अनुसरण पूर्वक अनुशीलन पूर्वक उसमें हम अनुशीलन करते हैं, शोध करते हैं, अर्थात साक्षात्कार बोध संपन्न होते हैं, और अनुगमन पूर्वक और फिर प्रतिबद्धता पूर्वक उसके साथ उस रास्ते पर चलने लगते हैं, और इस प्रकार से हमें जो अनुभव होता है ना ऐसा चलते हुए, इसके लिए मानव इस तरह से बाध्य है। मतलब यही प्रक्रिया होगी उसमें, सबसे पहले अध्ययनगामी पद्धति में हम मनन करेंगे, माने सुनेंगे, अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, अनुशीलन करेंगे, और प्रतिबद्धता पूर्वक उसको चलेंगे, अभ्यास करेंगे, अर्थात जिसके फलस्वरूप अनुभव होगा, यही अखंड सामाजिकता और सार्वभौम व्यवस्था का स्पष्ट संभावनात्मक तथ्य। इस तरह से ही सामाजिकता और सार्वभौम व्यवस्था स्थापित होती है किसी भी समाज में, यही प्रक्रिया है, इसमें कोई शॉर्टकट डिजाइन नहीं है। अवसर का भास आभास या प्रतीति होना मानव में पाए जाने वाले स्वभाव की प्रक्रिया है। तो कैसा अवसर है इसकी मानव में भास आभास या प्रतीति होना पाया जाता है, ये मानव का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि मानव में या चेतन निकाई में पूरी प्रकृति व्यंजित होती है, है ना। इस व्यंजना के फल स्वरूप मानव में ये पाया जाता है, उसके लिए स्वाभाविक है, उसकी ये मौलिकता है उस चेतन निकाय की, कि उसको भास आभास या प्रतीति होता है। यही जागृति की गरिमा भी है, क्योंकि उनमें अनुभव से अधिक उदय होना पाया जाता है, और इसी को हम अनुमान, यही अनुमान भास आभास एवं प्रतीति के रूप में आता है, और इसीलिए परिपुष्ट अनुमान को ही फिर अवधारणा भी कह रहे हैं, माने सच्चाइयों के से जैसी सच्चाई है वैसा अनुमान होने लगता है। ये सब चैतन्य क्रिया की सीमा में संपन्न होते हैं, अब चैतन्य क्रिया में ये सब घटनाएं घटती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि अनुमान में क्या होता है, दोनों संभावनाएं रहती हैं, अनुमान यथार्थ का भी हो सकता है और अयथार्थ का, दोनों का होता है। ये मानव की विकास की या जागृति की स्थिति पर निर्भर करता है, उसकी पात्रता पर निर्भर करता है, है ना, उसकी क्षमता पर, योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है। तो जैसी वस्तु स्थिति है, जैसे कि भ्रमित मानव में, क्योंकि भ्रमित मानव ने जो जैसा है उसके विलोम की स्थिति का अनुमान किया है, जैसे कि मृग मरीज का, तो जो है ही नहीं उसका भी अनुमान कर लेता है, है ना, लेकिन यथार्थ का भी अनुमान होता है। तो अध्ययन पूर्वक बेसिकली सारी यदि अपन डिजाइन देखेंगे तो अध्ययन पूर्वक क्या हो रहा है, यथार्थ की हमें जो सूचना मिल रही है, यथार्थता वास्तविकता और सत्यता की, उसके आधार पर हमारी अनुमान क्षमता बढ़ती है, क्योंकि कुछ हम मन से अनुमान करते हैं, कुछ विचार से अनुमान करते हैं, कुछ चित्त से चित्रण पूर्वक अनुमान करते हैं, और कुछ हमें बुद्धि में अवधारणा में अनुमान होता है, और कुछ अनुभव में आता है। इस तरह से हमारी रूट में देखेंगे तो सारा अध्ययन अनुमान क्षमता का विकास है, और फिर एक समय में अनुभव में जैसी सच्चाइयां हैं उसमें तदाकार तद्रूप तादात्म तदावलोकन विधि से वो उसमें स्थापित हो जाता है, ये पूरी प्रक्रिया है। तो अनुमान यथार्थ व अयथार्थ दोनों का होता है, इसी को बाबा कह रहे हैं कि कल्पनाशीलता मानव में एक बड़ा बून है, है ना, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये कल्पनाशीलता ही हमारा वो सौभाग्य है कि हम उससे सच्चाइयों से तदाकार होने की ताकत हमारे में रहती है। तो अनुमान यथार्थ और अयथार्थ दोनों का है। धर्म से जागृति का इतना ही मतलब है कि जो नहीं है उसके जो हमें गलत अनुमान आ रहे थे वो सही अनुमान की ओर हम माने किसी अनुसंधानकर्ता या किसी जागृत व्यक्ति के सानिध्य में उन सूचनाओं को ग्रहण करके हमारे ही चित्रपटल पर, हमारे ही चित्त में, हमारे ही विचार में, वृत्ति में और हमारे ही बुद्धि में उस तरह की सच्चाइयों से ओतप्रोत कल्पनाएं होने लगती हैं, है ना, और यही हमारे लिए आगे बढ़ने का अवसर भी रहता है और हमारे में एक तृप्ति का कारण भी बढ़ता है, क्योंकि क्रम से जैसे हमने पढ़ा था कि मन प्रेरित प्रत्यावर्तित होता है, अर्थात जो शरीर में संवेदनाओं में सुख को मन ढूंढ रहा था, ये सूचनाएं आती हैं और पता लगता है कि न्याय में इससे बड़ा सुख है, तो धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति
ज्यादा सुख की ओर हो जाती, क्योंकि जो जिस जितने सुख के साथ जीता है उससे अधिक सुखपूर्वक जीना ही चाहता है। इस क्रम में हमारा मन जो है स्वयं स्फूर्त प्रत्यावर्तित हो जाता है, और इस प्रत्यावर्तन के कारण ही हमारे में है ना मन जो शरीर संवेदनाओं से या अपराध से या गलतियों करने से धीरे धीरे कम होती हैं, और यहीं से सुख भी अपने में बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि वृत्ति के अनुरूप मन होने लगता है। तो ये पूरा प्रक्रिया अपन लोग समझ चुके हैं, है ना। एक मैंने मन के प्रत्यावर्तन को बताया, इसी तरह से वृत्ति का, चित्त का, बुद्धि का प्रत्यावर्तन क्रम से होता है। प्रत्येक तो यथार्थ का भी अनुमान होता है अध्ययन पूर्वक, ये मुख्य बात है, अनुमान दोनों चीजों का होता है। प्रत्येक अनुसंधान के मूल में, अच्छा वो लिख ही रहे हैं, वाह क्या बात, प्रत्येक अनुसंधान के मूल में यथार्थता के प्रति अनुमान पाया जाता है जो स्पष्ट है। तो अनुसंधानकर्ता को भी यथार्थता का अनुमान होता है और फिर वो अनुसंधान होता है, ऐसे ही शोधकर्ता को भी इस व्यंजित होता है इस भाषा से, है ना, या जागृत व्यक्ति के सानिध्य में उसकी अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन के माध्यम से, है ना, ये व्यंजित होता है। और उसमें भी अनुमान तो आप लोग ये पाएंगे ही कि धीरे धीरे अपने में अनुमान बनने लगता है कि नहीं यार जिया जा सकता है, ना हम समाज सुधर सकता है, सच्चाइयाँ स्थापित हो सकती हैं, इसकी संभावना उदय होने लगती है अपने में, ना। और एक बड़ी क्रिया है संभावना का उदय होना, अपने में कुछ शुभ की घटित होने की अपने में संभावना उदय हो जाना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे मतलब एक प्रकार से छोड़ चुके होते हैं कि ये संभावना से ही उनको ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ें बदलेंगी अच्छे की तरफ, इसकी संभावना कम हो जाती है। इसी को आगे स्पष्ट करेंगे बाबा, उसी को हम लोग कुंठा कह रहे हैं या निराशा कह रहे हैं। तो मानव द्वारा प्रकट होने वाला प्रमाण केवल प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक ही सिद्ध हुआ है जो प्रत्यक्ष है। तो अब मानव प्रमाणित क्या करेगा, ज्ञान प्रमाणित कैसे होता है, तो प्रयोग में, व्यवहार में और अनुभव पूर्वक ही, इन तीन ही जगह तीन ही प्रमाण की बात की है, है ना। बहुत अच्छा बोल देना इसको बाबा ने प्रमाण नहीं बोला है, है ना। इसलिए कभी कोई पूछ भी रहा था मेरे से किसी ग्रुप में कि भैया किस व्यक्तियों के बारे में हम धोखा ना खाएं या ठीक ठीक अनुमान कैसे लगा सकते हैं, तो व्यवहार प्रमाण को हमें देखना चाहिए, है ना, प्रयोग प्रमाण को देखना चाहिए। अनुभव प्रमाण तो डायरेक्ट दिखता नहीं है, वो विचार प्रमाण को बहुत अच्छी बोल लेता है, तर्क लगा लेता है, ये कोई प्रमाण नहीं माना गया है, वो फाइनली जीने में व्यवहार के रूप में ही प्रमाण को प्रमाण कह रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कह रहे हैं कि सारा ज्ञान, ये बात अलग है कि बोलने में भी आएगा, लेकिन प्रमाण की स्थली को देखेंगे तो व्यवहार और कार्य, प्रयोग और व्यवहार में ही उस प्रमाण का सुनिश्चितकरण या ध्रुवीकरण होगा। तो इस तरह से हम अपनी परस्परताओं में इसको देख सकते हैं। प्रयोग सिद्ध प्रमाण उत्पादन व व्यवस्था की सीमा में, व्यवहार सिद्ध प्रमाण समाज की सीमा में, एवं अनुभव सिद्ध प्रमाण आचरण की सीमा में उपादेयी तथा प्रयोजनदायी सिद्ध हुआ है। तो जो प्रयोग सिद्ध प्रमाण है वो उत्पादन और व्यवस्था में, माने उत्पादन के साथ विनिमय वितरण ये सब जुड़ा ही हुआ है जो भैया सब पूछ रहे थे, और व्यवहार का प्रमाण जो है वो समाज सामाजिकता में दिखाई देगा, और अनुभव सिद्ध प्रमाण आचरण की सीमा में, है ना, जिसको अपन नीति त्रय मूल चरित्र और नीति में दिखाई देगा, यहाँ पर वो उपादेयी और प्रयोजनदायी सिद्ध हुआ है, इसमें हम इसको देख सकते हैं। जीवन प्रमाण सिद्ध करने के लिए, जीवन किस लिए है भाई, जीवन तो प्रमाण को ही प्रस्तुत करने के लिए है ना, वह, और प्रमाण क्या है, वह बेसिकली उत्पादन व्यवहार और अनुभूति, ये तीन ही प्रमाणों में। तो जीवन शरीर को, ये बाबा सूचना दे रहे हैं कि जीवन तो शरीर को चलाने के लिए आता ही इसीलिए है कि वो प्रमाण को प्रस्तुत कर सके, और उसको प्रमाणित, प्रमाण कहाँ प्रस्तुत करना है, उत्पादन में, व्यवहार में और अनुभूति। प्रमाण विहीन अथवा प्रमाण संभावना विहीनता ही निराशा या कुंठा है। और जब हम इन स्थितियों में कोई भी मानव किन्हीं क्षणों में इस तरह के निष्कर्ष पर आता है कि शायद अब हम प्रमाण को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, जिसको मैं कह रहा था कि जब ये निष्कर्ष निकलता है कि अपनी ही पत्नी, भाई, बच्चों के साथ जीना, माता पिता के साथ संभावना नहीं है जीने की, या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, मूल्यों के साथ नहीं जी पाएंगे, इसी का नाम निराशा या कुंठा है, जो मानव के कार्यक्रम, मानव जीवन के कार्यक्रम में सहायक नहीं है। और इसीलिए फिर लोग बहुत सारा, है ना, तो इलाज करना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, या फाइनली देखें तो अध्ययन करने ही, मूल काउंसलिंग तो वही है। तो
प्रमाण संभावना की, तो इस सबसे एक अच्छी सुखद घटना घटती है और ऐसा कई लोग शेयर करते हैं, मैं अपने में भी देखता हूँ कि हम एक उम्र के बाद जो लोगों में इस बात की संभावना पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इस कुछ सुधर सार्थक हो सकता है, वो स्पष्ट हो जाता है और संभावना उदय हो जाती है। यहीं से आशा का एक उदय होता है, उत्साह का उदय होता है और जो आगे जा करके अनुभव के रूप में या जीने के में प्रमाण के रूप में सफल होता है। तो प्रमाण ही परिचय है ना। फाइनली आदमी का परिचय क्या है? उसका प्रमाण ही उसका परिचय है ना? भाषा उसका परिचय नहीं है, उसका प्रमाण ही अर्थात व्यवहार, उत्पादन, अनुभूति। और मैंने जो बाहर से दिखने वाला है वो तो व्यवहार और उत्पादन में उसकी भागीदारी, यही प्रमाण ही परिचय के रूप में है, प्रमाण ही समाधान के रूप में है, प्रमाण ही समृद्धि के रूप में, प्रमाण ही अभयता, इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। तो प्रमाण ही परिचय, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, जागृत जीवन, या प्रमाण ही उपलब्धि, सफलता, अखंड समाज, विधि व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार है। तो जीवन प्रमाण सिद्ध करने के लिए है और इतनी जगह पे वो प्रमाण को प्रमाणित करता है या अपने होने को प्रमाणित करता है, समाधान के रूप में, समृद्धि के रूप में, अभय सहस्तित्व के रूप में, जागृत जीवन के रूप में, अपनी उपलब्धियों के रूप में, सफलता के रूप में, अखंड समाज के रूप में, विधि के रूप में, व्यवस्था के रूप में, सभ्यता के रूप में, संस्कृति के रूप में और संस्कार के रूप में। प्रमाण सिद्ध एवं संपन्न होने तक, होते तक मानव संतुष्ट नहीं है। जब तक वो प्रमाण को प्रस्तुत नहीं कर लेता है संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा में जो गति क्रिया है वो प्रमाणित अनुभव और प्रमाण, तो अनुभव उसकी स्थिति क्रिया है और प्रमाण उसकी गति क्रिया है। तो प्रमाण सिद्ध एवं संपन्न, प्रमाण जब तक ना हो जाए तब तक मानव संतुष्ट नहीं है। प्रमाण सिद्धि पांचों स्थितियों में मानवीय तथा अति मानवीयता की सीमा, जो तो पांचों स्थितियां हैं अर्थात व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, पांचों स्थितियों में प्रमाण सिद्धि, प्रमाण की सफलता तो मानवीयता और अति मानवीयता की सीमा में, अमानवीयता की सीमा में संभव नहीं है। और अमानवीयता की सीमा में प्रमाण प्रमाणित नहीं कर पाता है इस चीज को, मध्यस्थता को और समाधान समृद्धि को, अपने सुखी होने के प्रमाण को, प्रमाणित अमानवीयता की सीमा में नहीं हो पाता है। और तात्र से अधिक मानव के लिए प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव करने के लिए कुछ भी नहीं है। और यही तीनों चीजें होती हैं, मानवीयता, अति मानवीयता और अमानवीयता। तो इससे अधिक होता नहीं है, इन्हीं तीन में से कहीं ना कहीं मानव पाया जाता है और मानवीयता और अति मानवीयता में वो सफल हो जाता है, अमानवीयता में ये सफलता नहीं मिलती है। इसलिए जब तक सफलता नहीं है तब तक संतुष्टि नहीं है, अर्थात सफल होकर के ही मानव रुकेगा। इसीलिए कह रहे हैं जागृति निश्चित है ना? मानव में संस्कार ही विचार एवं आचरण है, यही सम्यकता के लिए अपेक्षा है। मीना दीदी को नमस्कार, है ना, ये बढ़िया, मेरा सौभाग्य, मीना दीदी जुड़ी हुई है। मानव में संस्कार ही विचार एवं आचरण है, यही सम्यकता के लिए अपेक्षा है। तो मानव में संस्कार जो है वही विचार एवं आचरण है ना। तो जो अपनी पहले भी बात हुई है ना, फाइनली विचारों में जो प्रकट होता है, क्योंकि यदि आपको ध्यान हो तो एक जगह आया था जब श्री राम भाई इसको प्रेजेंट कर रहे थे कि बाबा की सारी अभिव्यक्ति है ना अनुभव मूलक है। तो एक्चुअली जब भ्रमित स्थिति में हम जो विचार कह रहे हैं वो विचार भी नहीं है, बाबा के अनुसार तो न्याय, धर्म और सत्यपूर्ण विचार को ही वो विचार कह रहे हैं, है ना। ये बात ठीक है कि उन्होंने उसके लिए नए शब्द नहीं दिए, जैसे है ना साक्षात्कार और चिंतन है ना, अलग अलग दो किए, तो इसमें भी तो मतलब इतना वो ध्यान रखते उसको विचार ही कहा है। बट सही अर्थों में देखेंगे तो मानव में संस्कार के बाद ही विचार, माने क्योंकि न्याय धर्म सत्य रूपी विचार ही फाइनली विचार है और वही आचरण में आता है, यही सम्यकता के लिए अपेक्षा है। सम्यकता माने पूर्णता के लिए, ऐसी अपेक्षा भी है मानव में। संस्कार की सम्यकता के बिना सामाजिकता की अखंडता। अच्छा, स्क्रीन धुंधली हो रही है, ऐसा कह रहे हैं अभी ठीक है क्या? मानव में
संस्कार ही विचार एवं आचरण है, यही सम्यकता के लिए अपेक्षा है। संस्कार की सम्यकता के बिना सामाजिकता की अखंडता, सार्वभौमिकता, तारतम्यता एवं एक सूत्रता संभव नहीं है। तो जब तक सम्यक रूप में है ना स्थापित नहीं हो जाता हमारे में संस्कार पूर्णता के अर्थ में, तब तक सामाजिकता की अखंडता, सार्वभौमिकता है ना, उसकी उसकी जो लयबद्धता और उसकी एक सूत्रता संभव नहीं होती है। यह मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्वक सफल एवं अमानवीयता की सीमा में असफल है। और ये बार बार इसको ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि ये देखिए, क्योंकि अभ्यास की अनिवार्यता चैप्टर का नाम ही है, और अभ्यास की अनिवार्यता इसीलिए है कि हम मानवीयता और अति मानवीयता में स्थापित हों। इस तरह के तो पहले तो मानवीयता रूपी समाज ही बनेगा है ना, उसके लिए प्रयासरत रहें। अच्छा वसुंधरा बहन कह रही कोई और भी क्या स्क्रीन, क्योंकि मुझे नहीं पता स्क्रीन को कैसे ठीक कर सकते हैं सफा इसका है ना, तो उसको कारण होगा, ओह एक कारण हो सकता है, मैंने इसको चार्ज में नहीं लगाया, बिल्कुल ठीक है, इसको इसको ट्राई करके देख लेते हैं। मैं इसकी बैटरी से ही काम चला रहा था, बट ये बिल्कुल ठीक है, इसको मैं चार्ज में लगा देता हूँ, शायद उससे फर्क पड़ना चाहिए स्क्रीन पर, अभी चार्जिंग का शायद इफेक्ट आएगा। बढ़िया, तो हाँ वर्ग भेद के निराकरण के लिए, वर्ग भेद के निराकरण के लिए वो पढ़ा नहीं जा रहा है तो और बड़ा फॉन्ट करने से कैसे होगा, अभी ठीक है। हाँ वर्ग भेद के निराकरण के लिए मानवीयता एवं मानवीय मूल्य ही मूलतः आधार है। तो जो वर्ग भेदता है हमारे में, यानी हम जो आपस में है ना वर्गों में बटे रहते हैं है ना, बहुत सारे वर्ग हमने बना रखे हैं, अमीरी गरीबी को लेकर के एक वर्ग है ना, फिर जाति को लेकर के वर्ग भेद है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसको लेकर के वर्ग भेद है, ऐसे कई तरह के वर्ग भेद हैं। इसके निराकरण अर्थात अखंडता के लिए, वर्ग भेद का मतलब है हम खंड खंड हैं, टुकड़े टुकड़े में हैं है ना, उसके निराकरण के लिए है ना, तो वर्ग भेद के निराकरण के लिए मानवीयता एवं मानवीय मूल्य ही मूलतः आधार है। तो इसके लिए जो आधार है वो मानवीयता ही आधार है, इसके बिना वर्ग भेद समुदायवाद का अभाव नहीं है। और जब तक मानवीयता और मानवीय मूल्यों से हम स्थापित नहीं हो पाते हैं, इससे कम में है ना हमारे में समुदायवाद का अभाव नहीं हो पाता है और वर्ग भेद बना ही रहता है, और जब तक वर्ग भेद बना हुआ है युद्ध संभावना से भी मुक्ति नहीं है। तो जब हम वर्ग में बटे रहेंगे, खंड में बटे रहेंगे, राष्ट्र की सीमाओं में नेशनलिज्म में, ऐसे तो एक बहुत बड़ी मानव जाति ने लीप फॉरवर्ड किया है कि हम नेशनलिटी की फीलिंग में आए हैं, लेकिन इसको भी फाइनली धरती के अखंडता के रूप में विलय होना होगा, तभी हम युद्ध की संभावना से मुक्त हो पाएंगे। क्यों मुक्त होना है? क्योंकि युद्ध मानव का अभीष्ट या अभीष्ट साधन नहीं है ना? तो मानव युद्ध नहीं चाहता है, इसलिए इससे युद्ध से हमें मुक्त होना होगा है ना। और जब तक वर्ग भेद बना हुआ है ना, जाति भेद बना हुआ है, राष्ट्र भेद बना हुआ है, तब तक इससे मुक्ति नहीं है। इसलिए हम सबको इसके लिए काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब अभ्यास करना होगा, अभ्यास पूर्वक अपने में संस्कारों को स्थापित करना होगा। यदि हम ये चाहते हैं, देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है, और सुनील आगीवाल जी कई बार हम मतलब ये चर्चाएं होती रहती हैं पर्सनल लेवल पर, कि हम यदि युद्ध से मुक्ति चाहते हैं तो उसका रास्ता अध्ययन है ना, उसमें मनुष्य को संस्कारित होना होगा, विधि उसमें स्थापित होनी पड़ेगी है ना। तो ये अध्ययन से ही निकल के आएगा, शिक्षा संस्कार से निकल के आएगा ना, सामाजिकता से निकल के आएगा। यहाँ ये बता रहे हैं कि यदि युद्ध संभावना से मुक्ति चाहिए, जो कि हमारा इष्ट नहीं है, तो उसके लिए हमें मानवीयता और मानवीय मूल्यों को स्थापित होना होगा, जो अध्ययन के माध्यम से, शिक्षा संस्कार के माध्यम, व्यवस्था के माध्यम से हो सकता है। तो बहुत सारे सीमिंगली जो हमारी समस्याएं हैं सामाजिक लेवल पर, उन सब के उत्तर यदि मैंने, ऑफकोर्स थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये गति स्लो रहेगी, बट बार बार हम जो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं है ना, चाहे वो इकोलॉजी में कर रहे हों, चाहे वो एनवायरमेंट में कर रहे हों, चाहे वो समाज में सस्टेनेबिलिटी यदि हमें चाहिए, तो हर मानव में विधि की
संस्कृति की, संस्कार की स्थापना होने होगी। इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं लगता मुझे रास्ता, है ना, कि अब स्पेशली जो इंटरनेट के आने से जो गति बढ़ी है ना, हम लोग बहुत तेज़ी से, यदि हम सब अपनी ऊर्जाओं को चैनलाइज करेंगे, है ना, तो हमें, मुझे लगता है कि अब इतना समय भी नहीं लगेगा, हम लोग एक अच्छी स्थिति में, बहुत ही समर्थ वर्ग इसमें जुड़ा है। और ये भी एक अच्छी बात है कि नॉर्मली किसी भी अनुसंधान में, है ना, जो जिज्ञासु लोग हैं, समर्थ वर्ग है, वही किसी चीज़ को ले जाने के लिए, धारक बाहक होने के लिए अपने को अर्पित करता है, समर्पित करता है। तो मुझे लगता है कि अब इतना समय नहीं लगेगा और ये गति से, मतलब तो मैं, मुझे लगता है कि ठीक ठीक गति है, जैसा कि हमने सुबह चर्चा की। मानव जाति एवं धर्म एक ही है। देखिए यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं कि मानव जाति, क्योंकि इसलिए वर्ग, जो वर्ग भेद हमने मानव में कई जातियों के आधार पर कर रखे हैं, तो मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है, है ना। मानव धर्म की अपन चर्चा कर चुके हैं कि फाइनली मानव धर्म जो है वो सुख धर्मी है। मानव या धर्म को कह रहे हैं कि जो धारणा है, जिसको, जिससे बहुत ही गजब की बाबा ने, मतलब पूरा धर्म की पूरी भाषा वो उसका अर्थ ही बदल दिया है, माने उसको यूं कहें कि सही अर्थ में परिभाषित कर दिया है। क्योंकि पहले बोलते थे कि धारण एतिता सा धर्मा, मतलब जिसको धारण किया जा सके, तो बाबा ने कहा जिसको यदि धारण करते हैं माने उतार भी सकते हैं, ऐसा धर्म हो गया। इसी सिद्धांत के आधार पर धर्म परिवर्तन की बात होती है कि आज मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, कल मैं चाहूँ तो अपना धर्म बदल सकता हूँ। जबकि यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जो धारणा है, अर्थात धारणा को उन्होंने डिफाइन किया कि जो धारण एतित सा धर्म नहीं है कि धारण करते हैं, बल्कि धारणा वो है जिससे जिसका विलगीकरण ही संभव ना हो। क्या अलग जबरदस्त, उसको जब देखा अस्तित्व में, तो अस्तित्व में पाया कि जिसको जिससे अलग ना कर सकें वही उसका धर्म है। तो मानव का ही धर्म नहीं होता है बल्कि पदार्थ का भी धर्म है, जिसको अस्तित्व धर्मी कह रहे हैं, है ना। प्राण अवस्था का भी धर्म है, अस्तित्व के साथ साथ पुष्टि धर्म है। जीव अवस्था का भी धर्म है, पुष्टि धर्म के साथ साथ, अस्तित्व धर्म पुष्टि धर्म के साथ साथ जीने की आशा के रूप में धर्म है। और मानव को सुख की आशा से अलग नहीं कर सकते। हर मानव, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी देश दिशा काल में पाया जाता हो, किसी भी माने धरती पर हो, है ना, किसी भी भूखंड में पाया जाता हो, वो सुख धर्मी ही है। इस अर्थ में धारणा का मतलब है, या धर्म का मतलब है, जिससे जिसको अलग ना कर सकें। तो मानव जाति ही एक है और धर्म भी एक है। मानव जाति को किस अर्थ में एक कहा, इसमें यदि कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजी या इस तरह सब्जेक्ट में देखेंगे तो जातियों को जो वर्गीकरण है, क्योंकि पशुओं में बहुत सारी जातियां हैं, तो जाति का एक वर्गीकरण इस आधार पर देते हैं कि उनमें जो प्रजनन होता है उससे जो प्रोजनी, मतलब जो अगली माने अवस्था, बच्चे पैदा होते हैं, यदि वो भी प्रजनन और बच्चे पैदा कर सकें, इस अर्थ पे उसको हम जाति का निर्धारण करते हैं। इस अर्थ में जातियों को पहचानते हैं, है ना। इसीलिए जो पशुओं में, एक मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा था अभी, जो होमो सेपियंस एक बुक है ना, सेपियंस शायद, तो उसमें वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जो घोड़ा है और जो गधा है, ये अलग अलग जाति का है, क्योंकि इनकी यदि मेटिंग कराते हैं, इनके प्रजनन से जो प्रोजनी, जो अगली अवस्था आती है, वो नपुंसक रहती है, वो फर्दर बच्चों को पैदा नहीं कर पाती है। तो मानव में इस अर्थ में भी देखेंगे तो जाति एक है, चाहे वो किसी भी देश के हों, यूरोपियन हों, अमेरिकन हों, हिंदुस्तानी हों, पाकिस्तानी हों, किसी भी धर्म माने अभी आज के प्रचलित धर्म को मानने वाले हों, इनमें जो प्रजनन क्रिया से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें बच्चे पैदा करने की ताकत रहती है। तो बायोलॉजिकली अर्थ में भी देखेंगे, यदि विज्ञान को भी ठीक से अध्ययन करेंगे, तो मानव जाति एक ही निकल के आती है, है ना। और बाबा इस अर्थ में भी कह रहे हैं कि जो मानव जाति एक, इस अर्थ में भी है कि ये जो मानव का समृद्धिपूर्ण मेधस है, ये जो मानव की डिजाइन है, ये बेसिकली जागृति को व्यक्त करने के अर्थ में है। और चाहे वो 5 फुट का मानव हो, चाहे 8 फुट, 6 फुट का हो, चाहे 4.5 फुट का रह गया हो, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, है ना, ये सभी मानव, है ना, चाहे उसकी नाक चपटी वाला, मतलब मंगोलियन और इस तरह के जो नस्ल भेद वाले हों, सभी, है ना, ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, उस पूरे जीवन की जागृति को, अर्थात इस सच्चाइयों को पूरी तरह उद्घाटित करने में सफल है। इस अर्थ में भी बाबा कह रहे हैं कि मानव जाति एक है, है ना। तो शरीर में विविधता के आधार पर मानव में जातियों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और धर्म तो एक है ही है, क्योंकि हर मनुष्य सुख धर्मी है। इस तरह से ये जो माने जितने भी हमारे में ये जो डिवीजन का, वर्ग का भेद बना हुआ है, उससे हम इसको अच्छे मन लगा के विचार करने से
है ना, हमारे में चित्रित होता है, साक्षात्कार होता है, ये संस्कार बनता है, समझ में आता है कि मानव जाति और धर्म एक ही है। इस चिंतन का उदय होना जरूर आवश्यक है। तो इस चिंतन का उदय क्यों? क्योंकि यदि युद्ध संभावना से हमें मुक्ति चाहिए तब, है ना, क्योंकि युद्ध मानव का अभीष्ट नहीं है, उस अर्थ में इस चिंतन को यहाँ पर रखा है। तो मानव जाति एक और धर्म एक ही है, इस चिंतन का उदय तथा अधिक उत्पादन एवं उपयोग सदुपयोग व्यवस्था पद्धति की संपन्नता ही मानवीयतापूर्ण जीवन में आश्वस्त होने का मुख्य आधार है। तो मानव में चूंकि दो चीजें हैं, शरीर भी परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है, तो शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, है ना, अधिक उत्पादन और उसका उपयोग और सदुपयोग यदि कर सकें। एक्चुअली देखेंगे तो आज भी धरती पर जितनी मानव जाति की आवश्यकता है उससे ऐसा बताते हैं कि 2 गुना 3 गुना उत्पादन होता है ना, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग है ना भूख से उनको अपने को अंडर नरिश्ड या मेल नरिश्ड पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हम अधिक उत्पादन करें जो कि हम करने में समर्थ हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें और सदुपयोग पूर्ण व्यवस्था की स्थापित कर पाएं, उस पद्धति को उससे संपन्न हो पाएं, उसी से मानवीयतापूर्ण जीवन में आश्वस्ति होगी, अर्थात हम अभयता को पा पाएंगे। और आज के कोरोना के टाइम में हम ये देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग है ना, ये अभी एक विडंबना भी, और अब शायद हम सबको ये सोचना भी पड़ेगा कि जिनके पास रहने के लिए है ना उतने साधन नहीं हैं, हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रह पा रहे हैं, है ना, उनके पास सैनिटाइजर तो भूल जाइए, शायद साबुन भी ये बार बार हाथ धोने के लिए नहीं है, तो खाने के, तो ये हम सभी इस डेंजर को महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, है ना, हम सब सहस्तित्व में हैं। एक आदमी दुखी रहेगा और हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम पूरे मानव जाति को ही समृद्ध करने की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे घटनाओं में हम देख ही सकते हैं, लेकिन जब सच्चाइयाँ स्पष्ट होंगी तो ही वो घटनाएं हमारे लिए आगे के लिए मार्गदर्शक हो पाती हैं, प्रेरणा स्रोत हो पाती हैं। मानवीयता संपन्न मानव अपेक्षा ही संस्कार एवं व्यवस्था पद्धति का आधार एवं लक्ष्य है। तो मानवीयता संपन्न मानव अपेक्षा ही, तो यदि हमारे में ये अपेक्षा बनती है मानवीयता से संपन्न होने की, यही संस्कार एवं व्यवस्था पद्धति का आधार एवं लक्ष्य है, यही धर्म नीति, अर्थ नीति एवं राज्य नीति का लक्ष्य है ना। तो मानवीयता संपन्न हो जाना ही सारी धर्म नीति, अर्थ नीति और राजनीति का लक्ष्य है। कौन सी राजनीति? आज की धर्म नीति राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, मानवीय जो एग्जिस्टेंशियल डिजाइन है, है ना, अर्थनीति जो कि अपन ने पढ़ी थी चैप्टर 16 में पोषण और शोषण में, है ना, मानव विहार दर्शन के, वहाँ से इसको देखेंगे, है ना। तो अर्थनीति धर्म नीति को कह रहे हैं कि जो सदुपयोगात्मक तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोगात्मक नीति जो है वो धर्म नीति है, और तन मन धन की सुरक्षा, क्योंकि हर मानव अपने तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा चाहता है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य, मतलब उसमें पाए जाने वाला, ये उसमें पाया ही जाता है हर मानव में। इस तरह की धर्म नीति, अर्थ नीति और राज्य नीति की लक्ष्य है, यह मानव जीवन की समग्र नीति है, है ना। ये तीनों नीतियों में एकाकरण, एक सूत्रता होना ही ये समग्र नीति है। तो इस तरह का अभ्यास करना है, तो अभ्यास व्यक्ति में भी होना है, अभ्यास परिवार के लेवल पर भी होना है, अभ्यास समाज के लेवल पर इस तरह की नीतियों को स्थापित करने के रूप में भी होना है ना। अधिक उत्पादन और साथ साथ उपयोग और सदुपयोगात्मक व्यवस्था की भी संपन्न, इन सबके लिए अभ्यास करना है ना। ये इसलिए अभ्यास की अनिवार्यता कह रहे हैं क्योंकि युद्ध विहीन होना है, शोषण विहीन होना है, सुखपूर्वक जीना है, केवल हमें ही नहीं, केवल मेरे परिवार को नहीं बल्कि समाज को, ये मेरी ही कामना है, हम सबकी कामना है, मानव सहज कामना है। चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। हेलो, हाँ जी, अभी फिर से कनेक्ट हो गया है, ये अनेबल टू कनेक्ट टू चैट हो रहा है, समझ गए तो नहीं, उसमें खोल दो, नहीं दो जगह मतलब, है ना, चल रहे तो अपने में देख लो, ठीक चल, है ना, ओके। सो सभी को नमस्कार, आई थिंक वी आर बैक, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक थे, मुझे लगता है 2-3 मिनट का मिस हुआ होगा, है ना, मुझे भी अभी बहुत याद नहीं है कहाँ पर मिस हुआ है। तो मानवीयता के बिना, यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक बार फिर से, है ना, और एक अनएक्सपेक्टेडली कनेक्शन डिसकनेक्ट हुआ, नॉर्मली होता नहीं है, बढ़िया,
तो मानवीयता के बिना मानव जीवन स्वस्थ, विश्वस्त, आश्वस्त, व्यवस्थित, समाधानित एवं स्वतंत्रित नहीं है। तो मानवीयता के बिना मानव जीवन स्वस्थ नहीं है, मतलब मन की स्वस्थता नहीं है, स्वयं के प्रति विश्वास भी नहीं है, परस्परताओं में आश्वस्ति नहीं है, व्यवस्था नहीं है, समाधान नहीं है और स्वतंत्रता नहीं है। यांत्रिकता की सीमा में है ना, यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन की आवश्यकता, संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता की सीमा में सामाजिक मूल्यों की आवश्यकताएं तथा कल्पनाएं हैं, यही अनुभव के लिए संभावना बनी रहती है। तो यदि हम देखेंगे तो यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन की आवश्यकता है ना, तो जो अपन कह रहे थे कि जो यांत्रिकता की सीमा कहाँ तक है, माने जो भौतिक जड़ जगत रासायनिक जगत है उसको कह रहे हैं यांत्रिकता की सीमा। तो यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन ही होता है हमें जड़ जगत का। संज्ञानशीलता, संवेदनता, इनके जब संज्ञानीयता के में संवेदनशीलताएं जब नियंत्रित होती हैं तो सामाजिक मूल्यों की आवश्यकता तथा कल्पनाएं हैं, यही अनुभव के लिए संभावना बनी रहती है, और इस तरह से अनुभव की संभावना उदय होती है। ये अगला बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, क्या कह रहे हैं इसमें कि अनुभव के लिए जो घटनाएं, स्वयं के लिए जो घटनाएं वेदना के कारण हैं वे ही दूसरों के लिए भी हैं, ऐसी स्वीकृत क्षमता ही संवेदना है। तो ये तो हम समझते ही हैं कि यदि किसी मुझे जिन घटनाओं से पीड़ा होती है दूसरों के लिए भी ऐसा ही अपने को समझ में आता है कि यदि इनके साथ ये घटित हो रहा होगा तो ये जो इनको भी पीड़ा हो रही होगी, इसी ऐसी स्वीकृत क्षमता को ही संवेदना कहते हैं, है ना, या पूर्णता के अर्थ में वेदना भी कहा है। इसके अभाव में अर्थात यदि ऐसी संवेदना ना हो मानव में, तो इसके अभाव में मानव जीवन में निहित विशेष मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होना संभव नहीं है। तो ये जो विशेष मूल्य माने मानव में उद्घाटित होते हैं, अर्थात जो ज्ञान की ओर गति होती है, तो ऐसा भी अपन कहते हैं कि संवेदनहीनता से संवेदनशीलता और उसके आगे संज्ञानीयता। तो चूंकि हमें दूसरों के कष्ट को देख करके, दूसरों में जो घटनाएं वेदना के कारण हैं ऐसा देख करके स्वयं में भी वेदना होती है, इसी वजह से हमारे में विशेष मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होना संभव हो पाता है। इसी व्यवस्थावश मानव सामाजिक मूल्यों के आचरण, अनुकरण, अनुसरण एवं अनुशीलन के लिए बाध्य है। तो क्योंकि जब हम किसी को पीड़ा में देखते हैं, है ना, इससे अपने को पीड़ा होती है, इसी से अपने में उदय होता है कि सभी की पीड़ाएं से कैसे मुक्त हों। तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, और जब मैं अपने में भी इस बात को है ना देखता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं प्रयासरत कर रहे हैं समाज में अच्छा करने के, क्योंकि वो पीड़ित हैं वो, लेकिन जो दूसरों में वेदना को देखते हैं और जो अपने में उनमें जो व्यंजित होता है उससे, ये जो दूसरों की दुख और पीड़ा है ना, और ऐसा उनको संभावना दिखती है कि इससे मुक्ति संभव है, इसके लिए भी लोग ऐसा करने जाने के अर्थ में ही अपने में विशेष योग्यताओं का, मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होता है, जिसको अपन ममता, उदारता, कृपा, दया, कृपा है ना, या जो नौ मूल्य शिष्ट मूल्यों की बात कर रहे हैं, या मानवीय मूल्यों की जो बात कर रहे हैं, या ओवरऑल देखेंगे जो 30 मूल्यों की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ऑफकोर्स मानव व्यवहार दर्शन में भी आया हुआ है कि जो दूसरों के कष्ट को देख करके है ना जो पीड़ा होती है, और तो उससे जो मुक्ति होने के लिए, जो सभी इससे मुक्त हो जाएं, इसके लिए जो हमारे में प्रयास है, ऐसी स्वीकृत क्षमता ही संवेदना है। इसके अभाव में यदि हम संवेदनहीन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे माने दर्शन इस तरह लेके लोगों को जा रहे हैं कि यार इस सबको छोड़ो, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, लोग चाहे कैसे भी रहें है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये संवेदनहीनता की ओर जो डिजाइन है ये बहुत उचित नहीं है, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं बहुत क्लियरली कि है ना जो वेदना के कारण है ऐसी घटनाएं, इसी के बस हमारे में सामाजिक मूल्यों के आचरण, अनुसरण और अनुशीलन के लिए हमारी बाध्यता बनती है, हमारे में ऐसा प्रयास होने के लिए एक हमारे में संभावना का उदय होता है, क्योंकि संचेतना ही मानव की विशेषता है ना। तो संचेतना में दोनों चीजें हैं, संवेदना भी है और संज्ञानीयता भी है ना। अब मेरे पास है ना समाउ जब मैंने द्वारा ये कनेक्ट हुआ तो मुझे चैट नहीं दिखाई दे रही है ना, और ये चैट में अब मैं बाद में देख लूंगा, अभी मैं बिना चैट के ही ये इंटरेक्ट अपन चल रहे हैं आगे ना, आपका हम मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, ये पूरी तरह अभी बनवे हो गया है। तो संचेतना ही मानव की विशेषता है, यही विशेषता
तो संचेतना में क्या हुआ, संज्ञानीयता प्लस संवेदनशीलता। तो संचेतना भी से केवल संवेदनशील होने से नहीं चलेगा, वो तो कैसे उसको हम पूरा कर सकें, है ना, उस अर्थ में संज्ञानीयता है, अर्थात ये जो दूसरों में जो वेदना के कारण है उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, या कैसे पॉजिटिवली कहें तो समाधान से सभी युक्त हो सकते हैं। तो यही संचेतना ही मानव की विशेषता है, यही विशेषता समाधान, समन्वयता, तारतम्यता, संतुलन एवं संगीतमयता को पाने का एकमात्र अधिकार है। और ऐसा होने की वजह से ही, है ना, हम समाधान को, समन्वयता को अर्थात एक दूसरे के साथ पूरकता को, है ना, उपयोगता को, तारतम्यता को, संगीत को, संतुलन को पाने के लिए हम पा पाते हैं संज्ञानीयता के अर्थ में, जब हमारी संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं तब। प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, ममता, स्नेह, विश्वास, गौरव एवं कृतज्ञता संज्ञानशीलता का प्रत्यक्ष रूप है। तो जो अभी अपन ने बात की कि इस वेदना से मुक्ति के लिए मानव जीवन में निहित विशेष मूल्यों का प्रयोजन, तो कौन से मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होता है, तो प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, ममता, सम्मान, ये जो स्थापित मूल्य हैं ये संज्ञानीयता में हमारे में स्पष्ट होते हैं, क्योंकि इनके बिना सामाजिक व्यवहार संपन्न होना संभव नहीं है, इनके आधार पर ही सामाजिक व्यवहार संभव हो पाता है। जड़ प्रक्रिया में अर्थात भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में गति एवं चैतन्य क्रिया में संचेतना ही प्रधान अभिव्यक्ति है। जड़ प्रक्रिया में गति, तो जड़ में क्या है प्रधान चीज, गति, जबकि चैतन्य क्रिया में संचेतना ही प्रधान अभिव्यक्ति है, अर्थात ये जो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है, या संज्ञानीयता में संवेदनाओं का नियंत्रित होकर के व्यक्त होना है, ये प्रधान चीज है चैतन्यता में, है ना, चैतन्य इकाई में। चैतन्य क्रिया में, अभी क्यों अंतर कर रहे हैं इसको, कंपनात्मक गति से व्यक्त कर रहे हैं, चैतन्य क्रिया में कंपनात्मक गति ही संचेतना एवं वर्तुलात्मक गति ही यांत्रिकता है। तो चैतन्य क्रिया में कंपनात्मक गति, ऐसा भी कह रहे हैं कि कंपनात्मक गति का बढ़ जाना ही, है ना, हमारे में संज्ञानशीलता के बढ़ने के साथ पता व्यक्त होता है। तो चैतन्य क्रिया में कंपनात्मक गति ही संचेतना एवं वर्तुलात्मक गति ही यांत्रिकता है। इसी सत्यता बस मानव संचेतनशीलता की मौलिकता को अनुसरण करने के लिए विवश है, है ना, इसलिए संचेतनशीलता की मौलिकता को अभिव्यक्त करने के लिए, अनुसरण करने के लिए उसमें बाध्यता है। वास्तविकता एवं समझने का अवसर, संभावना एवं क्षमता मानव में किसी ना किसी अंश में पाई ही जाती है, जो स्पष्ट है, हर व्यक्ति में संभावना पाई ही जाती है, है ना, और भले ही वो आंशिक रूप में हो, यहां से ही वो दरवाजा खुलता है कि उसको और विशालता की ओर ले जाया जा सकता है। यांत्रिक प्रक्रिया में आस्वादन, संचेतनशील क्रिया में स्वागत पद्धति स्थापित पाई जाती है। तो यांत्रिक प्रक्रिया में आस्वादन पाया जाता है और संचेतनशील क्रिया में स्वागत पद्धति, जिसको मैं कह रहा था अपने ज्ञान से नियंत्रित होने वाली पद्धति पाई जाती है। अनुमान क्षमता ही प्रत्यक्ष रूप में स्वागत पद्धति, वास्तविकता एवं अनिवार्यता है। तो फाइनली जो बात हुई थी कि क्योंकि मानव में अनुमान क्षमता है, अनुमान क्षमता ही प्रत्यक्ष रूप में स्वागत पद्धति, वास्तविकता एवं अनिवार्यता है। सामान्यतः अनुमान ही भास, आभास एवं प्रतीति के रूप में साम्यतः पाया जाता है। तो माने अनुमान से ही हमें, जो अपनी पहले भी इस पे चर्चा हुई कि जो भास, आभास और प्रतीति, अर्थात सच्चाइयों का जो भास होना है, सच्चाइयों की जो में जो तर्क संगतता है, और सच्चाइयों की जो प्रतीति अर्थात साक्षात्कार और अवधारणा बननी है, ये अनुमान से ही या कल्पना में सच्चाइयों के चित्रित होने से फलस्वरूप होता है। यही अधिकार, अवसर, उपयोगिता, उपादेयता तथा अनिवार्यता बस ही प्रमाण तरह के रूप में सिद्ध होता है, और यही फाइनली हमारे में अधिकार के रूप में, अवसर के रूप में, उपयोगिता के रूप में, उपादेयता के रूप में, और अनिवार्यता बस प्रमाण त्रय, है ना, जिनको अपन अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण के रूप में सिद्ध होता है। इसकी शिक्षा व व्यवस्था पूर्वक इसका सामान्यीकरण, जो जन सामान्यीकरण है, लोक व्यापीकरण है, वो शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक ही होता है, जो कि प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है मतलब
ऐसा ही नियम है प्रकृति में या सहस्तित्व में, इसी ढंग से माने उसका जो लोक व्यापीकरण है वह शिक्षा और व्यवस्था के ढंग से ही होना पाया जाता है, ऐसा ही नियम है, इसी को प्रसिद्ध कह रहे हैं जो बीनू भाई सुबह के सत्र में पूछ रहे थे। मानव अखंड समाज सामाजिकता को पाने के लिए जड़ चैतन्य प्रकृति में निहित मूल्यों को पूर्णतया श्रवण अध्ययन अवगाहन मनन चिंतन एवं अनुभव पूर्वक व्यवहार एवं उत्पादन में लाने के लिए प्रेरित है। इसका निर्वाह ही जीवन में सफलता उपलब्धि समृद्धि एवं समाधान है। तो मानव अखंड सामाजिकता को पाने के लिए जड़ चैतन्य प्रकृति में जो निहित मूल्यों को पूर्णतया मानव में वो ताकत है, इसको श्रवण पूर्वक अध्ययन पूर्वक अपने अवगाहन में माने जो इसमें मनन है ना, श्रवण और मनन जो ये जो अध्ययन अवगाहन और मनन जो कह रहे हैं जिसको साक्षात्कार की स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, और फिर चिंतन एवं अनुभव पूर्वक व्यवहार एवं उत्पादन में लाने के लिए प्रेरित है, इसका निर्वाह ही जीवन में सफलता उपलब्धि समृद्धि एवं समाधान है। बाध्यता या अनिवार्यता से विमुख होना ही पराभव या असफलता है। तो ये जो बाध्यता है इस चीज की सच्चाइयों को समझने की अनुभव करने की, इससे विमुख होना, इस अनिवार्यता की ओर ध्यान ना देना है ना, इससे हम इससे जो विमुख होते हैं इसके लिए जो पुरुषार्थ प्रयास नहीं करना ही पराभव है या यही असफलता है। अनिवार्यता ही बेसिकली वास्तविकता वस्तु स्थिति सत्यता व्यवस्था जागृति सहजता या एवं अनिवार्यता है। तो इन सब चीज़ों को समझना ही अनिवार्यता है हमारे में, और इससे विमुख होना ही पराभव है या यही मानव जीवन की असफलता भी है। तो हम पूरा समय निकाल देते हैं भले ही 80 साल 100 साल जिए, लेकिन यदि हम सच्चाइयों को ठीक से नहीं समझ पाए, फलस्वरूप सुख समाधान समृद्धि को प्रमाणित नहीं कर पाए, तो ये फाइनली एक हमारी विफलता ही है या पराभव ही है या हम असफल हो गए, भले ही हमने बहुत सारा है ना मैंने सामग्री इकट्ठी कर ली हो, लेकिन जीवन की सफलता तो समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व को प्रमाणित करने में ही है या सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीने में ही है। मानव में पाई जाने वाली अति मानवीयता समाधान एवं अखंडता के रूप में, मानवीयता एक सूत्रता व समन्वयता के रूप में तथा अमानवीयता परस्पर वैविध्यता व विरोध के रूप में दृष्टव्य है ना। तो ये बहुत क्लियर है, जब अमानवीयता तो हमारे में परस्पर में विविधता और विरोध के रूप में है, मानवीयता में भी विविधता है लेकिन वहाँ एक सूत्रता है। विविधता किस अर्थ में है कि हमारे कर्म अनेक हो सकते हैं है ना, कोई शिक्षा के काम में काम करेगा, कोई उत्पादन प्रधान रूप में काम करेगा, कोई स्वास्थ्य प्रधान रूप में काम करेगा, कोई विनिमय प्रधान रूप में काम करेगा, तो इस अर्थ में, लेकिन उसमें क्या होगी, एक सूत्रता व समन्वयता के रूप में रहेगी। और मानव में पाए जाने वाली अति मानवीयता समाधान एवं अखंडता के रूप में, मानवीयता एक सूत्रता और समन्वयता के रूप में, और अमानवीयता परस्पर विविधता और विरोध के रूप में दृष्टव्य है। जागृत मानव स्वभाव इष्ट प्रवृत्ति वृत्ति तथा निर्वृत्ति शिक्षा तथा व्यवस्था प्रबुद्धता व अनुसंधान इन सब का क्रमशः तात्रय के लक्ष्य पर आधारित पाया जाता है। तो मानव में जो भी जिसको भी वो इष्ट मानता है तो ये तात्रय के आधार पर है। क्या मतलब हुआ, या तो हम अमानवीयता को इष्ट मान लेते हैं माने सुविधा संग्रह भोग अतिभोग बहुभोग है ना, या आहार निद्रा भय प्रजनन, इनको इन इसकी सीमा में जो विषय स्वभाव विषय प्रवृत्तियों को हम मान लेते हैं इष्ट, या फिर हम मानवीयता के विषय स्वभावों को इष्ट मानते हैं। इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर ही मानव में जागृत मानव का स्वभाव इष्ट प्रवृत्ति वृत्ति तथा निर्वृत्ति शिक्षा तथा व्यवस्था प्रबुद्धता व अनुसंधान इन सब का क्रमशः तात्रय के लक्ष्य पर आधारित होना पाया जाता है। तो मूल में यदि देखेंगे तो हमारे में लक्ष्य की शिफ्टिंग होनी है ना, जो मानवीय लक्ष्य और अति मानवीय लक्ष्यों की स्थापना होनी है, वो एक बार स्थापित होता है अर्थात स्वीकृत हो जाता है ना, उसके अनुसार फिर हमारे में बाकी चीजें परिवर्तित होना शुरू होती है या उनकी ओर प्रयास शुरू होता है। तो प्रवृत्तियां भोगों के उपलक्ष्य में, वृत्तियां सामाजिकता की सीमा में एवं निर्वृत्तियां अनुभव में व्यस्त व्यवस्थित एवं ओतप्रोत। तो यहाँ पे चूंकि ये परंपरा में
प्रवृत्ति वृत्ति और निवृत्ति है ना, निवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बोला है। वहां पर निवृत्ति हर चीज से अपने ध्यान को मतलब हटा लेना है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो निवृत्ति है वो अनुभव में व्यस्त और व्यवस्थित एवं ओतप्रोत पाई जाती है। अवधारणा में भी सामाजिकता का उद्घाटन है और ऐसी इकाइयां जो हैं वो सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होती हैं। तो इस ढंग से यहाँ पर निवृत्ति जो है समाज में व्यवस्था को स्थापित करने के अर्थ में निवृत्त हुए हैं, या यूं कहें तो स्वार्थ से निवृत्ति है ना, और परार्थ में वृत्ति माने परमार्थ में जुड़ जाना ही निवृत्ति है, और स्वार्थ ही बेसिकली प्रवृत्ति के रूप में है, और वृत्तियां परार्थ या संज्ञानीयता में संवेदनाओं के नियंत्रण के रूप में जो मानव में पाई जाती है। अनुभव तो बेसिकली बाबा ने क्या किया कि बहुत सारे प्रचलित जो चीजें थी उनको ठीक से उद्घाटित या उसको परिभाषित करके उसको एक जगह उनको जैसा अस्तित्व में है उस अर्थ में उसको परिभाषित कर दिया है। अनुभव केवल वस्तु स्थिति सत्य वस्तुगत सत्य एवं स्थिति पूर्ण सत्य ही है। अनुभूति ही मानव का आध्यांत लक्ष्य है, आदि से लेके अंत तक माने कुल मिला के लक्ष्य जो है वो अनुभूति ही है। यही इसकी अनुभूति प्रमाणित अनुभव को प्रमाणित करने के क्रम में जो अनुभूतियां हो रही हैं वो अनुभूति की, नहीं तो फिर से हमें अनुभव ही लक्ष्य नहीं मान लें है ना। तो अनुभव स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अनुभूति ही मानव का आध्यांत लक्ष्य है। यही जागृति बाध्यता तथा अनिवार्यता का को प्रसवित करता है ना। तो इसी से हमारे में जागृति के लिए बाध्यता, क्योंकि जो जो श्रेष्ठ मानव हैं जो इसको पा चुके हैं उनके संपर्क में आने से हमारे में जागृति की ओर बाध्यता माने एक हमारे में उत्सव पूर्वक स्वयं स्फूर्त स्वीकार होता है कि इसको हमें पाना चाहिए। उस तो उसकी जागृति की बाध्यता तथा अनिवार्यता को प्रसवित करता है। तो एक मानव जो अनुभूत संपन्न हो जाता है तो दूसरों में इसके प्रसव के लिए कारण बनता है। इसलिए व्यवस्था प्रक्रिया पद्धति प्रणाली एवं नीति की अनुसंधान एवं अनुसरण के लिए संकल्प इच्छा विचार व आशा का प्रवर्तन है। और इसी के लिए है ना व्यवस्था प्रक्रिया पद्धति प्रणाली एवं नीति की अनुसंधान एवं अनुसरण के लिए ही संकल्प इच्छा विचार व आशा का प्रवर्तन है। फलतः उत्पादन व्यवहार तथा अनुभूति की चरितार्थता होती है। तो उत्पादन में भी सफल होते हैं, व्यवहार में भी सफल होते हैं और अनुभूति में भी सफल होते हैं। मध्यस्थ क्रिया की गरिमा ही अनुभव एवं अनुभव में निष्ठा में से के लिए प्रयास है। तो मध्यस्थ क्रिया की गरिमा ही अनुभव एवं अनुभव में निष्ठा में से के लिए प्रयास है। यही जागृति क्रम श्रृंखला तथा स्थितिबत्ता का द्योतक है। तो एक बार क्योंकि कमेंट्स तो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, मध्यस्थ क्रिया की गरिमा ही अनुभव एवं अनुभव में निष्ठा में से के लिए प्रयास है। यही जागृति क्रम श्रृंखला तथा स्थिति वत्या का द्योतक है। फाइनली मध्यस्थ क्रिया की स्थापना होना है। ये जो हमारे में सारा मन वृत्ति चित्त बुद्धि इच्छा मन वृत्ति चित्त बुद्धि जो उससे उससे अलाइन होती है अनुभव से और फिर इसको जीने में प्रमाणित करती है, यही निष्ठा में से के लिए इसी के लिए प्रयास है। यही जागृति क्रम श्रृंखला है। मध्यस्थ क्रिया में ही अनुभव में प्रवृत्त रहने अनुभव से प्रभावित होने और प्रभावित करने का, देखिए अब क्या बात कर रहे हैं, हर एक का एक अपना अपना रोल है। तो आत्मा का क्या रोल है, तो आत्मा का जो प्रवृत्त है अनुभव में ही प्रवृत्त रहने अनुभव से प्रभावित होने और प्रभावित करने तथा अनुभव के लिए जागृतशील रहने की संभावना एवं अवसर है। किसमें, आत्मा में, क्योंकि अनुभव आत्मा में ही होता है। इसको कह भी रहे हैं कि मन रसज्ञ है ना, वृत्ति तत्व के लिए प्रयास करता रहता है, चित्त जो है वो सच्चाइयों को समझने के लिए है ना चिंतन के लिए प्रयासशील है, बुद्धि सच्चाइयों को पाने के लिए प्रयासशील है, ऐसे ही आत्मा अनुभव के लिए प्रयासशील है। तो क्योंकि आत्मा मध्यस्थ क्रिया में ही अनुभव में प्रवृत्त रहने अनुभव से प्रभावित होने और प्रभावित करने तथा अनुभव के लिए जागृतशील रहने की संभावना एवं अवसर है। क्योंकि अनुभव आत्मा में ही होता है, अनुभव मध्यस्थ है, यह मनुष्य के उत्पादन में नियम व्यवहार में न्याय विचार में समाधान एवं अनुभव मात्र में सत्य है तथा साथ ही मानव जीवन में से के लिए प्रमाण भी है। सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित हैं ही, साथ ही अनुसरण अनुकरण एवं अनुगमन के लिए भी बाध्य है।
मानव जीवन में से के लिए प्रमाण भी है, सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित है, यानी मध्यस्थ सम विषम फाइनली मध्यस्थ में विलय हो जाती हैं, मध्यस्थ क्रिया की ही स्थापना होती है, प्रतिष्ठा होती है, और उस अर्थ में मध्यस्थ सत्ता ही प्रतिष्ठित है। तो इस अर्थ में सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित हैं, और ऐसा जैसा कि मैंने उदाहरण के रूप में कहा था कि देखिए नॉर्मल स्थितियों में भी किसी भी आवेश की निरंतरता नहीं पाई जाती है ना, आवेश मुक्त स्थिति की ही स्वभाव गति की ही निरंतरता होती है। अर्थात हम बहुत अधिक समय तक हम बहुत गुस्से में नहीं रह पाते हैं, मद में नहीं रह पाते हैं, है ना, क्रोध और मत्सर में मन ईर्ष्या द्वेष में नहीं रह पाते हैं, ये समन होता ही है इनका। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा में जो मध्यस्थ क्रिया है उसके प्रभाव स्वरूप हमारे में आवेश स्वयं स्फूर्त रूप में हमारे में समन होता है, क्योंकि मध्यस्थ क्रिया की ही स्थापना होती है, और सही अर्थों में जागृति में ये मध्यस्थ प्रभावी हो जाता है, आंशिकता में ये प्रभाव भी हमें दिखाई देता ही है। तो सम और विषम क्रियाएं मध्यस्थ क्रिया से अनुशासित हैं ही, साथ ही अनुसरण अनुकरण व अनुगमन के लिए भी बाध्य हैं, वे फाइनली उसका अनुसरण करते हैं और अनुकरण करते हैं और अनुगमन माने उस रास्ते पे चल देते हैं, ये क्रिया पाई जाती है। प्रकृति की का मध्यस्थ सत्ता में संप्रक्त अधिकार ही क्रिया विकास एवं जागृति के लिए कारण है। और क्यों हो रहा है ये सारा? क्योंकि हम मध्यस्थ सत्ता में होने की वजह से ही आत्मा में मध्यस्थ क्रिया है और ये फलस्वरूप उस तरफ गति है। इसलिए यहाँ पर जो मध्यस्थ सत्ता की जो महत्ता है, जिसको हम कारण और महाकारण कह रहे हैं सहस्तित्व को, तो उसमें जो संप्रक्तता बस ही प्रकृति का मध्यस्थ सत्ता में संप्रक्तता के बस ही उसमें क्रिया, और क्रिया में श्रम गति परिणाम, और परिणाम के अमृत स्वरूप विकास, और श्रम के विश्राम के लिए जागृति, और गति के गंतव्य के लिए जागृति पूर्णता, ये उसका कारण है। जागृति पूर्वक पाए जाने वाला चरम उत्कर्ष अधिकारी ही अनुभव है, यही मध्यस्थ क्रिया की आरूणता है, है ना। ऐसी अर्हता पर्यंत जागृतिशीलता बनी ही रहती है, इसको यहाँ आकर्षण करा रहे हैं। अनुभव एवं समाधान, चैतन्य प्रकृति में चरितार्थ हुआ है, ना कि जड़ क्रिया में। तो कहीं भी ऐसा नहीं पाया जाता कि भौतिक रसायन के आदि की पेड़ पौधे है ना, या शरीर में कोई जड़ जगत में अनुभव के लिए प्रेरणा प्रयास ऐसा नहीं पाया जाता, या समाधान के लिए कि समस्या ग्रस्त हो गया या पेड़ बैठा हुआ है कि कैसे समाधानित होंगे, ये क्रिया जड़ जगत में नहीं पाई जा रही है, चैतन्य प्रकृति में भी ही यह चरितार्थ होता है। चैतन्य प्रकृति का परिमार्जन कैसे चरितार्थ होता है? क्योंकि चैतन्य प्रकृति का परिमार्जन संस्कार पूर्वक होता है, स्वभाव दृष्टि प्रवृत्ति वृत्ति एवं निवृत्ति के रूप में प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष है, जिसकी सम्यक्ता अर्थात पूर्णता की कामना व प्रयास है। तो चैतन्य प्रकृति का परिमार्जन संस्कार पूर्वक होता है, ये अपन पहले बात कर चुके हैं, है ना, जो संस्कार होने से हमारे में परिमार्जन होता है, और उसी से स्वभाव दृष्टि प्रवृत्ति वृत्ति एवं निवृत्ति के रूप में प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष है, जिसकी सम्यक्ता जिसकी पूर्णता की कामना मानव में पाई जाती है, केवल कामना ही नहीं पाई जाती, उसके लिए प्रयास भी दिखाई देता है। जागृति के क्रम में न्याय की याचना व कामना को आचरण में स्वीकारने एवं उसमें निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही सम्यक संस्कार है। तो जागृति के क्रम में न्याय की याचना व कामना को आचरण में स्वीकारने एवं उसमें निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही है ना। तो न्याय की जो जो अपनी उस बात हुई थी कि माने बच्चा जो है जन्म से ही न्याय का याचक है ना, उसमें जो सही कार्य व्यवहार करने की जो इच्छा है, और सत्य को पहचानने के लिए जो सत्य वक्ता तो है लेकिन सत्य का ज्ञान होना है, इस कामना याचना और कामना को आचरण में स्वीकारने एवं उसमें निष्ठा प्रकट करने की क्षमता ही, और वहां तक पहुंचने तक ही ये सम्यक संस्कार है। तो सम्यक संस्कार होने से न्याय की याचना जो है जब उसकी स्वीकृति हो जाती है, अर्थात न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न हो जाता है, और यही वर्ग बंधन से मुक्ति है। जो अपन ने पहले देखा था कि जो वर्ग बंधन था या वर्गीयता थी, उससे युद्ध की संभावना थी, ये वर्ग बंधन से मुक्त हो जाता है, और फलस्वरूप अखंड सामाजिकता का उदय होता है, यही इसका प्रधान लक्षण भी है। तो संपूर्ण आस्वादन
जड़ शरीर के लिए पोषक या शोषक सिद्ध हुए हैं, है ना। तो जितना भी जो आस्वादन है अर्थात भौतिक रासायनिक क्रिया में जो होता है वो जड़ शरीर, उसका इतना ही उपयोग हो सकता है, या तो वो जड़ शरीर के लिए पोषक हो या शोषक, क्योंकि सारा भौतिक रासायनिक संसार की सीमा भौतिक रासायनिक को ही प्रभावित करती है। इस तरह से आत्मा अनुभव से प्रभावित होता है और अनुभव को प्रभावित करता है, इसी तरह से संपूर्ण आस्वादन जड़ शरीर के लिए, क्यों जड़ शरीर तक ही वो उसको प्रभावित कर पाता है और पोषक या शोषक रूप में ही सिद्ध हुआ है। संपूर्ण स्वागत क्रियाएं चैतन्य सीमांतवर्ती उपाधि हैं जो संस्कार है, और जो बाकी का जो गुण स्वभाव स्वभाव और धर्म है वो चैतन्य सीमावर्ती है और यही संस्कार के रूप में स्थापित होता है। यही शिक्षा अध्ययन अनुसंधान व अनुभूति है जिसके बिना मानव जीवन की सफलता सिद्ध नहीं होती है। जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना, ये एक और अभ्यास का लिए सूत्र दे रहे हैं, यही अभ्यास है। तो फाइनली हम बहुत सारी चीज़ों को माने हुए हैं, है ना, डे टू डे में हम उसको व्यक्त भी करते हैं, तो उसको जान लेना, और जो मैंने जान लिया है उसको मान लेना, अर्थात जो जान लिया है माने तर्क विधि से जान लिया है उसको मानना अर्थात अभ्यास में लाना, है ना। तो जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना ही अभ्यास है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को माने हुए रहते हैं कि हम धन से सुखी हो जाएंगे, बल से सुखी हो जाएंगे, पद से सुखी हो जाएंगे, या किन्हीं और आस्थाओं से सुखी हो जाएंगे। इसको मना नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं भैया इसको ठीक ठीक जान लीजिए, है ना। तो जानने के क्रम में वो नीर छीर न्याय हो जाएगा, उसमें कितना सफलता हो सकती है नहीं सफलता हो सकती है स्पष्ट होने से हमारी आगे की ओर गति होगी और ये अभ्यास के लिए कारण बनेगा और यही अभ्यास है। तो माने हुई मान्यताओं को जानना और जो हमारी अभी जो नई सूचनाएं आ रही हैं यदि वो तर्क संगत विधि से हमें ठीक लगती हैं तो इसको मानना, मानने का मतलब है इसकी स्वीकृति, क्योंकि जो हम माने हुए हैं वही जीने में आता है। एक और सिद्धांत है ये पता लगाने का कि हमने क्या माना हुआ है और क्या सूचना है हमारे पास या क्या तर्क है, तो माना हुआ हमारे जीने में व्यक्त होता है ना। इसीलिए जो हमारे में सूचना और तर्क में जिसको जानकारी कह रहे हैं उस जाने हुए को मान लेना, इसलिए एक अनुभव की एक और परिभाषा आती है इसको कह रहे हैं जानने मानने के तृप्ति बिंदु को भी अनुभव कहा है ना। इस तरह से जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना ही अभ्यास है जिससे अनुभव की पात्रता उदय होती है, क्योंकि उसका फिर तृप्ति बिंदु आ जाएगा। तो अपने में ऐसा कुछ ना रहे कि मैं जो जानता हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ, अर्थात उसको जीने में अभ्यास नहीं करता हूँ, और जो माना हुआ हूँ इसको बिना जाने अभ्यास कर रहा हूँ, है ना। इसी को कहा है कि बिना जाने हुए मान करके अभ्यास करना या जीने में उसको जीना, यही एक आस्था विधि या रूढ़ी बात है। तो ये आस्था को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है, आस्था से विश्वास की जर्नी कर रहा है। तो जो भी हमने आस्था पूर्वक महापुरुषों के सद्वाक्यों को स्वीकारा हुआ है या भौतिकवादी ढंग से स्वीकारा हुआ है उसको जब जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे में वो स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कितना तथ्य है कितना तथ्य नहीं है, को जो सही है वो स्वीकार हो जाएगा, संस्कार में बदल जाएगा, जो भ्रम है वो छट जाएगा। इसलिए आस्था से विश्वास की जर्नी है। तो एक स्टेप फॉरवर्ड ही बात कर रहे हैं अपन, इसमें छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि माने हुए को जानने के लिए बात कर रहे हैं। उसको जानने के तरीके अपने पास ही हैं पहले से, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक, है ना, इसको जानने का अपने पास सार्वभौमिकता के रूप में, है ना, मल्टीप्लिकेशन के रूप में, रिपीटेबिलिटी के रूप में, क्या हमने जो माना है बार बार वैसा रिपीट होता है कि नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे पैमाने पर हम सच्चाइयों को जांच सकते हैं, इन माने हुए तर्कों को जांच सकते हैं। अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप निपुणता कुशलता तथा पांडित्य की चरितार्थता है। तो फाइनली अभ्यास से क्या पकड़ में आएगा, अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप निपुणता कुशलता तथा पांडित्य के रूप में व्यक्त होता है, यही उसकी प्रतिष्ठा एवं आप्त कामना भी है, है ना। आप्त कामना को आगे बताया है कि जो विकसित लोगों में अपने से कम विकसित के लिए जो प्रयास है उनको उनके लिए जो सहयोग है वही आप्त कामना है। तो अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप निपुणता कुशलता पांडित्य का स्पष्ट हो जाना है और यही उसकी प्रतिष्ठा है और यही उसकी आप्त कामना, अर्थात ऐसे पुरुष ऐसे व्यक्ति फिर दूसरों के लिए सहयोगी हो जाते हैं, उनको ऐसा संस्कारित करने में योगदान दे पाते हैं। मानवीय आचरण में प्रतिष्ठित निष्ठा ही सम्यक आचरण एवं व्यवहार है।
तो मानवीय आचरण में प्रतिष्ठित निष्ठा है, यही सम्यक आचरण और व्यवहार है, साथ ही यही समाधान और समृद्धि भी है। तो मानवीयता की सीमा में ही समाधान और समृद्धि प्रकट होती है। अति मानवीयता के प्रति निर्भ्रमता ही सम्यक ज्ञान है, और जो जहाँ हमें जो फाइनली लक्ष्य पर पहुंचना है उसके प्रति निर्भ्रमता हो जाना ही सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक आचरण व्यवहार एवं ज्ञान का प्रसारण ही आप्त पुरुषों की आप्त कामना है। तो जो मैंने कहा कि ऐसा इस ज्ञान की जो लोक व्यापीकरण हो जाए, सब तक ये पहुंच जाए, यही आप्त पुरुषों की आप्त कामना है और यही शास्त्र सार है। और शास्त्र उसी को कह रहे हैं जो अपन ने शुरू में पढ़ा था कि जो यथार्थता वास्तविकता सत्ता को दूसरे में व्यंजित करा दे, तो आप्त पुरुषों की आप्त कामना ये दूसरों में व्यंजित हो जाए, उसके लिए जो भी लिखित माध्यम है ना, यही शास्त्र है, यही शास्त्रों का सार है ना, सारांश है या उनका मूल रूप है। बढ़िया, तो मुझे